So good morning, dear students. Welcome to the revision of GS. That is, the course is basically design, drawing and safety. So if you look at the previous year's analysis, if you do, so last year in drawing, 5 questions were asked. Design में एक question पूछा गया था और safety में एक question पूछा गया था. 5 साल का अगर average लिया जाए, on an average, only 2 questions. 5 years का अगर average लिया जाए, तो only 2 questions were asked from the design part. 4 questions were asked from the drawing part and 3 questions were asked from the safety part. तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए, तो हमें ये पता चलता है कि drawing is the most important area जहाँ से UPSC question पूछ रहा है. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या है, पूरे क्योंकि हमें stipulated time के अंदर we have to revise everything, right? तो हम जो इसमें आपको बताने वाले हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ से UPSC सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, जिस UPSC ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, उस एरिया को हम लोग कवर करेंगे. तो अगर, क्योंकि ड्राइंग डिज़ाइन सेफ्टी इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है, अगर इसको शुरुआत किया जाए तो काफ़ी टाइम लगेगा इसको समझने के अंदर. तो हम सिर्फ उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिससे UPSC क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और आगे भी पूछे जाने की संभावना जिस टॉपिक से है वो टॉपिक हम कवर करेंगे. तो इसके अंदर ड्राइंग और सेफ्टी को हम ज़्यादा वेटेज देंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसका पूछा गया इसमें से क्वेश्चन. ठीक है, जहाँ तक सेफ्टी का सवाल है, तो सेफ्टी जो होता है, वी आर गोइंग टू गो फॉर एन ओवरव्यू ऑफ द सेफ्टी, और इसके अंदर ये भी देखेंगे बेसिकली सेफ्टी के लिए कॉमन सेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फाइन, बिकॉज सपोज आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई कहीं वेट फ्लोर है तो आप क्या सेफ्टी बरतोगे ताकि आपको हजार्ड नहीं हो, मतलब कि यू आर नॉट प्रोन टू सम एक्सीडेंट्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज देर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज और हर इंडस्ट्री में सेफ्टी के रूल्स वैरी करते हैं, तो एक ओवरऑल व्यू हम लोग देखेंगे सेफ्टी के लिए. और ड्राइंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द कॉनिक सेक्शन एंड इंजीनियरिंग कर्व्स, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में, तो हम लोग उसको कवर करेंगे इन अ वेरी गुड मैनर. ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे फ्रॉम द इंजीनियरिंग ड्राइंग, एंड उसमें भी सबसे पहले शुरू करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉनिक सेक्शंस, राइट? सो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो UPSC में पूछा गया है वो इसी टॉपिक से आया है, तो UPSC के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो कॉनिक सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, राइट? देखिए, कॉनिक सेक्शन जो, हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट. कॉनिक सेक्शन जो होता है, बेसिकली इसके अंदर दो चीज हमें पढ़ना होता है, राइट? व्हाट आर दोज थिंग? द फर्स्ट वन, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉनिक सेक्शन डिफाइंड एज सेक्शन ऑफ कोन, डिफाइंड एज सेक्शन ऑफ कोन. दो चीज हमें इसके अंदर देखना होता है, ठीक है, सेक्शन ऑफ कोन. What are those two things? तो पहला चीज हम आपको बता रहे हैं, कॉनिक सेक्शन डिफाइंड एज सेक्शन ऑफ कोन. सेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को कट करना, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसको किसी प्लेन से कट करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शनिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट? तो इसके अंदर देखते हैं पहले, कॉनिक सेक्शन डिफाइंड एज सेक्शन ऑफ कोन क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. और इससे, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन UPSC में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और आगे भी आने की संभावनाएं हैं. तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं, करेक्ट? फाइन, तो कम पढ़ो और अच्छा मार्क्स लेके आओ, वो चीज पढ़ो जिससे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये मेरा फंडा है, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, है ना? तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए होता क्या है, सपोज अज्यूम करते हैं एक चीज, सपोज वी हैव अ ट्रायंगल, कोई भी आप एक ट्रायंगल ले लो, राइट? सो लेट अस टेक एनी ट्रायंगल, ठीक, ये कोई ट्रायंगल है, सपोज ये कोई ट्रायंगल है, राइट? ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं अल्फा, राइट? सो लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा, करेक्ट? ये राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, और ये बेसिकली इसके अबाउट हम इसको रोटेट कर दें, लेट अस से दिस इज द एक्सिस जिसके अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप ये देखो, जैसे कि लेट अस से दिस इज एनी ट्रायंगल, है ना, ये कोई ट्रायंगल है, यू कैन सी दैट दिस इज एट 90 डिग्री एंड दिस इज द एक्सिस. आप इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करो, है ना? जब इसको बहुत स्पीड से रोटेट करोगे तो कैसा नजर आएगा? इट विल लुक लाइक अ कोन, है ना? ये कोन की तरह बन जाएगा. सो दैट मीन्स अगर इसको बहुत हाई स्पीड से घुमाया जाए तो आपको कैसा शेप नजर आएगा? सो द शेप दैट यू विल बी सीइंग, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो इसको मैं रफली बना देता हूं, है ना? इस तरीके से एक कोन बन जाएगा. अब आप एक चीज ध्यान से देखो, है ना, जब इसको रोटेट करोगे वेरी हाई स्पीड से, तो इस एक्सिस के अबाउट इफ यू आर गोइंग टू रोटेट इट, सो इट विल लुक लाइक अ
कोन, है ना, कोन की तरह बन जाएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, कोन में हम ये मान के चलते हैं, सपोज ये आपका क्या है, दिस इज द बेसिकली ये आपका ये है, दिस इज द पोर्शन ऑफ द कोन, यू कैन सी ओवर हियर, ये हो गया, है ना, ये आपका कोन का पोर्शन है, ठीक, ये है आपका कोन का पोर्शन। तो ये आपका ये ट्रायंगल है जिसकी एंगल कितना हमने ले रखा है, अल्फा। सपोज एट टी इज इक्वल टू टी नॉट पे ये प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन यहां पे, जब ये रोटेट करेगा आफ्टर सम टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, थोड़ी देर के बाद ये जो प्लेन आपका है ये थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा इधर कहीं, है ना, समवेयर हियर इस तरीके से आ जाएगा, राइट। तो ये आपका आ जाएगा, सो दिस इज द, यहां पे आ जाएगा ये, है ना, सो लेट अस से दिस इज एट t1 टाइम, है ना, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो t1 टाइम पे यहां पे आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद देखते हैं क्या होगा, सो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, थोड़ी देर के बाद ये जो ट्रायंगुलर प्लेन है इट विल मूव समवेयर हियर, है ना, ये यहां कहीं आ जाएगा, ये जो है ये यहां कहीं आ जाएगा, करेक्ट। ये किस टाइम पे आ गया, सो दिस इज एट t इज इक्वल टू t2 टाइम पे, है ना, हर इंस्टेंट टाइम पे, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ये जो प्लेन है इट विल बी एट डिफरेंट पोजीशन, इजंट इट। एंड फाइनली आप ये देख सकते हो कि ये जो प्लेन है, ये ट्रायंगुलर प्लेन है, फाइनली ये यहां पे आ जाएगा, है ना, फाइनली इट विल कम ओवर हियर, ये हो गया इसका, ठीक। लेट अस से दिस इज t3, तो आप क्या देख रहे हो कि अलग अलग इंस्टेंट पे इफ यू सी द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल इट विल बी एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, इजंट इट। अच्छा, एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम दिस आर द बेसिकली पोजीशन, जब ये यहां पे आ जाएगा तो इसको हम ओवरऑल एक फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, तो ये कैसा नजर आएगा इसको मैं बना के दिखाता हूं आपको, करेक्ट, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और साथ ही साथ You can see that these are the basically hypotenuse, है ना? अगर mathematics के terms में देखेंगे तो these are basically hypotenuse जो हमने बनाई। आप ये देखो, ये जो yellow line है, green line है, these are the basically hypotenuse of this triangle, है ना, इस तरीके से। अच्छा, कुछ part तो पीछे भी नजर आएगा, जो पीछे वाले नजर आएंगे वो उसको हम dot से दिखा देते हैं, hidden चीज को हमेशा हम लोग dot से दिखाते हैं, isn't it? अब ये जो चीज हमने बनाया है इसको बेसिकली एक नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज जनरेटर्स, क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज जनरेटर्स या जनरेटर, करेक्ट, दीज आर द जनरेटर्स। एंड ये जो पॉइंट है इसको बेसिकली बोलते हैं एपेक्स, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, एपेक्स। अब ये आप देख सकते हो ना, दिस इज द एक्सिस विच इज मेकिंग 90 degree, सो दिस इज कॉल्ड एज राइट सर्कुलर कोन, क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज राइट सर्कुलर कोन। राइट का मतलब होता है कि विच इज मेकिंग 90 degree, सर्कुलर का मतलब होता है द बेस ऑफ द सॉलिड और द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर इन शेप, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज राइट सर्कुलर कोन। तो बेसिकली हमें जो पढ़ना है दैट इज अ कोनिक सेक्शन एज अ डिफाइंड एज सेक्शन ऑफ कोन। अब ये जो कोन है इसको हमें कट करना है एट वेरियस एंगल और हमें चेक करना है कि किस किस एंगल पे आपको कैसा शेप मिलता है। तो अगर हम आपको एक दिखाना चाहेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हो, नाउ यू कैन सी दैट इन दिस पर्टिकुलर फिगर आपको ब्लैक ब्लैक लाइंस नजर आ रहे होंगे, दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज जनरेटर्स, है ना। आप देखो इसको अलग अलग शेप में, ये जो आप देख रहे हो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज जनरेटर्स, है ना, ये हो गया इसका बेस, ओके, दिस इज बेस। नाउ इफ आई मेक इट ट्रांसपेरेंट यू कैन सी दैट ट्रांसपेरेंट सभी, ये जो आपको लाइंस दिख रहे हैं ना, दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज जनरेटर एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, द हाइपोटेन्यूज इज एट डिफरेंट पोजिशन, ये सारे पॉइंट जो को जोड़ेंगे इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं जनरेटर्स, है ना। तो वही चीज हम यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, ओके, नाउ फाइन, ओके, अब राइट, तो अब हम लोग देखते हैं बेसिकली, फाइन, तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ जनरेटर। अब हम क्या करेंगे, इस कोन को वी आर गोइंग टू कट, सो व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ कट। नो, जो पहला जो है हम लोग इससे सर्कल निकाल सकते हैं, क्या क्या देखते हैं, व्हाट आर द वेरियस सेक्शन दैट वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस कोन, है ना, कोन को कट करने के बाद। अच्छा, व्हाइट बोर्ड नॉट विजल, नो प्रॉब्लम, है ना, कोई बात नहीं, आपको ये चीज समझ में तो आ गया होगा ना कि है क्या चीज, राइट, सो नो प्रॉब्लम, यू जस्ट वेट, एवरीथिंग विल बी क्लियर, ओके। देखिए सर्कल कैसे बनेगा, अब ध्यान से सुनिएगा, ये चीज तो समझ में आ गया कि जनरेटर क्या होता है ना, अब इसको कट करते हैं। अब हमारे पास देखिए सर्कल, हमें करना क्या है कि बेसिकली ध्यान से सुनते रहिएगा, है ना, ये सर्कल को कैसे बनाएंगे,
just look at this figure. Let us say this is the, let me change the color. Hai na? Correct. This is the right circular cone. अच्छा ये हो गया आपका क्या राइट सर्कुलर कोन है ना. हमको इसको कट करना, तो एक तरीका क्या हो सकता है कट करने का, ध्यान से देखिएगा. एक तरीका ये होता है कि हम क्या करेंगे, दिस इज द सेक्शनिंग, हम इस तरीके से कर दें, है ना, इस तरीके से कट कर दें. इस तरीके से कट करने का मतलब ये है कि जैसे कि जस्ट वेट फॉर वन सेकेंड, है ना, इसको हम इस तरीके से कट कर दे रहे हैं. देखिए ध्यान से देखते रहिएगा. करेक्ट. सो हमने इसको ऐसे कट कर दिया. अब ये क्या है, देखिए एक चीज यहां से देखिएगा, ये जो एंगल, ये तो आपका एक्सिस है ना, तो ये एंगल क्या है, दिस इज अल्फा. ये एंगल क्या है, ये तो अल्फा एंगल है ना, यू कैन सी दैट दिस एंगल इज अल्फा. तो एक्सिस के अबाउट ये एंगल क्या है, मैक्सिमम एंगल इज अल्फा. अल्फा को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अ सेमी एपेक्स एंगल. इसको बोलते हैं सेमी एपेक्स एंगल. ठीक, क्या बोलते हैं इसको, सेमी एपेक्स. अगर ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा ना, so that means the total angle is 2 alpha, है ना. alpha क्या है, this is the semi apex angle. clear, okay. अब देखिए यहां पे इस particular figure में ये angle कौन सा है, this angle is alpha. correct. अच्छा यहां पे एक और angle लेके आते हैं, let us say this angle, ये angle को हम beta बोल रहे हैं, and you can see that ये angle हो गया beta. करेक्ट. तो अल्फा इज द बेसिकली एंगल, ये वाला एंगल, क्योंकि जब ये कोन बनेगा तो जब ये कोन कंप्लीट होगा तो ये एंगल आपको हमेशा अल्फा ही नजर आएगा ना, दैट इज द मैक्सिमम एंगल दैट यू कैन सी, है ना. ये एंगल हमेशा कितना होगा, ये तो अल्फा का अल्फा ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, है ना. सो दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा. तो एक्सिस के अबाउट जो आपका एंड जनरेटर है, इसको हम लोग एंड जनरेटर बोलते हैं. सो दिस एंड जनरेटर इज गोइंग टू मेक अल्फा. ये हमारा जो हमने प्लेन बनाया, दिस इज कॉल्ड अ सेक्शन प्लेन, यानी कि कटिंग प्लेन. अब मैं आपको एक फिगर से दिखाने की कोशिश करता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. देखिए ध्यान से देखते रहिएगा. You can see that this is an object, है ना, बिल्कुल यही चीज है हमने यहां पे बनाने की कोशिश की. ध्यान से सुनते रहिएगा. ये आपका एक right circular cone है. You can see that this is called a section plane. इससे हमने इसको कट कर दिया है. करेक्ट. एग्जैक्टली यही सिचुएशन यहां पे क्रिएट करने की हमने कोशिश की है. सो दिस इज द कोन एंड दिस इज बेसिकली कट बाय दिस हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन. करेक्ट. कट करने के बाद जब हम इसको हटाएंगे तो क्या शेप नजर आएगा, दैट वी हैव टू फाइंड. नाउ यू कैन सी दैट ये जो सेक्शन प्लेन है, दिस सेक्शन प्लेन इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन. ये जो कोन का बेस और ये चीज एग्जैक्टली पैरेलल है, और ये एंगल, अच्छा ये अगर एक्सिस है, नाउ यू कैन सी दैट दिस ब्लैक, इफ दिस इज द एक्सिस, सो व्हाट इज द एंगल दिस प्लेन इज मेकिंग विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस. आप बोलोगे सर ये तो 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि यहां पे बीटा की जो वैल्यू है, बीटा इज द बेसिकली एंगल मेड बाय द सेक्शन प्लेन विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस. ये आपका एक्सिस है ना, तो एक्सिस से कितना प्लेन कितना डिग्री पे है ये, आप बोलोगे सर ये तो 90 डिग्री पे है. या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर बीटा 90 डिग्री है तो उस केस में ये प्लेन और द बेस इट विल बिकम पैरेलल, है ना, ये पैरेलल हो जाएगा. तो हमने क्या केस ले रखा है, हमने केस ये ले रखा है कि बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, दैट इज सेक्शन प्लेन, दैट इज सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन, है ना. आप क्या कर रखे हो, बीटा 90 डिग्री का मतलब हो गया कि आपने सेक्शन प्लेन को किसके पैरेलल ले रखा है, बेस ऑफ द कोन. आपके सामने देखिए 90 डिग्री है. अब आपको सेक्शनिंग करना, यानी कट करना है. जो कट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये कट किया हमने, है ना, कट कर दिया. कट करके जब हम सेक्शन प्लेन को हटाएंगे, देखिए हमने सेक्शन प्लेन को हटाया, सो व्हाट इज द शेप यू कैन सी, इसको मैं यहां रख देता हूं. सो व्हाट इज द शेप यू कैन सी, आप देखिए आपके सामने ये चीज, इट इज नथिंग बट अ सर्कल, है ना, आपको एक सर्कल नजर आ रहा है. तो यानी कि जब हम इसको कट कर रहे थे, ये ऐसे इस तरीके से कुछ था, है ना, आपने जब इसको बिल्कुल एक प्लेन से कट किया इस तरीके से, सो व्हेन यू आर गोइंग टू कट इट बिल्कुल पैरेलल टू द बेस, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब आप इसको कट कर रहे हो तो इट इज लुकिंग लाइक अ सर्कल. यानी कि अगर इसको हम यहां पे दिखाने की कोशिश करें, इफ आई वॉन्ट टू शो यू हियर, सो यू कैन सी दैट द शेप दैट आई एम गोइंग टू ऑब्टेन, इट इज बेसिकली सर्कल,
है ना। अब क्या होता है, 3D में विजुअलाइज करना वेरी डिफिकल्ट है, अगर हम सिर्फ इतना बताते तो आपको समझ में नहीं आता। दैट इज वाई आई यूज द मॉडल्स, है ना। क्लासरूम में भी हम मॉडल्स का भी इस्तेमाल करके हमने स्टूडेंट को समझाया था, आपको भी ऐसे समझा रहे हैं, है ना। आपके सामने हमने सब चीज रखा है ना। सो दिस इज द सर्कल दैट यू कैन सी। सो कंडीशन क्या है, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और द सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू द बेस। अगर ये कंडीशन हो जाएगा और अगर आप कोन को कट करोगे, व्हाट इज यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट अ सर्कल, इजंट इट। ओके फाइन, नेक्स्ट सेकेंड पे आ जाते हैं। सेकेंड हम बनाते हैं एलिप्स, देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। आपको नोट करने की जरूरत नहीं, आप सुनते रहो, है ना, क्योंकि आप नोट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतना टाइम में हम बहुत चीज जो है मेन चीज जो मेजर चीज जो यूपीएससी का वो कवर नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको नोट करना है तो आप फटाफट रफ करते रहो, है ना, ठीक है। अब देखिए एलिप्स हमें बनाना है, ठीक, ये हमारा कोन है, ठीक है, करेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, तो इस केस में हम लेटर से दिस इज द सेक्शन प्लेन, इस तरीके से हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक, ये हमारा सेक्शन प्लेन है, करेक्ट। नाउ दिस इज द सेक्शन प्लेन, फाइन। अच्छा ये एंगल कितना है, आप बोलोगे सर ये एंगल तो अल्फा है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल है बीटा, तो क्लियरली आपको ये नजर आ रहा है कि बीटा अल्फा से तो बड़ा है बीटा, है ना, क्या नजर आ रहा है, बीटा की वैल्यू आई हैव केप्ट ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे तो सर्कल बन जाएगा, इस ये कंडीशन हमने बना दिया। अब जो हमें मिलेगा वो बन जाएगा एलिप्स। आप बोलोगे सर कैसे मिलेगा ये, तो देखिए मेरे पास इसका भी मॉडल है, ये देखिए दिस इज द एग्जैक्ट सिनेरियो दैट आई हैव क्रिएटेड ओवर हियर, है ना। एक कोन है, इसको हमने कट किया है, यू कैन सी दैट दिस इज द कोन एंड इट इज बेसिकली कट बाय द सेक्शन प्लेन, एग्जैक्टली ऐसा है। जब हम सेक्शन प्लेन से कट कर रहे हैं, अब इसको हम हटाते हैं, इसका मुंडा उड़ा देते हैं, उड़ गया, देखिए क्या नजर आ रहा है, इट इज नथिंग बट योर एलिप्स। अच्छा इसको भी हटा के दिखाते हैं आपको, है ना, सी द शेप, इट इज नथिंग बट द एलिप्स, है ना, ये क्या नजर आ रहा है, इट इज नथिंग बट द एलिप्स बन रहा है ये चीज, है ना। तो ऐसे करने से एलिप्स बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर केस में इफ आई ड्रॉ, सो आई एम गोइंग टू गेट एन एलिप्स, ये बन जाएगा आपका एलिप्स, क्लियर। फाइन, ओके, ये बन जाएगा एलिप्स, तो आपका बन जाएगा, दिस इज द कंडीशन। अब तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा पैराबोला के लिए देख लेते हैं, है ना, पैराबोला के लिए। सो अगेन आई एम गोइंग टू टेक द शेप, दिस इज द बेसिकली बेस, करेक्ट। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हमने एक लाइन लिया है, लाइन को इस तरीके से लिया गया, सो दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू वन ऑफ द जनरेटर, वन ऑफ द एंड जनरेटर। ये लाइन किसके पैरेलल है, वन ऑफ द एंड जनरेटर। अच्छा अगर ऐसा है ना, व्हाट इज दिस एंगल, आप बोलोगे सर ये एंगल तो अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ओके, हम लोग एंगल को बाद में देख लेते हैं, पहले लेट मी ड्रॉ द सेक्शन प्लेन फर्स्ट, है ना। ये हमने बना दिया इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कुछ बना दिया। अब हम जरा एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज अल्फा, राइट। अच्छा तो ये एक्सिस से ये कितना एंगल, अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो ऐसे, सपोज आई एक्सटेंड दिस, है ना, इसको जरा एक्सटेंड कर देते हैं। अब चूंकि अगर आपके पास मैथ्स, बेसिक मैथ्स ये बताता है कि चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल जो बीटा होगा, विच इज बेसिकली सेक्शन प्लेन इज मेकिंग, ये भी अल्फा के बराबर हो जाएगा, चूंकि ये लाइन और दिस प्लेन इज पैरेलल टू वन ऑफ द जनरेटर। तो अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है एक्सिस के साथ, तो ये एंगल को बीटा बोलते हैं, तो है ना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज ऑल्सो बीटा इज इक्वल टू अल्फा। इस केस में क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा। बीटा इक्वल टू अल्फा का मतलब ये हो गया कि दिस सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू द एंड जनरेटर। इसका मतलब ये हो गया कि सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू एंड जनरेटर, इज पैरेलल टू एंड
जनरेटर है ना, किसी भी एक एंड जनरेटर के पैरेलल है, पैरेलल टू एनी एंड जनरेटर है ना, क्योंकि इधर भी तो एंड जनरेटर है, तो ये हो गया ये है ना। तो बेसिकली ये एंगल है आपका अल्फा है, करेक्ट, ये एंगल 90 डिग्री है। अब चूंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी तो अल्फा है ना, ये एक्सिस से ये भी तो अल्फा बनेगा, तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो शेप क्या नजर आएगा, शेप जो आएगा, शेप जो आएगा, देखिए मेरे पास ये शेप है, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द शेप है ना, एग्जैक्टली यही चीज हमने बनाया। यू कैन सी दैट ये जो आपका सेक्शन प्लेन है इट इज पैरेलल टू द वन ऑफ द एंड जनरेटर, ये एंड जनरेटर के बिल्कुल ये आपको दिख रहा होगा, सो एंड जनरेटर के पैरेलल ये है, सो दिस सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू दिस एंड जनरेटर, सो व्हाट द शेप आई एम गोइंग टू गेट, देखिए मैं आपके सामने अलग कर रहा हूं, ये हमने अलग कर दिया, देखिए हो गया अलग, व्हाट इज द शेप, ये जो शेप आया, अब मैं इसको भी हटा के दिखाता हूं आपको, So, इसको भी अगर हटाते हैं, सो व्हाट इज द शेप, इट इज कॉल्ड अस पैराबोला है ना। तो यानी कि अगर हम इसमें अगर दिखा दें, राइट, तो अगर हम इसमें दिखाएं आपको तो जो शेप बनता हुआ नजर आएगा, सॉरी, द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट इट इज नथिंग बट द पैराबोला है ना, ये चीज आ जाएगा, पैराबोला आ गया, यू कैन सी आपके सामने ये चीज पैराबोला हमने बना दिया है, करेक्ट। तो ये तो हो गया आपका पैराबोला। चलिए अब डी पे आ जाते हैं, हाइपरबोला, हाइपरबोला, करेक्ट, फाइन। तो हाइपरबोला के लिए फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, हाइपरबोला, सो दिस इज द बेसिकली बेस, ये हो गया हमारा, ठीक। सो लेट मी टेक द सेक्शन प्लेन, करेक्ट। नाउ दिस एंगल इज अल्फा, यहां पे ये आप ये देख सकते हो कि ये जो दोनों है ये दोनों पैरेलल हो गए, दैट मींस द सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस। तो सेक्शन प्लेन कितना हो गया, बीटा, यहां पे बीटा की वैल्यू क्या है, बट ऑब्वियस इट इज जीरो, इस पर्टिकुलर केस में हमने जो लिया है बीटा इज इक्वल टू जीरो, यू कैन सी दैट दिस सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर। तो कंडीशन जो होता है वो दैट इज जीरो ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन बीटा है ना, क्योंकि अल्फा अगर बीटा के बराबर हो जाएगा तो पैराबोला बन जाएगा। तो आपको पैराबोला से कम यानी कि अल्फा की वैल्यू बीटा से कम लेकिन जीरो के बराबर करोगे तो जो कट के प्लेन आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, हाइपरबोला। तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूं है ना, सो सी हियर दिस इज बेसिकली सेक्शन प्लेन, यू कैन सी इजंट इट, सो दिस इज द सेक्शन प्लेन, राइट, एंड यू कैन सी दैट दिस सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू दिस एक्सिस, एग्जैक्टली पैरेलल है। तो अगर हम इसको कट करेंगे है ना, तो इसको हम कट कर देते हैं, देखिए आपके सामने मैंने निकाला, सो द शेप, दिस शेप इज बेसिकली, इफ आई रिमूव दिस पेपर ऑल्सो और दिस प्लेन, सो दिस इज कॉल्ड एज हाइपरबोला, राइट। तो ये बन गया आपके लिए हाइपरबोला, सो दिस इज योर हाइपरबोला, करेक्ट, दिस इज योर हाइपरबोला, फाइन। सो आई होप ऑल द फोर, नाउ ठीक, ये चार आपके हो गए सेक्शन। तो कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम है ना, कि किस कंडीशन पे क्या बनेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इफ आई कैन शो यू, अब आपको दिखाता हूं, देखिए इफ यू सी दिस है ना, अगर आप इस फिगर को देखोगे तो आपको एक क्लियर 3D फिगर में समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले को हमने ऐसे कट किया था, क्या मिला था, सर्कल। जब इसको थोड़े से एंगल पे कट किया है ये क्या बन गया, एलिप्स, और एंगल पे कट किया है इस तरीके से, सो दैट ये जो आपका है और ये जो एक्सिस है, अगर आप देखोगे ना, दिस इज ये एंड जनरेटर के पैरेलल है ना, ये जो है पैराबोला के केस में क्या होता है कि द एक्सिस जो आपका सेक्शन प्लेन है और वन ऑफ द एंड जनरेटर इट इज ऑलवेज पैरेलल। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली हाइपरबोला है ना, तो ये हो गया आपका हाइपरबोला। तो इसका शेप कैसा है, इस तरीके से, इसका शेप कैसा है, इट इज दिस। हाइपरबोला पैराबोला में क्या है, द फ्लेयरिंग का फर्क है, फ्लेयरिंग मतलब होता है कि ये कितना अलगाव है दोनों के बीच में है ना, व्हाट इज द बेसिकली ये चीज, इस दोनों का, देखिए इस दोनों का फर्क है हाइपरबोला और पैराबोला में, राइट। सो दिस इज द क्लियर 3D पिक्चर दैट यू कैन सी ओवर हियर है ना, आप देखो ध्यान से, यही चीज हमने आपको करके दिखाया है ना, यही चीज आपको हमने करके दिखाया। देखिए ये था आपका सर्कल, एग्जैक्टली यही चीज है ना, देखिए सर्कल ऐसा था, करेक्ट,
ये था आपका एलिप्स, करेक्ट। ये था आपका पैराबोला और ये रहा आपका हाइपरबोला, इजंट इट? सो आई होप नाउ थिंग्स आर क्लियर, राइट? फाइन, अच्छा अब आगे जरा चलते हैं इसके। नाउ अब इसमें कुछ चीजें जो आपको पता होना चाहिए, फाइन, क्या है, नोट करके। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, पहला चीज तो ये है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है ना? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला का स्पेशल केस है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के कंडीशन क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। सो कंडीशन क्या है, पहला जो ये है कि जो 2α इट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, या दैट इज एपेक्स एंगल, एपेक्स एंगल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, है ना? एपेक्स एंगल, अब यहां पे देखिए, इन दिस पर्टिकुलर केस दिस वाज अल्फा वाज नथिंग बट योर सेमी एपेक्स एंगल। अल्फा क्या था? सेमी एपेक्स एंगल था। अगर ये टोटल 2α अगर 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, पहला कंडीशन तो ये है, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन इज दिस वन। सेकंड सेक्शन प्लेन, और यू कैन से द सेकंड कंडीशन इज बीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज सेक्शन प्लेन, सेक्शन प्लेन और कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन। और थर्ड ये है कि द सेक्शन प्लेन मस्ट नॉट पास थ्रू एपेक्स, द सेक्शन प्लेन मस्ट नॉट पास थ्रू एपेक्स। तो जो आपके पास बनेगा थ्रू एपेक्स जो बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर इफ आई शो यू, सो आई सेड दैट दिस एंगल शुड बी एट व्हाट एंगल? इट शुड बी एट 90 डिग्री। सो लेट मी मेक फर्स्ट 90 डिग्री, है ना? दिस इज द कैसे ऑलमोस्ट 90 डिग्री, इजंट इट? एंड देयर इज, देयर शुड बी, आई थिंक दिस मच इज फाइन, करेक्ट? सो दिस एंगल इट इज हाउ मच? इट इज योर 90 डिग्री, फाइन। अच्छा लेट अस से दिस इज द एपेक्स एंड दिस इज द एक्सिस, इजंट इट? अच्छा सेक्शन प्लेन क्या होना चाहिए? इट शुड नॉट पास थ्रू सेक्शन प्लेन, इट शुड नॉट पास थ्रू द एपेक्स। अब आपके मन में नेक्स्ट सवाल ये आएगा कि सर व्हाट विल हैपन, अगर वो एपेक्स से पास ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना? आपके मन में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल कम इन योर माइंड, बट ऑब्वियस कि व्हाट विल हैपन इफ इट इज गोइंग टू पास थ्रू एपेक्स, क्या होगा, है ना? इस तरीके से कुछ सिचुएशन है। तो ऑब्वियस ही बात है, चीजें तो ऐसी ही बनेंगी ना, बस हमने एंगल को कितना रखा है, वी हैव मेड जस्ट एंगल एज 90 डिग्री, द शेप इज नॉट गोइंग टू, द एवरीथिंग विल बी सिमिलर। सो आई विल ड्रॉ द फ्री हैंड, राइट? दिस इज द शेप आई एम गोइंग टू ऑब्टेन, दिस इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, करेक्ट? सो दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, नाउ बट ऑब्वियस व्हेन आई राइट द सेक्शन प्लेन मस्ट नॉट पास थ्रू एपेक्स, तो कुछ स्टूडेंट के मन में आएगा सर अगर एपेक्स से पास हो जाएगा तो क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, तो ये हमारा नोट नंबर 2 बन जाएगा, है ना? सो इफ सेक्शन प्लेन पासेस थ्रू एपेक्स देन क्या बनेगा, जरा देख लेते हैं। देखिए अगर सेक्शन प्लेन एपेक्स से पास करेगा, सो लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट, है ना? इसको हम, सो लेट मी ड्रॉ इट हियर, लेट अस से दिस इज द बेसिकली, करेक्ट? ये हो गया सेक्शन प्लेन जो है ये पास हो रहा है कहां से, लेट अस से दिस इज द सेक्शन प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द एपेक्स, है ना? ये बिल्कुल इसको चीरते फाड़ते हुए, थोड़ा सा इसको और, है ना, इस तरीके से चीरते फाड़ते हुए ऐसे निकल गया,
करेक्ट। तो देखिए सेक्शन प्लेन को एपेक्स, अब क्या होता है कि इस तरीके से इमेजिन करना इज लिटिल डिफिकल्ट, सो लेट मी शो यू विथ माय मॉडल। सी हियर, दिस इज अ ट्रायंगल, सॉरी दिस इज द कोन, यू कैन सी दैट, एंड दिस सेक्शन प्लेन इज एग्जैक्टली पासिंग थ्रू द एपेक्स। अब देखो है ना, एपेक्स से पास हो रहा है, करेक्ट। नाउ दिस इज पासिंग थ्रू एपेक्स, नाउ व्हाट इज द सेक्शन देयर ऑफ, सो इफ आई रिमूव इट इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट इज द शेप, नाउ इसको भी जरा हटा देते हैं, what is the shape you are going to get, this is nothing but an isosceles triangle, isn't it, this is nothing but your isosceles triangle, to isosceles triangle aapko banta hua nazar aayega, to main yahan pe bana deta hu, hai na, so this is an isosceles triangle that you are going to get, ye cheez ban jayega, so this is the isosceles triangle, hai na, kaun sa triangle bana, so then n, so let me change the color, then n isosceles triangle, sorry, isosceles triangle is formed. तो यहां से हमें क्या पता चला कि एक कोन को अगर काटा पीटा जाए तो इतने सारे शेप्स बन सकते हैं। सो दिस आर द कंप्लीट सेट ऑफ द कोनिक सेक्शंस दैट यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम सेक्शनिंग अ कोन, है ना, कोन को कैसे भी आप कट लो इसके अलावा और कोई शेप आप लेके नहीं आ सकते, सो एवरी काइंड ऑफ शेप वी हैव कंसिडर्ड इन दिस। तो एग्जाम में यूपीएससी में पूछा गया था इसके बारे में, क्वेश्चन आया था, अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे उसमें क्लियरली मेंशन था द सेक्शन प्लेन इज नॉट पासिंग थ्रू द एपेक्स, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे 2017 में पूछा गया था ये सवाल, द सेक्शन प्लेन सारा चीज यही कंडीशन था, इसमें लिखा था द सेक्शन प्लेन इज नॉट पासिंग और इट इज अवे फ्रॉम द एपेक्स, ठीक है, अगर हो सकता है इस बार ये पूछ दे सारा कंडीशन में दे दे बट द सेक्शन प्लेन इज पासिंग थ्रू द एपेक्स, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जगह आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरीके से चालाकी से क्वेश्चन सेट की जा सकती है, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन के बारे में हमने देखा, चलिए ये तो हो गया पहला चीज, नेक्स्ट सेकेंड चीज जरा देख लेते हैं, कोनिक सेक्शन डिफाइंड एज, कोनिक सेक्शन डिफाइंड एज लोकस ऑफ पॉइंट, ये दूसरा चीज है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, isn't it, I hope everyone, आप लोग समझ में आ रहा होगा आई गेस, isn't it, फाइन। सो कोनिक सेक्शन डिफाइंड एज लोकस ऑफ पॉइंट, सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, क्योंकि मैंने हर मॉडल को आपके सामने समक्ष रख करके बताया था, है ना, देखिए आपके सामने सारा चीज हमने कट पिट करके दिखाया है, राइट, ओके, सो फाइन, ओके, नाउ कोनिक सेक्शन डिफाइंड एज लोकस ऑफ पॉइंट, राइट, तो ओके, सो एवरीवन इज गेटिंग व्हाट आई वांट टू सी, ओके, यस, क्लियर सर, फाइन। सी सिप्टिक, क्या नाम इनका, अच्छा क्रिप्टिक वर्स, 2 अल्फा इज नॉट 90, देन वी विल गेट हाई, वी विल गेट पैराबोला। देखिए पैराबोला का कंडीशन ये होता है ना, एक एक कंडीशन पे ध्यान दीजिए, विदाउट कंडीशन डोंट जज, कंडीशन ये है कि सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू एनी एंड ऑफ द जनरेटर, ये होना जरूरी है तभी पैराबोला बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा पैराबोला, है ना, कैसे कटपिट करने से कुछ भी नाम नहीं दे सकते हैं, सो देर आर द कंडीशन, दीज आर द बेसिक कंडीशन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, चलिए कोनिक सेक्शन डिफाइंड एज लोकस ऑफ पॉइंट, ओके, देखिए होता क्या है इसके अंदर, सो लेट मी शो यू, सपोज दिस इज बेसिकली योर लाइन, ठीक, इस लाइन को, ओके, एंड लेट अस से दिस इज अनदर लाइन, फाइन, इसका कुछ नाम कर देते हैं, लेट अस से दिस इज डी, लेट अस से दिस इज डी डैश, दिस इज सी, एंड से दिस इज सी डैश, करेक्ट, दिस डी डी डैश इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स, एंड सी सी डैश इट इज कॉल्ड एज एक्सिस, करेक्ट, दोनों कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, बट ऑब्वियस है, सो डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस दे मेक ऑलवेज 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर। हम यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं विच इज फिक्स्ड एंड लेट अस कॉल इट एज एफ, राइट, एफ जो है इट इज बेसिकली कॉल्ड एज फोकस एंड इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये मूव नहीं करेगा, दिस पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ओके, लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब ये होता है कि द पॉइंट इज गोइंग टू मूव इन द स्पेस और इन द प्लेन, है ना, एक 2D प्लेन पे दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू मूव इट, राइट, तो हम क्या कर रहे हैं कि सपोज आई एम टेकिंग अ पॉइंट ओवर हियर, कोई भी पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो, लेट अस से दिस पॉइंट इज P, एंड इफ आई ज्वाइन दिस P विद दिस फोकस एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, सो दिस इज बेसिकली एट 90 डिग्री, राइट, सो लेट मी कॉल इट एज E, दिस इज P
एंड दिस इज ई. सो दिस इज अ पॉइंट विच इज गोइंग टू मूव. ये पूरे प्लेन पे मूव कर रहा है, राइट. सो बेसिकली दिस ई इज बेसिकली दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, राइट. नाउ दिस पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है सो दैट द रेशियो पी एफ अपॉन पी ई इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट. किसी भी कोन के लिए, किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए, मीन मैथमेटिक्स, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ पॉइंट, दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ मैथ्स. तो पी एफ अपॉन पी ई रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट होना चाहिए, राइट. तो देखिए, अगर ये कॉन्स्टेंट है तो आप इसका एक यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो ना. सो लेट मी टेक इसका अगर एक मिरर इमेज ले लें यहाँ पे. सपोज आई एम टेक अ मिरर इमेज. सो लेट अस से दिस पॉइंट विल बी हाउ मच. दिस पॉइंट इज पी, है ना. ये पॉइंट आपका पी है एंड दिस इज बेसिकली डिस्टेंस लाइक दिस. ये क्या है? दिस इज योर ई, दिस इज परपेंडिकुलर. तो हमें ये पॉइंट मूव कर रहा है. दिस पॉइंट इज मूविंग सच दैट पी एफ अपॉन पी ई रेशियो इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. यानी कि आपको पॉइंट को इस तरीके से मूव कराना है सो दैट पी एफ अपॉन पी ई रेशियो इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, है ना. चेंज नहीं करना है. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट ले करके आपको पॉइंट को मूव कराना है. थोड़ी देर के बाद सपोज ये पॉइंट यहां पे आ गया, है ना. सपोज ये पॉइंट घूमते घूमते ऑब्वियसली एक्सिस को कट करेगा तभी तो ये आएगा. तो जब आप ये सारे कर्व को, जब सारे पॉइंट को आप जोड़ोगे, है ना. सो व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स यू आर गोइंग टू गेट अ कर्व समथिंग लाइक दिस. यू आर गोइंग टू गेट अ कर्व समथिंग लाइक दिस, है ना. अच्छा, ये जो कर्व बना है इसी कर्व को बोलते हैं कोनिक. दिस कर्व इट इज कॉल्ड एज कोनिक्स. इसको क्या बोलते हैं मैथ्स में? इट इज कॉल्ड एज कोनिक, ठीक है. इसको बोलते हैं, वी कॉल इट एज कोनिक, राइट. अब ये दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यू कैन सी ओवर हियर, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग वी से दिखाते हैं और इस वी को बेसिकली कॉल्ड एज वर्टेक्स. सो वर्टेक्स इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक विद द एक्सिस. वर्टेक्स क्या होता है? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक विद द एक्सिस, राइट. तो बेसिकली ये जो पॉइंट पी है इट इज बेसिकली मूविंग, है ना. तो यानी कि इस पाथ पे कहीं पे भी आप चले जाओ, है ना. इसका क्या मतलब है कि ऑन दिस पाथ इफ यू मूव एट एनी पॉइंट, यहां पे भी जाओ, यहां जाओ, कहीं पे भी जाओ, पी एफ अपॉन पी ई रेशियो विल बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट. तो हम लोग कोनिक सेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली? इसको डिफाइन क्या सकता है? इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट. इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, विच मूव्स इन अ प्लेन such that the ratio of the distance, such that the ratio of the distance from focus and directrix is always constant. और ये जो constant है known as eccentricity, इसको क्या बोलते हैं? Eccentricity बोलते हैं. Known as eccentricity, और इसको किससे दिखाते हैं? Small letter e से, correct? है ना? इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? It is called as. तो ये जो PF upon P is a constant है, it is basically nothing but eccentricity. अब यहाँ पे तीन cases possible हैं, isn't it? So I hope mathematics आपको समझ में आ गया इसका. So basically there are three conditions that are basically prevailing. What? PF upon PE. Now possible क्या हो सकता है? PF can be greater than PE. Second possibility, PF can be equal to PE. Third possibility, PF can be less than PE. यही तीन चीज हो सकता है ना किसी भी कोनिक में. तो यहां पे हमारे पास टोटल कितने केसेस आ रहे हैं? थ्री केसेस आर देयर. सो लेट अस डिस्कस ऑल दिस थ्री केसेस. केस वन व्हेन पीएफ इज ग्रेटर देन पीई, है ना. या फिर इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे नहीं लिखते. केस वन, मैं बाद में इसको फिल करता हूं. एक्सेंट्रिसिटी क्या है? पीएफ अपॉन पीई, करेक्ट. लेट अस से इट इज ग्रेटर देन पी एफ अपॉन पी. ओके, सो हम यहां पे ये कहते हैं कि पी एफ, पहला केस तो ये हो सकता है कि चलो ले ही लेते हैं, पी एफ इज ग्रेटर देन पी ई. सो एट पी एफ ग्रेटर देन पी ई, इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा हो जाएगा,
है ना, पहला केस लेके चल रहे हैं व्हेन पीएफ, क्योंकि इसेंट्रिसिटी क्या है, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है ना भाई, जरूरी थोड़े है कि इट इज ऑलवेज इक्वल, इट कैन बी एनी डिस्टेंस, इट कैन बी एनी डिस्टेंस, सो द रेशियो हैज टू बी कांस्टेंट, सो द पॉसिबिलिटी इज दैट पीएफ कैन बी ग्रेटर देन पी, इट देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी पीएफ इज इक्वल टू पी, देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी पीएफ इज लेस देन पी, कुछ भी हो सकता है इसमें. तो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेक इज पीएफ इज ग्रेटर देन पी, सो दैट मींस एट पीएफ इज ग्रेटर देन पी, ऑब्वियसली न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो ई इज ग्रेटर देन 1, सो दिस कर्व इज कॉल्ड एज हाइपरबोला. तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कंडीशन, दैट मींस इफ ई इज ग्रेटर देन 1 इट इज कॉल्ड एज हाइपरबोला. अच्छा, इसके साथ एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए, दूसरा चीज हो सकता है कि आपसे पूछा जाए एप्लीकेशन बेस्ड, है ना. हाइपरबोला का यूज कहां करते हैं, हाइपरबोला का यूज किया जाता है कूलिंग टावर्स, फ्लावर वेसेस, टावर्स फ्लावर वेसेस एटसेट्रा बनाने में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, तो एक दो आपको पता होना चाहिए, इजंट इट करेक्ट. तो देखिए बेसिकली राइट, तो हाइपरबोला बन गया, इसको बोलते हैं हाइपरबोला, एप्लीकेशन कूलिंग टावर. फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू आप इस फिगर देखो, सी दिस फिगर वेरी केयरफुली, यू कैन सी दैट एक शेप आपको नजर आ रहा है यहां, है ना, ये शेप ऐसा नजर आ रहा है, इधर भी एक शेप नजर आ रहा है इस तरीके से, दिस इज शेप इज कॉल्ड एज हाइपरबोला, है ना. तो आपने देखा होगा इस तरीके से बेसिकली किसी थर्मल पावर प्लांट में यू हैव सीन आपने देखा भी होगा. तो ये जो होता है दिस कर्व, इट इज बेसिकली योर हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कूलिंग टावर, ठीक है. ओके, लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल. इस पर्टिकुलर में देखिए, ये फ्लावर वेस है ना, फ्लावर वेस का ये पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन, जस्ट सी दिस पोर्शन, दिस इज हाइपरबोलिक इन शेप, है ना. तो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल सकते हैं, मिल जाएगा, जिसमें बेसिकली यू विल गेट दिस थिंग्स. ओके, नेक्स्ट केस नंबर टू, लेट अस कम टू द केस नंबर टू. केस नंबर टू, जब हमारा पीएफ इज इक्वल टू पीई के बराबर है, करेक्ट. सो अगर हम एट पीएफ इज इक्वल टू पीई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी, इट विल बी 1. इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पैराबोला. क्या बोलते हैं? पैराबोला, ठीक. ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसेंट्रिसिटी 1, दैट इज इट इज कॉल्ड एज पैराबोला. दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड. कहां पे यूज करते हो भाई, ये तो बताओ, पढ़ तो रहे हो, एप्लीकेशन भी तो समझ में आना चाहिए. तो इक्वल टू 1 पे पैराबोला, एप्लीकेशन दैट इज ट्रेजेक्टरी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ट्रेजेक्टरी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, यानी कि किस पाथ, अगर एक ऑब्जेक्ट को फेंका जाए हवा में तो क्या ट्रेजेक्टरी होगी, किस पाथ को फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्टरी ऑफ ऑब्जेक्ट. यू कैन से दैट एंटेनास और डिश एंटेनास, यू कैन से दैट डिश एंटेनास एटसेट्रा, बहुत सारे. अच्छा, उसके बाद हम कह सकते हैं पैराबोलिक लैंप्स, मिरर्स, है ना, पैराबोलिक लैंप्स, मिरर्स एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मिरर्स एटसेट्रा, है ना, पैराबोलिक मिरर, जैसे कि, है ना. सो ये इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको यहां पर दिखाएं जरा फिगर में, आप देखो यहां पर ट्रेजेक्ट्री, ध्यान से देखो, ध्यान से देखते रहेगा, यहां से पानी का नोजल है, ये ट्रेजेक्टरी मतलब क्या, पानी मान लीजिए ये तो ठीक है कंटिन्यूअसली झरना की तरह बह रहा है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी. व्हेन जब ये शुरू होगा तो ये जो ट्रेजेक्टरी आप देख रहे हो, ये जो ट्रेजेक्टरी है ये पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी है, है ना, पीछे वाला भी झरना में से ऐसे कुछ पानी बह रहा है. सो दिस ट्रेजेक्टरी इट इज ऑलवेज पैराबोलिक इन शेप. आई होप इट इज क्लियर, आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा, करेक्ट. ओके, यस, हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हावड़ा ब्रिज में भी इस्तेमाल किया है. हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, क्योंकि क्लास में जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने बोले भी थे, ठीक है. तो फिगर के रूप में हम आपको अभी दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो एंटेना है, डिश एंटेना है ना, ये जो शेप है, ये वाला शेप, ये देख रहे हैं ऐसे कर्व बना हुआ ना, ये कर्व, इसको बेसिकली पैराबोलाइड बोलते हैं, यानी पैराबोला को घुमाओ दोगे ना, पैराबोला को एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करोगे ना तो शेप बन जाएगा पैराबोलाइड, पैराबोलाइड इसको बोलते हैं ना, क्योंकि 3D फिगर है, 2D में ये पैराबोला, ये जो है ना कर्व, ऐसा कर्व जो होता है दैट इज पैराबोलिक इन शेप, करेक्ट. आई होप इट इज क्लियर, फाइन. इस शेप को बोलते हैं पैराबोलाइड, है ना, जब इसको हम घुमा देंगे ना पूरा 360 डिग्री रोटेट करोगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से बन जाएगा, करेक्ट. ये हो गया बेसिकली पैराबोला, ठीक. चलिए आगे जरा चलते हैं, केस टू हमने समझ लिया, नाउ कमिंग टू केस थ्री. केस थ्री क्या हो सकता है, When PF is less than P, correct. PF is less than PE. So at PF less than PE, eccentricity क्या हो जाएगा? Less than 1, क्योंकि numerator क्या है? छोटा है denominator से.
इस शेप जो बनेगा इसको हम लोग बेसिकली एलिप्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एलिप्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के लिए, है ना. दिस इज इंपॉर्टेंट. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो व्हाट इज द एप्लीकेशन? सो यू कैन से ब्रिज बनाने में काम आता है. ब्रिजेस, आर्चेस, ब्रिजेस, आर्चेस, एलिप्टिकल गियर्स, एलिप्टिकल गियर्स एटसेट्रा, है ना, एलिप्टिकल गियर्स एटसेट्रा. करेक्ट. सो आई होप करेक्ट. अच्छा सॉरी. तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी दिखा देता हूं. ये देखिए, आपको दिख रहा है ना ये चीज, यू कैन सी दैट. ये जो आर्च बना है ना, ये वाला, दिस इज नथिंग बट योर एलिप्टिकल शेप, है ना. ये एलिप्स वाला शेप में है, इजंट इट. ये जो शेप है, दिस इज नथिंग बट योर एलिप्टिकल शेप, करेक्ट. अच्छा, गियर्स में अगर देखा जाए, दिस इज योर एलिप्टिकल गियर. आप देखो ये एलिप्स बना है, ये भी एलिप्स बना है. सो दिस आर बेसिकली योर एलिप्टिकल गियर्स. अच्छा, एक चीज यहां पे हम ध्यान दे सकते हैं, ये जो आपका प्रोफाइल है ना, ये देख रहे हैं, ये वाला, अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे ना, ये एक्सटेंड करोगे ना, तो इन्वोल्यूट का शेप ले लेता है. ये जब इसको अगर बढ़ाओगे ना, तो इट विल टेक द शेप ऑफ इन्वोल्यूट, जो आगे चल के हम आपको बताने वाले हैं कि इन्वोल्यूट क्या होता है. वी विल डिस्कस दैट, चूंकि रिविजन आप लोग इन्वोल्यूट के बारे में पता है. तो इस प्रोफाइल को अगर आप एक्सटेंड करते जाओगे ना, तो ये इन्वोल्यूट में चेंज हो जाएगा. तो ये सारे जो है ना, जो गियर टीथ है, वो इन्वोल्यूट शेप के होते हैं. जो मेशिंग किए जाते हैं, दैट इज ऑलवेज इन द शेप ऑफ इन्वोल्यूट, करेक्ट. ओके, तो चलिए, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको, फाइन. ओके, तो ये था बेसिकली हमारे पास जो हमने डिस्कस किया है. ये इंपॉर्टेंट चीज फ्रॉम द ये कोनिक सेक्शन. तो ये बेसिकली कोनिक सेक्शन हमारा यहाँ पे एंड होता है. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. तो ये आप ध्यान पे रखना, एप्लीकेशन एंड ई वाला जो है कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे माइट आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस. नेक्स्ट, ये आपका होने के बाद नेक्स्ट इज योर इंजीनियरिंग कर्व्स. इंजीनियरिंग कर्व्स ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, है ना, और इंटरेस्टिंग भी है. इंजीनियरिंग कर्व्स, तो कि इंजीनियरिंग कर्व्स को जो है ना, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक, द फर्स्ट पार्ट इट इज कॉल्ड एज प्लेन कर्व. प्लेन कर्व का मतलब होता है द कर्व दैट इज ड्रॉन ऑन 2D प्लेन, है ना. 2D प्लेन, प्लेन मतलब क्या हो, किसी प्लेन पे जो आप कर्व बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज ये, फाइन. और दूसरा जो है, इट इज कॉल्ड एज स्पेस कर्व. स्पेस कर्व जो बनता है, मतलब स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए कौन सा चाहिए, दैट मींस इट हैज टू बी ड्रॉन इन 3D प्लेन. सिंपल चीज है. इंजीनियरिंग कर्व्स, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एंड वेरी वेरी यूजफुल ऑल्सो, क्योंकि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है. अब प्लेन कर्व्स जो है, इसको हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, राइट. द फर्स्ट वन, इट इज कॉल्ड एज साइक्लॉइडल कर्व. इसको बोलते हैं साइक्लॉइडल कर्व, राइट. साइक्लॉइडल कर्व के अंदर वी स्टडी अबाउट द साइक्लॉइड एंड ट्रोकॉइड. हम लोग देखेंगे ट्रोकॉइड. वी स्टडी अबाउट एपीसाइक्लॉइड, एपीसाइक्लॉइड एंड एपीट्रोकॉइड, एपीट्रोकॉइड. एंड वी डिस्कस अबाउट हाइपोसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड एंड हाइपोट्रोकॉइड, एंड हाइपोट्रोकॉइड. ठीक, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, करेक्ट. तो आप लोग को समझ में आ रहा है, जितने लोग देख रहे हैं, फाइन. तो इसमें से क्वेश्चन आपको फंस जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जो हम लोग दो टॉपिक ड्राइंग का कर रहे हैं, उससे आपको क्वेश्चन पक्के से फंस जाएगा. और आपको है ना, जब फिर मन ही मन मुस्कुराओगे कि वाह बढ़िया हुआ कि लास्ट टाइम में हमने देख लिया, है ना. तो वही चीज बता रहे हैं जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है. और तीसरा है, इसको बोलते हैं स्पाइरल्स. स्पाइरल्स के अंदर दो होंगे, एक तो हो जाएगा आपका आर्किमेडियन स्पाइरल, आर्किमेडियन स्पाइरल, और दूसरा हम लोग को देखना है लॉगरिथमिक स्पाइरल, और तीसरा जो है गोल्डन स्पाइरल. थर्ड वन, इट इज योर गोल्डन स्पाइरल, ठीक, स्पाइरल. अच्छा, स्पेस कर्व के अंदर हमें देखना होता है हेलिक्सेस के बारे में. हेलिक्सेस, इसके अंदर दो हेलिक्सेस आते हैं. फर्स्ट वन इज योर सिलिंड्रिकल हेलिक्स, सिलिंड्रिकल हेलिक्स, एंड दूसरा इज योर कोनिकल हेलिक्स, ठीक. तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, फाइन. ओके,
अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम लोग किसको लेके चलते हैं, देखिए नाम से पता चल जाएगा आपको, एग्जाम में थोड़े पूछा जाएगा भाई साइक्लोडल कर्व 2D कर्व या 3D कर्व, नहीं, नाम से पता चल जाता है कि बेसिकली हमें 2D प्लेन में ड्रॉ करना होता है, इसका मतलब होता है कि हमें 3D प्लेन में ड्रॉ करना था, बस एज सिंपल एज दैट। तो चलिए एक एक करके हम लोग, ये तो बेसिकली बेसिक डिफरेंस है, अब हम क्या करेंगे एक एक करके चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि साइक्लोडल कर्व क्या होता है और उसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसका एप्लीकेशन भी आपको हम बताते रहेंगे, इनवोल्यूट इसका भी एप्लीकेशन क्या होगा, स्पाइरल इसका भी एप्लीकेशन क्या होगा, हर चीज का एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, है ना, तभी तो ड्राइंग पढ़ने का मजा है, नहीं तो फिर क्या मतलब है जब सब थियरी थियरी होगा तो, करेक्ट। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको, अगर जो लोग नोट कर रहे हैं मैं कुछ सेकंड दे रहा हूं, आप चाहो तो नोट कर लो फटाफट, है ना, जस्ट 10 seconds। ठीक, आई होप, है ना, आप देखो पूरा फेयर मत बनाओ, रफली लिखते रहो, है ना, रिवीजन है ज्यादा, क्योंकि आप तो टाइम नहीं है, कहाँ से फेयर बनाओ, बाद में करते रहना, क्योंकि ये आपके यूट्यूब पे रहेगा ही, कभी भी आप इसको ये कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, राइट। सो लेट अस गो फॉर द फर्स्ट वन, इट इज योर साइक्लॉइडल कर्व। अब देखिए साइक्लॉइडल कर्व क्या होता है, देखिए साइक्लॉइडल कर्व के अंदर, सॉरी साइक्लॉइडल कर्व, है ना, तो लेट मी टेक द एक सेकेंड, देखिए साइक्लॉइडल कर्व के अंदर नंबर वन जनरेटिंग सर्कल रोल्स ऑन डायरेक्टिंग लाइन, है ना, जनरेटिंग सर्कल रोल्स ऑन द एक सेकेंड इसके अंदर, हाँ ठीक है, ठीक। सो जनरेटिंग सर्कल रोल्स ऑन अ डायरेक्टिंग लाइन, अब ये क्या चीज हम कहना चाह रही है, देखिए साइक्लॉइडल कर्व में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले साइक्लॉइड ट्रैकोइड के बारे में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस, देन वी विल डिस्कस दिस, देन वी विल डिस्कस दिस, देन वी विल गो देयर, एंड इस तरीके से हम इसको फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो साइक्लॉइडल कर्व क्या होता है, तो इसके अंदर द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इज द जनरेटिंग सर्कल रोल्स ऑन अ डायरेक्टिंग लाइन, देखिए ये आपका एक सर्कल है, यू कैन सी दैट, एंड दिस इज द लाइन, राइट। अब ये सर्कल क्या है, इट इज गोइंग टू रोल ऑन दिस, isn't it, ये सर्कल कैसे है, इट इज गोइंग टू, दिस इज कॉल्ड अ जनरेटिंग सर्कल, व्हाई, क्यों इसको जनरेटिंग बोलते हैं, यू विल कम टू नो क्यों इसको जनरेटिंग बोला जाता है, दिस इज अ डायरेक्टिंग लाइन, डायरेक्टिंग मतलब होगा जिधर जिस दिशा में मुड़ेगा उसी दिशा में जाएगा, इट इज सेम एज यू आर ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल और अ साइकिल ऑन अ प्लेन रोड, है ना, एक रोड पे आप साइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, रिक्शा चला रहे हो, वट एवर यू कैन ड्राइव, है ना, एक कोई व्हील इस तरीके चला रहे हो, दैट इज बेसिकली कर्व, जनरेटिंग सर्कल रोल्स ऑन अ डायरेक्टिंग लाइन, देखिए इस केस में, सो लेट मी शो यू फटाफट से, लेट अस से दिस इज द सर्कल, ओके, एंड लेट अस से दिस इज द लाइन, ठीक, बुझ गए, अब लेट अस से दिस इज द सेंटर ओ, और ओ डैश कुछ ही मान सकते हैं, एंड लेट अस से दिस इज द रेडियस आर, करेक्ट, दिस सर्कल इज रोलिंग इन दिस डायरेक्शन, ताकि ये फॉरवर्ड मोशन हो सके, है ना, सर्कल को ऐसे रोल करवा दे रहे, ये जो सर्कल है इसको हम लोग कहते हैं जनरेटिंग सर्कल, दिस इज कॉल्ड एज रोलिंग सर्कल और जनरेटिंग सर्कल, ठीक, इस सर्कल का नाम है जनरेटिंग सर्कल, वाई वी कॉल इट एज जनरेटिंग सर्कल यू विल कम टू नो, और इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग लाइन, लाइन है ना ये, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्टिंग लाइन। अब चूंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ इन 2D प्लेन, सो ऑब्वियसली देर इज नो 3D फिगर्स, दीज आर बेसिकली और ऑल द 2D फिगर्स, सो दिस विल लुक लाइक अ लाइन, दिस विल लुक लाइक अ सर्कल, एंड दिस इज गोइंग टू रोल लाइक दिस, राइट। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑलवेज टेकन एज ग्राउंड, से दिस इज एक्स वाई, दिस इज द ऑब्जर्वर, है ना, ये ऑब्जर्वर है, दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस आई ऑलवेज टेक टू द ऑन द ग्राउंड, राइट। देखिए ड्रॉइंग को समझने के लिए एप्टीट्यूड आपका और कॉमन सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत जल्दी समझ जाओगे फिर, है ना। अब देखिए क्या है बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में, सपोज दिस आर द बेसिकली हम पॉइंट लेके चलते हैं, जैसे कि लेट अस से दिस इज वन पॉइंट ओवर हियर, से दिस पॉइंट इज पी,
another point I am going to take, this is P outside, so let us show it by P naught. And then I am going to take a point which is inside, I am going to show it with PI. PI means point inside, P means point on the line, and it is always taken to be the reference. हम जितने भी एनालिसिस करेंगे उस केस में द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे अगर ये व्हील है एंड दिस इज अ रोड, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज टेकन टू बी द रेफरेंस, है ना? तो हम इसको रेफरेंस लेके चलते हैं. अब आप जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहना ये चाह रहे हैं कि व्हेन द जनरेटिंग सर्कल रोल्स ऑन द डायरेक्टिंग लाइन, राइट, तो जो कर्व बनेगा, फाइन, सो दैट कर्व वी आर गोइंग टू सी. नाउ एक चीज आप ध्यान दो, मान लेते हैं कि ये कार का व्हील है, दिस इज द व्हील ऑफ द कार, right? So this is the point of contact. So you can imagine a point of contact like this. Now there will be some screws, है ना, nut bolt लगे होते हैं ना wheel को fix करने के लिए, तो ये nut bolt यहाँ पे हो गया. Suppose एक कील आके लग गया, है ना, puncture होने के लिए तो कील काफी है, एक कील लग गया तो कील का जो मुंडी है वो बाहर निकला हुआ है. तो जब ये circle roll करेगा और the wheel is going to rotate, this point it is fixed. मान लीजिए कोई chewing gum चिपक गया wheel के अंदर, तो chewing gum ही तो घूमेगा ना, तो chewing gum जो घूमेगा तो एक curve बनाने की कोशिश करेगा. If you look at only on the point, है ना, ये जो P point, if you look observe only P point, you can see that P is going to trace a curve, right? और suppose आपके wheel के अंदर कोई कील लग गया है, right? So some nail is there, तो nail का जो मुंडा है वो तो बाहर है ना, जो उसका सर है वो तो बाहर निकला है ना, तो सिर्फ आप नेल को अगर ध्यान दोगे तो नेल भी एक curve बना देगा. If you look at the nut bolts, which is by which you have fastened the wheel, तो इसको अगर सिर्फ ध्यान दोगे तो भी एक कर्व बन जाएगा. तो यानी कि कर्व किसकी वजह से बन रहा है, इस रोलिंग सर्कल की वजह से बन रहा है. तो जो कर्व जो बन रहा है इस सर्कल की वजह से, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ जनरेटिंग सर्कल, क्योंकि यही कर्व को जनरेट कर रहा है ना. सो दैट इज, तो देयर आर बेसिकली थ्री पॉसिबल कर्व दैट कैन बी ट्रेस्ड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इजंट इट? ये तीन कर्व हम, या पीआई की वजह से कर्व बन सकता है, पी की वजह से कर्व बन सकता है, और पी नॉट की वजह से भी एक कर्व बन सकता है. तो टोटल कितने कर्व बनेंगे, तीन बनेंगे, है ना. तो इसमें हम लिख लेते हैं, लेट डी इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द जनरेटिंग सर्कल, है ना. लेट डी बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द जनरेटिंग सर्कल, देन इफ D is equal to R, D equal to R बताओगे कहां पे होगा? D क्या है basically? Distance of point from the center of the generating circle. Center कहां? ये रहा. तो D is this point, तो आप ये कहोगे कि P जो है यही तो है D equal to R, है ना? D equal to R हो जाएगा ना. That means अगर D equal to R है तो किस point के बारे में बात चल रही है? इसके बारे में. If D equal to R, then जो curve बनेगा, then the curve जो trace होगा, इसको बोलते हैं cycloid. अब ये कर्व कैसा होगा, वी विल डिस्कस इट, डोंट वरी, है ना. कर्व कैसा होगा वी विल डिस्कस, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि साइक्लॉइड क्या होता है, ट्रोकॉइड क्या होता है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग्स फर्स्ट, राइट. इसको क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड. अच्छा, सिमिलरली इफ डी इज ग्रेटर देन आर, अब आप मुझको बताओ डी ग्रेटर देन आर कहां पे होगा? दिस पी नॉट, है ना, डी इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट. तो इस पर्टिकुलर केस में दिस इज डी ग्रेटर देन आर, इजंट इट? डी ग्रेटर देन आर. सो इफ डी इज ग्रेटर देन आर, उस केस में जो कर्व बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर ट्रोकॉइड. जब भी वर्ड सुपीरियर आ जाए मतलब पॉइंट बाहर है, है ना, पॉइंट बाहर मतलब सुपीरियर, और इसका नाम है सुपीरियर ट्रोकॉइड, ठीक, इसको ट्रोकॉइड बोलते हैं. अच्छा, इसी तरीके से इफ डी इज लेस देन आर, फिगर में बताइए डी लेस देन आर कहां पे होगा? बट ऑब्वियस है डी इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो ये तो यही तो है डी लेस देन आर, इजंट इट? सो दिस इज डी लेस देन आर. तो उस केस में जो कर्व बन रहा है, देन द कर्व जो बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर ट्रोकॉइड. क्या बोलेंगे? इंफीरियर ट्रोकॉइड. अब आप बोलोगे सर ये ठीक है, समझ में आ गया, तीन कर्व बनेंगे, तीन कर्व का तीन अलग, इंफीरियर मतलब हो गया पॉइंट अंदर है, ऐसे याद करने का तरीका है ना, इंफीरियर मतलब पॉइंट अंदर की तरफ है, राइट, फाइन, ओके. तो डी लेजर आर हो गया कर्व इंफीरियर. अब सवाल ये उठता है कि सर ये कर्व नजर देखने में कैसा दिखेगा, कैसा है ना. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ द कर्व इज गोइंग टू लुक लाइक. तो अब हम इंडिविजुअली वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस कर्व्स, है ना. तो हम इसको तो थोड़ा कर्व को बना देते हैं फटाफट, ठीक है, कर्व को हम बना देंगे, आगे कर्व को हम लोग समझ जाएंगे कैसे बनाए, राइट. तो सबसे पहले हम लोग कर्व किसका बनाएंगे, साइक्लॉइड. साइक्लॉइड के लिए व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन ये है कि द पॉइंट लाइज ऑन द जनरेटिंग सर्कल, है ना,
जनरेटिंग सर्कल दैट इज D इज इक्वल टू R. कंडीशन आ गया साइक्लॉइड बनने का. पॉइंट लाइज ऑन द जनरेटिंग सर्कल. करेक्ट. आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग. है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. फाइन. तो चूंकि रिवीजन है तो हम स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के चल रहे हैं, क्योंकि ये रिवीजन मैं ये पढ़ा नहीं रहे, समझा नहीं रहे. वी आर जस्ट रिवाइजिंग द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आए मैक्सिमम 95% जो क्वेश्चन आया वो इसी दोनों टॉपिक से पूछे गए हैं. तो हम चाहते हैं कि कम से कम इसको तैयारी कर लो, क्योंकि आप इतने कम टाइम में आप क्या ही कर लोगे. साइक्लॉइड पॉइंट लाइज ऑन द जनरेटिंग सर्कल दैट इज D इज इक्वल टू R. ठीक है, 90% 95 तो शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर भी 90% कम नहीं होता है. पॉइंट लाइज ऑन द जनरेटिंग सर्कल. अब देखिए डी, इसको हम जरा आपको बना के दिखा देते हैं. है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बना लो. ठीक है, अब इसको कॉपी कर लो. कॉपी 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 कॉपी, एक दो तीन कॉपी चाहिए हमको. 1 2 ये हमारा हो गया डायरेक्टिंग लाइन. ठीक, ओके, ये इसका सेंटर हो गया एंड दिस इज अनदर. फाइन, ओके. तो अब ये सर्कल है, रोल करने के बाद हम इसको एडजस्ट कर, देखिए थोड़ा सा 19-20 हो सकता है क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग है ना. ठीक है, सर्कल कैसे रोल कर रहा है, सर्कल इज रोलिंग इन दिस डायरेक्शन. सो दीज आर द बेसिकली सेंटर्स. है ना, ये सेंटर, अब ध्यान से देखते रहिएगा, सेंटर है. करेक्ट. अच्छा, पॉइंट जो है ये हमारा पी है. करेक्ट, पॉइंट कहाँ है, इट इज लाइंग ऑन द जनरेटिंग सर्कल. रेफरेंस को हम लोग यहां पे ले रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली पॉइंट, ये पॉइंट हमारा यहां पे. करेक्ट, तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा D इज इक्वल टू R के बराबर. है ना, अच्छा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये डिस्टेंस है D इज इक्वल टू 2R के बराबर. व्हाट इज R, R इज द रेडियस ऑफ द जनरेटिंग सर्कल. है ना, व्हाट इज R, यू कैन सी दैट R इज द जनरेटिंग सर्कल. तो बेसिकली पॉइंट कहां है, साइक्लॉइड, पॉइंट लाइज ऑन द जनरेटिंग सर्कल. पॉइंट यहां पे है, अभी सर्कल घूम रहा है. राइट, एंड दिस इज बेसिकली ये होगा जनरेटिंग सर्कल, ये होगा डायरेक्टिंग लाइन. है ना, सो दिस इज योर जनरेटिंग सर्कल, दिस इज योर जनरेटिंग सर्कल एंड दिस इज योर डायरेक्टिंग लाइन. करेक्ट, ये सारे सेंटर हैं. सो दिस इज ओ डैश, ओ डैश एंड ओ डैश, ये सेंटर है. करेक्ट, फाइन, ओके, फाइन. अच्छा, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन. है ना, कुछ लोग बेकार की बातें करते रहते हैं. है ना, अरे जो पढ़ लो पहले, उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं पहले. है ना, ये अभी तो शुरू हुआ है. देखिए ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट आपको दिख रहा है. अब देखिए ये सिचुएशन एग्जैक्टली हमने ये क्रिएट कर रखा है. करेक्ट, यू कैन सी दैट D इज इक्वल टू R. D इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द जनरेटिंग सर्कल. है ना, जनरेटिंग सर्कल से के सेंटर से कितनी दूरी पे है पॉइंट, D इक्वल टू R. टोटल रेडियस कितना है, 2R, दैट इज ऑल्सो नोन एज डायमीटर. है ना, ऑफ दिस सर्कल. अब देखिए ध्यान से, ये हमारा डायरेक्टिंग सर्कल लाइन है और ये हमारा जनरेटिंग सर्कल है, हमने इसको ऐसे रखा है. अब इसको रोल कैसे करना आगे की तरफ, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको रोल कर रहे हैं तो आपको ये ब्लैक पॉइंट दिख रहा है ना, ये आपका रेडियस दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा होगा. है ना, तो व्हेन यू आर गोइंग टू रोटेट इट, यू कैन सी दैट दिस पॉइंट इज गोइंग अप. थोड़ी देर के बाद पॉइंट ऊपर चला गया, फिर व्हेन यू आर गोइंग टू रोटेट इट फर्दर, थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट फिर से नीचे आ जाएगा, इजंट इट. सो दैट मींस इफ द पॉइंट इज समवेयर हियर, सो आफ्टर सम टाइम वेयर दिस पॉइंट विल गो, ये पॉइंट यहां चला जाएगा, फिर पॉइंट कहां आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा. है ना, सो दीज आर द बेसिकली योर पॉइंट, दीज आर द बेसिकली लोकेशन ऑफ द पॉइंट. अब आप ये बोलोगे कि सर, अब आप ये बोलोगे कि सर तीन चक्कर में हो जाएगा या फिर कितना चक्कर है, भाई कितना भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 के जगह 10 सर्कल लगा लो हमें. है ना,
चीज को समझना है ना, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम लोग कर नहीं रहे। यू कैन ड्रॉ एज मेनी सर्कल एज यू वॉन्ट, आपकी मर्जी है, लेकिन हम मोटा मोटा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पहले यहाँ अगर ना थोड़ी देर कुछ आप बीच वाला सर्कल को हटा दो, हम क्योंकि डिस्क्रिट ले रहे हैं, हम लोग डिस्क्रिट मतलब हम लोग ले रहे हैं कि बस मोटा मोटा पॉइंट लेंगे ताकि हमें कर भी तो ड्रॉ करना, थोड़ा ना एग्जैक्ट हमें प्लॉट करना, हमें कैड टूल्स हमारे पास अवेलेबल होता तो हम कर देते। अब ये चीज ऐसे है, सो इफ यू रोटेट इट, सो आई हैव टेकन दिस एज अ पोजीशन, आफ्टर ये पोजीशन फिर एक रोटेशन, दैट मींस आई हैव टेकन कंप्लीट रोटेशन, यानी कि फ्रॉम हियर टू हियर आई हैव कंप्लीटली टेकन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द सर्कल, इजंट इट? कितना आ जाएगी, 2 पाई आर, और यू कैन से दैट दिस इज पाई डी, एक चक्कर लगा दिया हमने। तो अब आप देखो ध्यान से, जब ये सारे पॉइंट्स हैं, जब ये सारे पॉइंट को जोड़ोगे तो एक कर्व मिलेगा ना, सो जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स, लेट मी चेंज द कलर, जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स, यू आर गोइंग टू गेट अ कर्व, एक कर्व मिलेगा। ऑब्वियसली बात है कि ये पॉइंट ऑब्वियसली थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेगा तो ये पॉइंट इसी को फॉलो करेगा, राइट? तो ये कर्व ये कर्व कौन सा बन गया बताओ? तो ये जो कर्व बना है, इस कर्व को क्या बोलेंगे? दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज साइक्लॉइड। क्या बोलेंगे इस कर्व को? इट इज कॉल्ड एज साइक्लॉइड, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लॉइड, राइट? तो ये तो हमने एक रिवोल्यूशन के बनाया, अगर इसका हम इक्विवेलेंटली ले ले, है ना, इक्विवेलेंटली अगर हम इसको एन रेवोल्यूशन कर दे, इक्विवेलेंटली का मतलब ये है कि सपोज दिस इज द सर्कल एंड लेट अस से दिस इज द डायरेक्टिंग लाइन, ओके, सो लेट अस से इट इज रोटेटिंग, सो दिस इज नथिंग बट योर रोलिंग, एंड लेट अस से दिस इज योर ओ डैश एंड दिस इज द पॉइंट पी, इजंट इट? ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज डी इज इक्वल टू आर, फाइन। तो लोकस ऑफ पी क्या बनेगा? नाउ दिस इज द पॉइंट पी, सो व्हाट इज द लोकस ऑफ पी यू आर गोइंग टू गेट? लोकस ऑफ पी जो बनेगा, है ना, लोकस ऑफ पी बनेगा ऐसा, इजंट इट? इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो लंबाई है, ये जो लेंथ है ना, दिस लेंथ, एक सेकेंड, ये जो लेंथ है, यही तो साइक्लॉइड का लेंथ है, दिस लेंथ इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द साइक्लॉइड। ये जो कर्व बना, इस कर्व का नाम क्या दोगे? इस कर्व का नाम दोगे आप साइक्लॉइड। सो दिस इज फॉर द एंड रेवोल्यूशन, ये घूमता ही रहेगा। सो व्हेन इट इज गोइंग टू रोटेट कंटिन्यूअसली, ऑब्वियसली यू कैन सी दैट दिस इज द बेसिकली साइक्लॉइड दैट इज गोइंग टू ट्रेस, राइट? अच्छा, तो ठीक, अब इसका यूज कहां करेंगे भाई? ठीक है, साइक्लॉइड समझ में आ गया, तो मैं इसको आपको, इसका एप्लीकेशन कहां होता है? फाइन, एप्लीकेशन एक तो होता है गियर टीथ में, गियर टूथ बनाने में काम आता है, ठीक है? सो साइक्लॉइड इज द फास्टेस्ट पाथ ऑफ डिसेंट, फास्टेस्ट पाथ ऑफ डिसेंट अंडर ग्रेविटी। अब ये क्या चीज है? इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रैकिस्टोक्रोन टॉटिक्रोन प्रॉब्लम, है ना, ब्रैकिस्टोक्रोन टॉटिक्रोन प्रॉब्लम। मैं आपको अब सब समझाता हूं, ये चीज समझ में आ गया। इक्विवेलेंटली मतलब ये तो हमने एक चक्कर के लिए बनाया था ना, सिर्फ एक राउंड लगाया तो सिर्फ एक ही एपिसाइक्लॉइड, सॉरी एक ही साइक्लॉइड बन रहा है। इफ इट इज गोइंग फॉर एन रेवोल्यूशन, ये घूमता ही जाएगा, तो साइक्लॉइड क्या होगा? बनता जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना, ये तो पाई डी है ना, दिस इज नथिंग, एक साइक्लॉइड बना, एक चक्कर, दूसरा चक्कर में दूसरा साइक्लॉइड, तीसरा चक्कर में तीसरा साइक्लॉइड, ये बनता जाएगा, जब तक जाता रहेगा पॉइंट इट विल मेक इट, isn't it? So यो बन जाएगा साइक्लॉइड। सो अब हम जरा इसको थोड़ा आपको हम फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। गियर टूथ में बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, साइक्लॉइड इज द फास्टेस्ट पाथ ऑफ डिसेंट अंडर ग्रेविटी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। ये देखिए, ये बन गया आपका साइक्लॉइड, अब देख लो कितना चक्कर काटे जा रहा है। सो दिस इज फॉर द एंड रेवोल्यूशन, है ना? तो आप ये देखो पॉइंट को, ध्यान देखो पॉइंट, देखो कहां पे है, इट इज ऑन द सर्कमफेरेंस, पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस एंड इट इज रोटेटिंग, सर्कल घूमता जा रहा। आप देखो यहां से एक एपिसाइक्लॉइड, एक साइक्लॉइड आया, दूसरा साइक्लॉइड बना, तो आप देख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर के ये जो दूरी बन रही है कितना डिस्टेंस बन रहा है, यही तो पाई डी है। अब देखो ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज नथिंग बट योर पाई डी। अब चेक करो, है ना,
पाईडी एक चक्कर बन गया फिर आगे चला रहा है. सो दिस आर बेसिक, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज साइक्लॉयड. आई होप इट इज क्लियर. फाइन. अच्छा अब हम आपको बता रहे थे इसके एप्लीकेशन. आप देखिए ये तो साइक्लॉयड आपको समझ में आ गया होगा आई होप. ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा व्हाइट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर व्हाइट नहीं दिख रहा था, है ना. अब आप एक चीज और देखो, मैंने बोला था कि साइक्लॉयड इज द फास्टेस्ट कर्व ऑफ डिसेंट अंडर ग्रेविटी. यही कहा था. इसका क्या मतलब है? इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्राकिस्टोक्रोन टॉटिक्रोन प्रॉब्लम. अब यहां पे देखो टोटल तीन कर्व हमारे पास. एक ब्लू लाइन दिख रहा है ऊपर जो कि एक प्लैंक की तरह है. ये पीला वाला जो रेखा है, रेखा नहीं है एक्चुअली, ये बेसिकली कर्व है, ये साइक्लॉयड है ना. ये जो है ये वाला, सॉरी ब्लैक हो गया, ये जो है ये आपका साइक्लॉयड है ना. ये आपका साइक्लॉयड है और नीचे वाला एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. अब क्या है इस पोजीशन पे देखिए, ध्यान देखिएगा ये पॉइंट पे. देखिए पहले इस जगह पे तीन बॉल थे, थ्री बॉल्स, तीनों बॉल को एक जगह रखा गया है ना. अब ध्यान से देखो वापस आने, देखिए यहां पे तीनों बॉल है, तीनों बॉल को एक साथ छोड़ा गया है. जो साइक्लॉयड वाला कर्व है वो सबसे पहले पहुंच गया है ना. दैट इज, इट इज द मीनिंग कि इट इज द फास्टेस्ट कर्व ऑफ डिसेंट अंडर ग्रेविटी. ग्रेविटी में छोड़ दिया जाए तो इससे फास्ट और भी कोई भी कर्व से आपने, तो इसको आप यूज कहां कर सकते हो? वाटर स्लाइड्स के अंदर, है ना. वाटर पार्क में जाओ, इस तरीके से अगर कर्व बना दिया जाए तो सबसे ज्यादा थ्रिल आपको मिलेगा, मजा आ जाएगा, है ना. इधर से उतना मजा नहीं आएगा, इधर को तो समझ ही सकते हो, इधर तो आप वर्टिकल फॉल करके नहीं. अगर आपको थ्रिल चाहिए तो साइक्लॉयड कर्व बनाइए और उस पर आप स्लाइड करो, फिर जो मजा आएगा फिर आप देखो. करेक्ट. ओके चलिए आगे चले. ठीक है तो ये चीज हमने आपको दिखाया. फाइन. अच्छा अब हम लोग आगे जरा चलते हैं, है ना. तो ये चीज अब इसके अंदर हमने क्या लिया था पहले, एक सेकंड में जरा देख लूं. हाँ साइक्लॉयड लिया था ना. ठीक है. बी सुपीरियर ट्रोकॉइड क्या होता है? सुपीरियर ट्रोकॉइड, सुपीरियर ट्रोकॉइड का मतलब हो गया पॉइंट इज लाइंग, पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड जनरेटिंग सर्कल, आउटसाइड जनरेटिंग सर्कल. तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आपको ठीक से समझ में आ गया तो. डी ग्रेटर देन आर, है ना. क्वेश्चन तो एक भी नहीं छूटेगा. राइट. ओके सो सुपीरियर ट्रोकॉइड मतलब हो गया पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड. आउटसाइड का मतलब क्या हो गया जरा इसको भी देख लेते हैं. फिर से हम यहां पर एक सर्कल बना ले. ठीक है इसको जरा हम कॉपी कर लेते हैं. ठीक है कॉपी. चलो इसको हम तीन कॉपी बना लिया. इसको थोड़ा सा इधर मूव करा सकते हैं ना. ठीक है तो ये रहा आपका डायरेक्टिंग लाइन. ठीक. और ये हो गया आपका सेंटर और दूसरा सेंटर. देखिए फ्री हैंड है ना तो थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो भावनाओं को समझो, है ना. ये हो गया हमारा. चलिए यहां पे चिपका देते हैं इसको. ठीक. ये हो गया सेंटर ओ डैश. दीज आर द बेसिकली सेंटर. ये हो गया सेंटर ओ डैश. करेक्ट. पॉइंट कहां लाई होना चाहिए? द पॉइंट मस्ट लाई यहां दूर कहीं, है ना. कुछ ज्यादा दूर हो गया नहीं. सो पॉइंट इज लाइंग समवेयर हियर. दिस इज द पॉइंट पी. दैट मींस डी ग्रेटर देन आर एंड डी इक्वल टू आर, है ना. ये हो गया, ये हो गया. दिस इज डी इज इक्वल टू टू आर एंड यू कैन सी दैट दिस इज योर डी ग्रेटर देन आर, है ना. सर्कल कैसे घूम रहा है? ऐसे. सो सर्कल इज रोलिंग इस तरीके से. ओके फाइन. ओके अब देखिए बेसिकली थोड़ी देर के बाद ये क्या होगा. सो आफ्टर सम टाइम ये फिर से यहां पे आ जाएगा. एग्जैक्टली वही सिनेरियो है. नथिंग आई एम गोइंग टू चेंज, है ना. ये आपका थोड़ी देर के बाद ये यहां आ जाएगा. सो आई हैव टेकन ओनली डिस्क्रीट पॉइंट्स, है ना. सारे डिस्क्रीट पॉइंट्स है. डिस्क्रीट पॉइंट मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात चल रही है ना. करेक्ट. अच्छा ये क्या है आपका? दिस इज अ जनरेटिंग सर्कल.
तो अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, दिस इज योर जनरेटिंग सर्कल और रोलिंग सर्कल भी बोलते हैं, एंड दिस इज योर बेसिकली कॉल्ड एज डायरेक्टिंग लाइन, है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं, इतना कौन लिख रहा है, डायरेक्ट लाइन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स। तो कौन सा कलर का इस्तेमाल किया जाए ताकि आप लोग दिखे, शायद सफेद ही की चमकार लगा देते हैं, है ना। लेट मी ज्वाइन इट, है ना, ऐसा कुछ बन जाए कर्व। सो दिस कर्व, इस कर्व का नाम क्या देंगे हम, इस कर्व का क्या नाम दूं, इस कर्व का जो नाम होगा, करेक्ट, इट इज कॉल्ड एज सुपीरियर ट्रोकॉइड। क्या बोलेंगे इसको, सुपीरियर ट्रोकॉइड, ठीक, क्या नाम देंगे इसको, सुपीरियर ट्रोकॉइड का नाम दे देंगे। तो अगर इसको इक्विवेलेंटली ड्रॉ किया जाए, इफ आई ड्रॉ इट इक्विवेलेंटली, है ना, अगर इसको इक्विवेलेंटली ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये रहा हमारा सर्कल, ये रहा हमारा जनरेटिंग, सॉरी डायरेक्टिंग लाइन, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ द, दिस इज पी, करेक्ट, एंड दिस इज सेंटर ओ डैश, एंड द सर्कल इज रोलिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, करेक्ट, ये चीज आ जाएगा। तो इस केस में आप ये देख सकते हो कि दिस इज डी, दिस इज डी ग्रेटर देन आर, है ना। तो लोकस ऑफ पी हमें चाहिए, लोकस ऑफ पी, ये तो हो गया आपका साइक्लॉइड वाला लाइन, है ना, ये लेंथ हो गया साइक्लॉइड का, ये जो लेंथ है ये किसका है, दिस इज फॉर द साइक्लॉइड, है ना, ये जो लेंथ है साइक्लॉइड का। नाउ यू कैन सी दैट कुछ पार्ट इज ओवरशूट, सम पार्ट इज अंडरशूट, है ना, कुछ पार्ट ऑफ द कर्व इज ओवरशूट, दिस सम पार्ट इज अंडरशूट। सो दैट मींस इफ आई ड्रॉ इट, ड्रॉ करेंगे तो यह ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस, ये बनता हुआ जाएगा, ये तो एन रेवोल्यूशन है ना। तो ये कर्व का नाम क्या दें हम, सो दिस कर्व इज बेसिकली योर सुपीरियर ट्रोकॉइड, शॉर्ट में लिख देता हूं, सुपीरियर ट्रोकॉइड, करेक्ट। इसको नोट कर लीजिए, ध्रुवजीत विश्वास, नाइस लर्निंग, थैंक यू। आदित्य ओझा, ग्रेट सर, थैंक यू, ग्रेट एनिमेशन। सुजीत, सुवजीत मित्रा, सो थैंक यू एवरीवन, ये सारे आप ही लोग के लिए कर रहे हैं ताकि याद रहेगा। विजुअल इफेक्ट से क्या होता है, चीजें बहुत जल्दी याद आ जाती है, और ड्राइंग में तो इसका फायदा उठाना चाहिए ना। आलोक कुमार पाल, ओके सर, व्हाइट इज कॉल्ड ट्रोकॉइड, ओके, नाम रखा गया है, फाइन। तो ये हो गया आपका क्या, सुपीरियर ट्रोकॉइड, ठीक, ये हमने देखा, दिस इज बेसिकली सुपीरियर ट्रोकॉइड, सो दिस इज द बी। नाउ कमिंग टू द सी, इन्फीरियर ट्रोकॉइड, इन्फीरियर ट्रोकॉइड, इन्फीरियर ट्रोकॉइड मीन्स पॉइंट लाइन इनसाइड जनरेटिंग सर्कल, इनसाइड जनरेटिंग सर्कल, दैट इज डी लेस देन आर। अब इसके लिए जरा देख लेते, यही तो है ना तीन केस, ये तो हमारा क्या था, देखिए दिस वॉज योर डी ग्रेटर देन आर, नाउ दिस इज फॉर डी लेस देन आर, है ना। सो इन्फीरियर ट्रोकॉइड, दैट इज पॉइंट इज लाइंग इन साइड जनरेटिंग सर्कल, करेक्ट, ओके, राइट। तो देखिए जरा इसको भी फटाफट निपटा देते हैं, है ना, आप इसको पूरा मतलब ढंग से मत बनाओ, ढंग से इन द सेंस की रनिंग नोट्स में, क्योंकि फिर है ना हमें सारा चीज समझना है ना इसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ओके, सो इन्फीरियर बनाना ना, तो हमें कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी, सो लेट मी पेस्ट, 1 2, चलिए इसको यहां ले आए, यहां ले आए, सो दिस इज द बेसिकली डायरेक्टिंग लाइन जनरेटिंग सर्कल, फाइन। अब हम इसको डाल देते हैं यहां,
this is your generating circle, this is your directing line, isn't it? Fine. ये हो गया आपका, these are the basically points. Fine. Okay. This is nothing but your d is equal to 2r. D is equal to 2r. Point कहाँ होना चाहिए? It should lie below. It should lie within the generating circle. So within the generating circle means somewhere here. यहाँ कहीं मान लेते हैं, है ना? So let us say this is the O dash, O dash, O dash. है ना? तो ये जो है, ये अच्छा ऐसा आ गया. ठीक, दिस इज योर डी लेस देन आर, है ना? आप देखो डी लेस देन आर, सर्कल कैसे घूम रहा है, सर्कल इज रोलिंग लाइक दिस. फाइन. करेक्ट. फाइन. अब देखिए थोड़ी देर के बाद दिस पॉइंट विल मूव हियर. करेक्ट. एंड फाइनली थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा. सो दिस इज द पॉइंट पी. नाउ हियर इट वाज द पॉइंट पी. यहां पे भी पॉइंट क्या आ गया, दिस पॉइंट इज पी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स, दैट्स इट. है ना? सारे पॉइंट्स को जोड़ दीजिए. और सॉरी, है ना, ये बन गया. तो ये कौन सा कर्व बना? सो दिस कर्व इज कॉल्ड एज इस कर्व को बोलेंगे इंफीरियर ट्रोकॉइड, इंफीरियर ट्रोकॉइड. अब सवाल ये होता है कि सर सुपीरियर और इंफीरियर ट्रोकॉइड यूज कहां करते हैं? आपने साइक्लॉइड को तो बता दिया, इसका कहां यूज करते हैं? देखिए एक्चुअली ये नेवल आर्किटेक्चर में यूज किया जाता है, बिकॉज इट इसका जो प्रोफाइल है और इसका जो शेप है इट मैचेस विद द वेव्स, है ना? तो नेवल आर्किटेक्चर में सुपीरियर और इंफीरियर का ज्यादा यूज किया जाता है, तो वो चीज हम लोग को पढ़ना नहीं है. ठीक है, चूंकि हमें साइक्लॉइड के बारे में पता होना चाहिए और बेसिक आइडिया ऑफ सुपीरियर इंफीरियर होना चाहिए, राइट? ओके, तो ये चीज आ गया. तो सुपीरियर और इंफीरियर के बारे में हमने सारा चीज डिस्कस कर लिया. करेक्ट. अच्छा, अब इसका जरा इक्विवेलेंटली भी तो बचा है. इक्विवेलेंटली दिस इज योर ओ डैश एंड दिस इज द पॉइंट पी. Point P. Circle is rolling in the forward direction. Okay, and this is say D less than R. Correct. अब हमें locus of P चाहिए. I want locus of P. ये तो cycloid वाला आ गया. एक काम, थोड़ा cycloid का ज़्यादा. ये आ गया cycloid. ये जो डिस्टेंस, सॉरी, ये जो दूरी है दिस इज फॉर द साइक्लॉइड, है ना? अब ये देखिए इंफीरियर ट्रोकॉइड में साइक्लॉइड का जो है जो ये है, यहां पे भी नीचे है और यहां से भी थोड़ा सा ऊपर. यू कैन सी दैट इट इज अबव डायरेक्टिंग लाइन बट बिलो द टॉप लाइन, है ना? तो इस तरीके से हमने बनाया. सो हाउ द कर्व विल लुक लाइक, जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा एंड सो ऑन, है ना? इसका नाम क्या दें हम? इसको हम बोलेंगे इंफीरियर ट्रोकॉइड, इंफीरियर ट्रोकॉइड. करेक्ट. सो दिस इज योर इंफीरियर ट्रोकॉइड. करेक्ट. आई होप थिंग्स आर क्लियर. समझ में आ गया? तो चलिए इसका हम आपको थोड़ा सा एनिमेशन दिखा देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए चीज में, है ना? ये तो हमने ड्रॉ कर लिया. सो लेट मी शो यू द ओके. नाउ
चलिए देखिए, जस्ट लुक एट दिस फिगर को ध्यान से देखिए। तीनों कर्व आपको नजर आ रहे होंगे, साइक्लॉइड, सुपीरियर ट्रोकॉइड एंड इंफीरियर ट्रोकॉइड, इजंट इट। जो ग्रीन वाला लाइन है, ग्रीन वाला क्या है? साइक्लॉइड है। एक-एक को एक बार देखो, ग्रीन वाला जो है दैट इज द साइक्लॉइड, इजंट इट? द ग्रीन कलर इज साइक्लॉइड। नाउ लुक एट द रेड वन, रेड वन इज अ सुपीरियर ट्रोकॉइड। देखिए कहां जा रहा है, नीचे आ गया। देखिए नीचे से घूम करके बिल्कुल इस तरीके से आ गया, दैट इज सुपीरियर ट्रोकॉइड। अब हम लोग देखेंगे इंफीरियर ट्रोकॉइड को। ब्लू वाला देखिए, ब्लू पे ध्यान दीजिए, ब्लू वाला देखिए इसको टच नहीं कर पाएगा, टच नहीं किया, देख रहे इतना गैप है ऊपर में, इंफीरियर ट्रोकॉइड। क्लियर? सुपीरियर, इंफीरियर, आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ, है ना, चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलें जरा, ठीक है, दिखिए देख लो, है ना। तो क्या होता है, फ्री ड्रॉ और एनिमेशन में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाता है। आई होप द फिगर इज क्वाइट क्लियर, इजंट इट? ओके, तो शैल वी मूव अहेड? ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। अब हमारे पास एक तो हमने जस्ट चलिए नेक्स्ट, सेकंड, जनरेटिंग सर्कल, जनरेटिंग सर्कल रोल्स ऑन और रोल्स आउटसाइड, रोल्स आउटसाइड डायरेक्टिंग सर्कल, डायरेक्टिंग सर्कल। ध्यान रहे कि जब भी हम लोग ये कर्व प्लॉट करते हैं ना, तो स्लीपिंग या फिर स्लाइडिंग का कंडीशन नहीं लेते हैं, दैट इज इट इज प्योर रोलिंग, है ना। अगर मान लेते हैं कि सपोज 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 देखिए ये चीज है ना, क्या बोल रहे थे, हाँ, व्हेन इट इज गोइंग टू रोल देयर इज नो स्लिपिंग, नो स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए, प्योर रोलिंग होना चाहिए, करेक्ट? ओके, तो जनरेटिंग सर्कल रोल्स आउटसाइड द डायरेक्टिंग सर्कल। तो इसके अंदर देखिए, यहां पे हम आपको बना के दिखाते हैं, दिस इज द जनरेटिंग सर्कल। ओके, लेट अस से दिस इज द रेडियस आर, कैपिटल आर वी आई एम गोइंग टू टेक, सो दिस इज योर सेंटर ओ, दिस इज द कैपिटल रेडियस आर, राइट? अच्छा, इसके ऊपर क्या है कि वी आर गोइंग टू रोल ये चीज, ये हो गया छोटा सा रेडियस स्मॉल आर, सेंटर इज ओ डैश, दिस इज रोलिंग। इस तरीके से कुछ मैं आपको दिखाता हूं, राइट? सो देखिए इस तरीके से कुछ, फाइन, इस तरीके से देयर इज सम रोलिंग, सो दिस इज द सर्कल, दिस इज स्मॉल सर्कल, इट इज रोलिंग ऑन दिस, राइट? करेक्ट? ओके, नाउ व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑलवेज ग्राउंड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑलवेज ग्राउंड, सर्कल इज गोइंग टू रोल। ओके, नाउ व्हाट वी हैव बेसिकली देखिए पॉइंट्स, है ना, बिल्कुल वही तीनों पॉइंट लेंगे। सो दिस इज पी आउटसाइड, दिस इज पी विच इज आई एम गोइंग टू टेक एज अ रेफरेंस एंड दिस इज द पी इनसाइड, सेम कंडीशंस, राइट? तो हम यहां पे लिख लेते हैं, लेट डी इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ, ओके, जनरेटिंग सर्कल यहां पे कौन है? सो दिस इज द बेसिकली योर जनरेटिंग सर्कल, इजंट इट? क्योंकि ये रोल कर रहा है, दिस इज फिक्स्ड, ये रोल नहीं करेगा, इसको आप फिक्स कर लो, इट इज फिक्स्ड, इट इज नॉट रोलिंग, है ना, एक फिक्स रहेगा, रिलेटिव मोशन नहीं करना है, फाइन, एक को रोकना है और दूसरे को हमें रोल करवाना है। सो दिस इज योर बेसिकली योर जनरेटिंग सर्कल और रोलिंग सर्कल, इसको बोलते हैं जनरेटिंग सर्कल, ठीक? ये हो गया आपका डायरेक्टिंग सर्कल, सर्कल है ना ये, सो दिस इज योर डायरेक्टिंग सर्कल, करेक्ट? सो लेट डी इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द जनरेटिंग सर्कल, ऑफ द जनरेटिंग सर्कल, है ना। सो देन इफ
d इज इक्वल टू r, देन जो कर्व बनेगा, अब यहां पे आप मुझको बताओ, टेल मी व्हाट इज d इक्वल टू r, राइट? सो d इक्वल टू r, यू कैन सी दैट दिस इज d इक्वल टू r, isn't it? D is equal to R. Then the curve that is formed, it is called as epicycloid. It is called as epicycloid. If D is greater than R, then jo curve banega, where is D greater than R? Obviously this point. So this is D greater than R, isn't it? Jo curve banega, chuki point is lying outside, so word superior will be added. So this is a superior. Now cycloid, trochoid, epitrochoid. So it will become AP. ट्रोकॉइड, क्योंकि साइक्लॉइड का क्या होता था, ट्रोकॉइड, तो एपी साइक्लॉइड का हो जाएगा एपी ट्रोकॉइड. इफ डी इज लेस देन आर, देन जो कर्व बनेगा, कर्व, सो डी लेस देन आर कौन सा हो जाएगा, दिस इज डी लेस देन आर, इजंट इट? सो इफ डी लेस देन आर, सो ऑब्वियसली पॉइंट अंदर है तो वर्ड लगा देंगे इंफीरियर एपी ट्रोकॉइड. क्लियर? फाइन, यह आ गया d इक्वल टू r, देन कर्व एपिसाइक्लॉइड हो गया. अब हम लोग एक एक करके चलते हैं, है ना? सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल हियर एवरीवन. फाइन, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं एपिसाइक्लॉइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना? सो द फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एपिसाइक्लॉइड. एपिसाइक्लॉइड मीन्स पॉइंट लाइंग ऑन जनरेटिंग सर्कल, on generating circle, that is d is equal to r, point lying on generating circle, that is d is equal to r, है ना? तो चलिए इसको जरा draw कर लेते हैं. पहले एक छोटा सा circle बना लेते हैं and copy कर लेते हैं. So I will take only three. So this is 1, 2. So let us say this is the directing circle. Hai na? Let us say this is the center. So this is a capital R and this is the center O, isn't it? And this is your O dash. ये क्या आपका O dash, correct? Now अब इसको हम set कर देते correct? So let us say this is the center O dash. And this is another center. इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग. है ना? ये एंगल कुछ मान लेते हैं, सपोज थीटा. ठीक, दिस इज योर ओ डैश. सर्कल कैसे रोल कर रहा है? सर्कल इज रोलिंग इन दिस डायरेक्शन, है ना? तो आप ऐसे देखो कहां गया. करेक्ट, इस तरीके इट इज रोलिंग समथिंग लाइक दिस, है ना? इस तरीके से रोल कर रहा है. ठीक, फाइन. अब देखिए पॉइंट कहां पे है. सो लेट अस मार्क द पॉइंट. सो पॉइंट इज ऑन द जनरेटिंग सर्कल, रेफरेंस को लेंगे. सो दिस इज द बेसिकली पॉइंट, है ना? सो पॉइंट इज समवेयर हियर, करेक्ट? सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द, ओके लेट मी चेंज द कलर, दिस इज द पॉइंट, है ना? ये पॉइंट हमेशा हम रेफरेंस किसको लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को. आफ्टर सम टाइम दिस पॉइंट विल गो अप, है ना? रोल कर रहा है, तो रोल करने के बाद आप देखो, ध्यान से देखो, है ना? ध्यान से देखो, ये ऐसे है ना, दिस पॉइंट यू कैन सी. नाउ इफ इट रोल्स सो दिस पॉइंट विल गो अप, है ना? ये ऊपर आ जाएगा पॉइंट. सो दिस पॉइंट विल बी हियर, दिस इज द पॉइंट पी. आफ्टर सम टाइम दिस पॉइंट विल कम डाउन, इजंट इट?
ये पॉइंट हो जाएगा आपका करेक्ट. सो दिस आर द बेसिकली रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पॉइंट्स. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स, दैट्स इट, कहानी खत्म. इसको जोड़ दीजिए आप, है ना, एक कर्व मिलेगा. सो यू आर गोइंग टू गेट अ कर्व. ये कर्व को क्या बोलेंगे? सो दिस कर्व इज बेसिकली कॉल्ड एज एपीसाइक्लॉइड. इट इज कॉल्ड एज एपीसाइक्लॉइड. दिस इज कॉल्ड एज जनरेटिंग सर्कल, जेन सर्कल, एंड दिस इज अ डायरेक्टिंग सर्कल. इजंट इट? करेक्ट. क्या बन जाएगा ये? एपीसाइक्लॉइड बन जाएगा. आई होप थिंग्स आर क्लियर, है ना, थिंग्स आर क्लियर इस तरीके से. सो यू व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, यहां पे अगर आप देखोगे, ये जो है, ये दूरी, ये वाली दूरी, ये किसके बराबर है? ये वाली दूरी, इट इज डी इक्वल टू आर, है ना. ये जो दूरी है, यही तो है डी इक्वल टू आर, इजंट इट? दिस इज नथिंग बट योर डी इज इक्वल टू आर एंड सर्कल इज डूइंग प्योर रोलिंग. करेक्ट. तो इक्विवेलेंटली, तो ये जो कर्व बनेगा, ये तो कर्व हमने इसको ऐसे दिखाया. सो इक्विवेलेंटली इफ आई शो यू, ओके, सो इक्विवेलेंटली अगर हम इसको इक्विवेलेंटली दिखाते हैं, इक्विवेलेंटली, सो दिस इज अ स्मॉलर सर्कल, लार्जर सर्कल, सर्कल इज रोलिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज अर ओ डैश, दिस इज अर ओ, स्मॉल रेडियस, कैपिटल रेडियस, एंड वेयर इज द पॉइंट? सो पॉइंट इज ऑन द जनरेटिंग सर्कल. सो दिस इज द पोजिशन ऑफ द पॉइंट पी, so that d is equal to r. so what is the locus of p? locus of p kaisa banega? aisa. hai na, is tarike se kuch ban jayega. सो दिस इज द बेसिकली कर्व. नाउ आई होप इट इज, अच्छा ये कर्व क्या बन जाएगा? इसी कर्व को बोलेंगे हम लोग एपीसाइक्लॉइड. नाउ लेट मी शो यू. सो वेयर इट इज यूज्ड, बेसिकली एप्लीकेशन भी तो इंपॉर्टेंट है ना. एप्लीकेशन इन बेसिकली गियर टूथ प्रोफाइल, रोटरी पंप्स, ब्लोअर्स एटसेट्रा, है ना, यहां पे इस जगह का यूज करते हैं. फूल के जैसे, सही पकड़े हैं, है ना. अब देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. देखिए, ये तो हमने देख लिया, ये देखिए, एन रेवोल्यूशन हो रहा है. देयर आर एन रेवोल्यूशन, तीन चक्कर काटा, ये बन गया एपीसाइक्लॉइड. क्या बना इसमें? यही तो है एपीसाइक्लॉइड. ये क्या है? दिस इज नथिंग बट एपीसाइक्लॉइड, इजंट इट? क्या बन रहा है? देखिए एपीसाइक्लॉइड. एक चीज यहां पे ऑब्जर्व कीजिए आप, है ना, ये क्या बन रहा है आपको? एपीसाइक्लॉइड बन गया. ठीक, कितने एपीसाइक्लॉइड बने हैं? तीन बने. इसका मतलब क्या हो कि तीन चक्कर लगाए, यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, फ्रॉम हियर टू हियर अनदर कंप्लीट रेवोल्यूशन, एंड फ्रॉम हियर टू हियर अगेन कंप्लीट रेवोल्यूशन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैसे पता चलेगा कितने एपीसाइक्लॉइड बनेगा, है ना. हाउ यू विल कम टू नो हाउ मेनी एपीसाइक्लॉइड इट इज गोइंग टू फॉर्म, जस्ट ऑब्जर्व वन थिंग, ध्यान से देखिएगा. आप मुझको ये बताइए, इन दिस पर्टिकुलर फिगर व्हाट इज द कैपिटल आर? अब यहां पे देखिए, ये है ना, दिस इज द कैपिटल आर, है ना, इसको रुकने दीजिए, ये कैपिटल आर है. अब देखिए, ये आपका ये सेंटर है, एंड दिस इज योर स्मॉल आर,
है कि नहीं? आप देखो ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है कि नहीं? करेक्ट। अब आप मुझको ये बताओ देख करके इस फिगर के अंदर, नाउ यू टेल मी वन थिंग, यू टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर ओवर हियर? यू विल से दैट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इन दिस पर्टिकुलर केस इज हाउ मच? इट इज 3। रेडियस कितना नजर आ रहा है? 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर? स्मॉल आर कितना नजर आ रहा है? ओनली 1 यूनिट, सो इट इज 1 यूनिट, इजंट इट? स्मॉल आर कितना है? अब देखो कैपिटल आर तो ये तो रुका हुआ, ये तो चल रहा है, इसको रोकिए, देखिए कितना यूनिट है, एक ही यूनिट है ना, 4 से 5 ले लीजिए, एक यूनिट है। सो देयरफॉर व्हाट इज योर आर अपॉन आर? रेडियस रेशियो, इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो, इट इज कॉल्ड एज, थोड़ा बहुत मोटा हो गया, इट इज कॉल्ड एज रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो कितना आ गया? 3/1, यानी इट इज 3। इसका मतलब ये हो गया कि अगर रेडियस रेशियो 3 है तो 3 एपिसाइक्लॉइड बनेगा, करेक्ट। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एपिसाइक्लॉइड फॉर्मड, नंबर ऑफ एपिसाइक्लॉइड कितना बनता है किसी भी इसमें? नंबर एपिसाइक्लॉइड फॉर्मड ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू रेडियस रेशियो, आर अपॉन आर। ठीक है, इसको हम के से भी दिखा देते हैं कभी कभी, विच इज इक्वल टू के, है ना? तो कितने एपिसाइक्लॉइड बनेंगे? रेडियस रेशियो निकाल लो, पता चल जाएगा कितने एपिसाइक्लॉइड बनेंगे। यहां पे रेडियस रेशियो इज 3:1, सो देयरफॉर 3 एपिसाइक्लॉइड इज गोइंग टू फॉर्म, इजंट इट? फाइन, तो जितना रेडियस रेशियो होगा उतना ही हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो अब अगर आपसे हम पूछे, अगर आपसे हम ये पूछे कि भैया ये बताओ कि इसमें का रेडियस रेशियो कितना रहा होगा, तो आप कैसे बोलोगे? दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। रेडियस रेशियो कितना रहा होगा? 6। के इज इक्वल टू 6 और रेडियस रेशियो इसका कितना होगा? 6। यानी 6 एपिसाइक्लॉइड बना है तो रेडियस रेशियो 6 होगा, यानी कि बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल के बीच का रेशियो कितना होगा? इट इज 6, एज सिंपल एज दैट, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फ्रेम किए जा सकते हैं। ओके, अब एक और चीज देखिए, ये आप देखो एप्लीकेशन, हमने बताया था एप्लीकेशन कहां होता है? इट इज यूज्ड इन ब्लोअर्स, रोटरी पंप्स, यही तो होता है। अब देखिए ध्यान से, इसके ब्लेड को ध्यान दो, इसके ब्लेड पे ध्यान दीजिए, है ना? इसके ब्लेड पे ध्यान दीजिए, देखिए ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, ये वाला, ये इतना पोर्शन को देखिए, इतना पोर्शन देखिए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इधर आपको बता दूंगा ना, तो इट विल बी इजी फॉर यू। देखिए जैसे एक सर्कल बनाया, ठीक, ये हमने बनाया, दिस इज एक साइक्लॉइड, इसके ऑपोजिट में हम दूसरा साइक्लॉइड, ये ऐसे तो बनता है ना साइक्लॉइड, ठीक। अब हम इसको ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ऐसे तो बनाना कुछ ब्लेड, है ना? तो ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन इज नथिंग बट योर एपिसाइक्लॉइड, दिस पोर्शन इज नथिंग बट योर एपिसाइक्लॉइड, दिस पोर्शन इज नथिंग बट योर एपिसाइक्लॉइड। तो यहां पे इस पर्टिकुलर फिगर में इफ यू सी, सो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस इज योर एपिसाइक्लॉइडल कर्व, दिस इज नथिंग बट योर एपिसाइक्लॉइडल कर्व, दिस इज एपिसाइक्लॉइडल कर्व। ये वाला पोर्शन क्या है? एपिसाइक्लॉइडल है, ये एपिसाइक्लॉइडल कर्व, दिस इज एपिसाइक्लॉइड। अच्छा, ये जो सेक्शन है ना, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो कर्व, ये भी तो बन रहा है ना, देयर इज वन मोर कर्व, ये हाइपोसाइक्लॉइड है, इसको बोलते हैं हाइपोसाइक्लॉइड। ये आपका बन जाएगा एपिसाइक्लॉइड, दिस इज योर एपिसाइक्लॉइड, और ये वाला टर्म है, दिस इज योर हाइपोसाइक्लॉइड, आगे अभी आएगा हाइपोसाइक्लॉइड, दिस इज योर हाइपोसाइक्लॉइड। यानी कि इस पर्टिकुलर फिगर में अगर आपको दिखाया जाए तो हाइपोसाइक्लॉइड कौन सा नजर आ रहा है? सो हाइपोसाइक्लॉइड, ये वाला कर्व जो नजर आ रहा है, दिस इज द हाइपोसाइक्लॉइडल कर्व, ये वाला कर्व है ना, ये वाला कर्व, दिस कर्व इज योर हाइपोसाइक्लॉइड, ये वाला कर्व इज हाइपोसाइक्लॉइड, है ना? इस तरीके से, आई होप इट इज क्लियर, है ना? ये है बेसिकली, यू कैन सी दैट दिस इज द, इसको बोलते हैं बेसिकली 3-लोब रोटरी पंप। ये क्या है बेसिकली? इट इज योर 3-लोब, लोब है ना ये, 1, 2, 3 लोब है, इट इज योर 3-लोब रोटरी पंप, है ना? पानी एक तरह से या कोई फ्लूइड एक तरह से एंटर करेगा, है ना? इस केस में क्या होता है, इन दिस पर्टिकुलर केस इफ यू सी हियर, द वॉटर और एनी फ्लूइड विल कम फ्रॉम वन साइड और हाई प्रेशर से दूसरे साइड से निकलता है, राइट? रोटरी पंप्स के अंदर, राइट? ये चीज हो गया, फाइन, ओके, आई होप इट इज क्लियर, चीजें समझ में आ गई होगी। सो एप्लीकेशन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ अब जरा इस पे आ जाते हैं, तो एप्लीकेशन आ गया, देखिए रोटरी पंप्स का मैंने आपको बता दिया, आगे चल के इसका हम एनिमेशन भी दिखाएंगे, कैसे घूमता है ये भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, राइट? अच्छा अच्छा, एक और चीज हम आपको बताते हैं इसके अंदर, सो लेट अस कम हियर। ये फिगर देखिए,
कितने एपीसाइक्लॉइड बने इसके अंदर? एक। इसके अंदर कितने बन रहे? दो। इसके अंदर तीन तो ऑलरेडी देख चुके, चार। यानी कि अगर इसमें एक बन रहा है, इसका मतलब रेडियस रेशियो कितना होगा? आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अगर हम इसके लिए पूछे व्हाट इज द रेडियस रेशियो, आप बोलोगे आर इज इक्वल टू आर, क्योंकि एक ही बन रहा है ना, एक ही तो बन रहा है कर्व, वन कंप्लीट कर्व, देखो एक ही बार टच हो रहा है। सो दिस इज आर इज इक्वल टू आर। इसको बोलते हैं हम लोग कार्डियोइड। ये जो फिगर बन रहा है इसको क्या बोलेंगे? इट इज बेसिकली कार्डियोइड, बिकॉज दोनों का रेडियस रेशियो सेम है। यहां पे कितने बन रहे हैं? दो। इसका मतलब रेडियस रेशियो क्या होगा? आर अपॉन आर इज इक्वल टू टू। इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसमें रेडियस रेशियो कितना हो जाएगा? इट इज वन। इसमें रेडियस रेशियो कितना है? टू। क्या बन रहा है? दो कर्व। इसका नाम है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉइड एंड सो ऑन, है ना। यहां पे क्या है रेडियस रेशियो बताओ? तीन बन रहा है ना, तो रेडियस रेशियो कितना हो जाएगा? इट इज थ्री। इसमें कितना बन रहा है? चार बन रहा है, तो इसका रेडियस रेशियो कितना होगा? इट इज फोर, है ना। मान लीजिए कि फिगर दे दिया, तीन लोग बना हुआ, आपसे पूछा व्हाट इज द रेडियस रेशियो, क्या करोगे? नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऐसे हो जाएगा ये चीज, ठीक। तो चलिए, ये हो गया हमारे पास। अब आज जरा आ जाते हैं, फाइन। ये क्या था हमारा? एपीसाइक्लॉइड बी, सुपीरियर एपीट्रोकॉइड दैट इज पॉइंट लाइंग आउटसाइड जनरेटिंग सर्कल। ठीक है, तो शॉर्ट में आपको बहुत चीज हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर। देखिए, मैंने पहले बोला कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से आ रहा है उसको ड्राइंग के अंदर यही दो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद सेफ्टी पे हम जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय है नहीं, इतना चीज आप याद नहीं कर सकते, राइट। तो मोटा मोटा चीज जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, राइट। सो सुपीरियर एपीट्रोकॉइड क्या है? अ पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द जनरेटिंग सर्कल। चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं। ये क्या है? सॉरी, ये छोटा सा सर्कल बना लो फटाफट, इसको कॉपी कर डालो। पेस्ट, ये क्या हो गया इसको? वन टू, थोड़ा सा इधर ले आते हैं। ठीक, R, कैपिटल R, सेंटर इज O, सेंटर इज योर O डैश, सर्कल इज रोटेटिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको हम उठा के बैठा देते हैं यहां पे। आ जाओ बच्चों, चिपक जाओ, इधर चिपक गया, इधर आ जाओ। ठीक, ये हो गया इसका सेंटर, बना लेते हैं। दिस इज योर O डैश, दिस इज योर O डैश, है ना। सर्कल कहां रोटेट कर रहा है? सो सर्कल इज रोटेटिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। नाउ वेयर इज द पॉइंट? पॉइंट शुड लाई डी ग्रेटर देन आर, इजंट इट? सो डी ग्रेटर देन आर मींस यहां के, करेक्ट। सो दिस इज योर पॉइंट पी। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज डी ग्रेटर देन आर, ये तो ले रहे हैं ना, दिस इज योर डी ग्रेटर देन आर, करेक्ट। ये आ गया ना, पहले पॉइंट यह है, थोड़ी देर के बाद पॉइंट कहां चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, फिर इसके बाद पॉइंट विल कम डाउन समवेयर हियर। दिस इज बेसिकली पी एंड दिस इज बेसिकली पी, है ना। ये क्या है आपका? दिस इज योर जनरेटिंग सर्कल, दिस इज योर जनरेटिंग सर्कल एंड दिस इज योर डायरेक्टिंग सर्कल, ठीक। जनरेटिंग सर्कल और डायरेक्टिंग सर्कल। नाउ व्हाट आई हैव टू डू? अब हमें ज्वाइन करना है,
ठीक ज्वाइन कर दें। तो ज्वाइन जब करोगे अ कर्व समथिंग लाइक दिस विल बी ट्रेस्ड इजंट इट। तो इस कर्व का नाम क्या दें? सो दिस कर्व इट इज कॉल्ड एज सुपीरियर ट्रोकॉइड सुपीरियर एपी ट्रोकॉइड करेक्ट। फाइन नाउ इक्विवेलेंटली सर्कल इज रोलिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज ओ डैश आर, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज ओ कैपिटल आर, दिस इज डी ग्रेटर देन आर, है ना। लोकस ऑफ पी चाहिए हमको, लोकस ऑफ पी, दिस इज अ सर्कल। कैसा बनेगा देखिए, how it is going to form. Now you can see that some part is penetrating the directive circle, isn't it, and some part overshoot be or undershoot be, or bilkul cycloid wala hi case hai, but there is some kind of penetration. So therefore you can see that bilkul imirti hota hai na, aapne khaya hoga imirti kuch is tarike se, radius r, this is your superior trochoid, sorry superior ap trochoid, है ना, इमिड़ती के जैसे बन गया। वीक वन सर हाउ दिस टॉट इन ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास में भी बताते हैं सारा चीज, ऐसे जैसे बना रहे हैं वैसे बनाते हैं उसमें भी, है ना। ठीक चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सी पे फटाफट। इंफीरियर ट्रोकॉइड, सर इसमें ट्रोकॉइड तो नहीं लिख दिया ना, एपी ट्रोकॉइड, हाँ नहीं सही है, C is your inferior epitrochoid. Inferior epitrochoid, अर्थात point is lying inside directing circle, that is D less than R. बुझ गए, है ना, करेक्ट। सो इन्फीरियर एपिट्रोकॉइड मीन्स पॉइंट इज लाइंग इन साइड डायरेक्टिंग सर्कल। नाउ सी इन दिस पर्टिकुलर केस, लेट मी ड्रॉ इट। सो ये हो गया सर्कल, सो लेट मी कॉपी इट, 1 2 दिस इज सेंटर ओ, सेंटर ओ कैपिटल आर, ओके अच्छा इसको चिपका दूं इधर, ओ डैश है ना, ये ओ डैश, ओ डैश, ओके सर्कल इज रोलिंग इन दिस डायरेक्शन, फाइन। राइट अच्छा अब ये देखिए यहां पे पॉइंट कहां पे है, सो पॉइंट इज लाइंग इनसाइड, है ना, इनसाइड लाई कर रहा है, सो लेट अस से दिस इज द पॉइंट समवेयर हियर, ठीक पॉइंट जो है इट इज समवेयर हियर, दिस इज लेट अस से दिस इज द पॉइंट, सो इट इज लाइंग इनसाइड, आफ्टर सम टाइम दिस पॉइंट विल गो हियर, आफ्टर सम टाइम दिस पॉइंट विल कम हियर, इजंट इट, सो दिस इज योर पी, दिस इज योर पी, करेक्ट।
ओके, इफ यू सी व्हाट इज द डिस्टेंस, सो दिस इज बेसिकली, ये डिस्टेंस को चेक करते हैं जरा. डी लेस देन आर, इजंट इट? नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जॉइन ऑल द पॉइंट्स, दैट्स इट, है ना. चलिए ज्वाइन करते हैं. Something like this we are going to get. Now this is your inferior trochoid. Sorry, inferior epitrochoid. Inferior epitrochoid. This is your generating circle or rolling circle. And this is your directing circle. Fine. ओके, करेक्ट. हाँ, सॉरी, हियर द पॉइंट इज लाइंग इनसाइड जनरेटिंग सर्कल, करेक्ट. इनसाइड जनरेटिंग सर्कल, करेक्ट. सो थैंक्स फॉर करेक्शन. हु इज ही? इलेक्ट्रो विजार्ड्स, खतरनाक. हाँ, जनरेटिंग सर्कल हो गया, हो जाता है, करेक्ट. सो इक्विवेलेंटली हैव टू ड्रॉ, इजंट इट? So equivalently, I will draw here. Equivalently, this is small circle. This is point P. Center O dash, rolling, capital R, center O. So here D is less than R, isn't it? So locus of P, locus of P. Fine, कैसा होगा ये? तो देखिए, रेडियस रेशियो से पता चल जाएगा, है ना, जितने कस्प बन रहे हैं, या फिर जितने फिगर को देख करके बता सकते हो कि व्हाट शुड बी द रेडियस रेशियो, है ना. सो दिस इज बेसिकली योर इंफीरियर ट्रोकॉइड, दिस इज योर इंफीरियर, अरे बार बार ट्रोकॉइड नहीं, इंफीरियर एपिट्रोकॉइड, दिस इज योर इंफीरियर एपिट्रोकॉइड, करेक्ट. आई होप थिंग्स आर क्लियर. शुभ्रांशु सर, लाइन पे चलेगा तो ट्रोकॉइड, सर्कल पे चलेगा तो एपिट्रोकॉइड. नहीं, ऐसा नहीं है, सर्कल पे बाहर चल रहा है, अंदर चल रहा है, उस पर डिपेंड करेगा. शुभ्रांशु, वेदर इट इज गोइंग आउटसाइड द सर्कल और वेदर इट इज रोलिंग इनसाइड द सर्कल, दैट डिपेंड्स. ओके, फाइन. सो लेट मी शो यू सम एनिमेशन नाउ. नाउ जस्ट वन सेकेंड, कहा गया? सी, जस्ट सी द फिगर, ये जलेबी जैसा बन गया, है ना. जस्ट सी वन सेकेंड, ये फूल जैसा बन गया, है ना, सूर्यमुखी, सनफ्लावर. This is like a jalebi or imerti, and this is, I don't know, koi bhi flower. Now let me show you. Aapko teen cheez samajh mein aa gaya? Now I will show you the animation. See very carefully. Dekhiye, cycloid, epicycloid, hai na. You can see that there is a red dot, that is the generating circle which is rolling, and there are three points. One point is inside the generating circle, one point is on the generating circle, and another point is outside the generating circle. Ab teenon ko aap 10 सेकंड का समय देता हूं, आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा. देखिए, इमिर्ति भी बन रहा है ना, ये बाहर भी बन रहा है और ये टच भी कर रहा है, तो ये एक नेफ्रॉइड बन रहा है. दैट मींस रेडियस रेशियो कितना होगा इसका? R इज इक्वल टू 2R के बराबर होगा, है ना. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रेडियस रेशियो इन दिस केस, आप क्या बोलोगे? R अपॉन R इज इक्वल टू 2, है ना, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां है, दूसरा पॉइंट, दो ही तो ग्राफ बन रहा है ना. रेडियस रेशियो 2 है. क्लियर? आई होप थिंग्स आर क्लियर. आपको दिख रहा होगा, विजुलाइज कर पा रहे होंगे आप लोग. ठीक. करेक्ट. सो आगे चले, आई होप. यस, रेडियस रेशियो 2 हो गया. तो इफ आई टेल यू, आप ये देखो, ये बाहर वाला, ये कौन सा है? ये तो आपका सुपीरियर हो गया ना, दिस इज अ सुपीरियर. ठीक, अच्छा, और कहां गया? आने दीजिए इसको.
बीच वाला है ना. सो दिस इज योर एपिसाइक्लॉइड एंड ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज योर इनफीरियर है ना. सो दिस इज योर सुपीरियर एपिट्रोकॉइड, सुपीरियर एपिट्रोकॉइड, इनफीरियर एपिट्रोकॉइड और इसका रेडियस रेशियो कितना है, इट इज टू. क्लियर, फाइन. तो ये सारे यूज होते हैं नेवल आर्किटेक्चर में. सुपीरियर इनफीरियर आर बेसिकली यूज्ड इन नेवल आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है ना. जो हमारे पास एपिसाइक्लॉइडल है, रोटरी पंप, ब्लोअर, इसमें इस्तेमाल होता है. बाकी सुपीरियर इन्फीरियर हम लोग यूज करते हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं, वो नेवल में यूज किए जाते हैं. करेक्ट, आई होप थिंग्स आर क्लियर. तो चलिए आगे चले, फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं. कहां तक थे, बी. चलिए, अच्छा ये पेज ही खत्म हो गया, चलो आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. उसमें क्या है, सी, जनरेटिंग सर्कल. सी थ्री, जनरेटिंग सर्कल रोल्स इनसाइड डायरेक्टिंग सर्कल, इनसाइड डायरेक्टिंग सर्कल. करेक्ट. सो थर्ड इज जनरेटिंग सर्कल रोल्स इनसाइड डायरेक्टिंग सर्कल. सो कुछ इस तरीके से, सपोज दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ हेवी सर्कल है ना, इस तरीके से कुछ कहीं भी ले लो, चिपका दें इसको ऐसे, चिपक गया. सो दिस इज योर रेडियस, रेडियस. सो कैपिटल आर, सेंटर इज ओ, दिस इज योर ओ डैश, सेंटर इज स्मॉल आर. करेक्ट. फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां पे होगा, एक्स एंड वाई, दिस इज द ऑब्जर्वर. करेक्ट. नाउ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज हियर, सर्कल हैज टू रोल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगेन वी हैव टू टेक थ्री पॉइंट्स, यू कैन सी दैट. सो द पॉइंट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इज, सो दिस इज द पॉइंट आउटसाइड, दिस इज द पॉइंट ऑन, सो इट विल बी टेकन टू बी द रेफरेंस, एंड दिस इज द पॉइंट इनसाइड, इजंट इट. सो अगेन इफ आई टेक, लेट डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट from the center of generating circle, center of generating circle. अब यह बताइए कि circle को अगर आगे जाना है तो किधर roll करना पड़ेगा, right? So the circle has to roll in this direction, then only it will move in the forward direction. अब बोलोगे कैसे सर, तो ऐसे मैं आपको बताता हूं. देखिए, देखिए यह है, जस्ट वन सेकेंड, आई विल मार्क वन पॉइंट ऑन दिस सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. मैं एक ब्लैक मार्क कर देता हूं ताकि आपको दिखे, ठीक है. राइट, सी हियर, नाउ सी, यू कैन सी दैट दिस इज अ सर्कल एंड आई थिंक यू कैन सी अ ब्लैक मार्क ओवर हियर है ना. यहां पे देखिए ब्लैक मार्क दिख रहा होगा, ये इस तरीके से. नाउ द सर्कल हैज टू, क्योंकि हर हर फिगर में वी हैव टेकन इन द लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, साइक्लॉइड में भी, एपिसाइक्लॉइड में भी. सो ऑल ऑलवेज द सर्कल, जनरेटिंग सर्कल वाज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. जब इसको आगे मूव करना तो कैसे रोल करोगे, देखो ऐसे रोल करना पड़ेगा है ना, एंटी क्लॉकवाइज यू हैव टू रोटेट, इजंट इट. सो इफ यू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ओनली इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो इसीलिए हमने क्या क्या देखा है ना, दिख रहा होगा आई होप है ना. सो आई होप इट इज, लेट मी शो इट लाइक दिस, यू कैन सी, जस्ट लुक एट द डॉट. तो अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तभी जाकर ये पॉइंट आगे जाएगा है ना. सो फॉरवर्ड मोशन, सो दैट इज वाई हैव टेकन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ दिस इज बेसिकली योर डायरेक्टिंग सर्कल, दिस इज योर डायरेक्टिंग सर्कल एंड दिस इज योर जनरेटिंग सर्कल, दिस इज योर जनरेटिंग सर्कल. राइट, नाउ रोटेशन क्लियर है. सो देन इफ D is equal to R, obviously है D equal to R कौन सा होगा, this is D equal to R, this will be PI will be D less than R and this is equal to D greater than R, but obvious, correct. So I hope everyone is following what I am saying, isn't it.
करेक्ट, फाइन। सो इफ डी इज इक्वल टू आर, इस केस में कर्व क्या बनेगा? सो देन द कर्व जो बनेगा इसको बोलेंगे हाइपोसाइक्लॉइड। जैसे कि मौत का कुआं होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से मौत का क्या कुआं में क्या होता है, देयर विल बी वन सिलेंडर, उसके अंदर एक बाइक घूमता रहता है ना, हाइपोसाइक्लॉइड। सिमिलरली इफ डी इज ग्रेटर देन आर, उस केस में जो कर्व बनेगा, देन द कर्व दैट विल बी ट्रेस्ड, सिंस डी इज ग्रेटर देन आर सो वर्ड सुपीरियर विल बी एडेड, सुपीरियर हाइपोट्रोकॉइड, सुपीरियर हाइपोट्रोकॉइड। एंड इफ डी इज लेस देन आर, उस केस में जो कर्व बनेगा, देन द कर्व इट इज योर इंफीरियर हाइपोट्रोकॉइड, इंफीरियर हाइपोट्रोकॉइड बन जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं फिगर्स, है ना, सुपीरियर इंफीरियर। सो द फर्स्ट वन आई विल टेक एज हाइपोसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड दैट इज पॉइंट लाइंग ऑन द जनरेटिंग सर्कल, ऑन द जनरेटिंग सर्कल दैट इज डी इज इक्वल टू आर, फाइन, करेक्ट है ना। तो चलिए इसको फटाफट बना देते हैं। सो पेस्ट, दिस इज सेंटर ओ, दिस इज योर ओ डैश, ओके, सो दिस इज द सेंटर, isn't it? So एक सेंटर यहां पे, so this is a O dash, this is a O dash. Circle is rolling in this direction, so that it will move in the forward direction, isn't it? So we have this as directing circle, and this yellow one, it is the generating circle. Where is the point? Point is lying on the generating circle, right? So we will take this as a reference, fine. So here is the point, this is the point P, isn't it? Ab ye bataiye ki jab circle anti clockwise rotate karega to point kidhar jayega, that is the question, correct? So if the circle is rotating in the CRC, this is the point, isn't it? This is the point, it has to rotate in anti clockwise direction, tabhi aage badhega. To jab ye rotate karega, so the point is coming down, you can see that the point is here, jab ye rotate karega point is coming down, so that means here the point will come down, again the point will go up, isn't it? So these are the basically relative position of the point P, fine. So what we have to do is I have to join the points, that's it, correct? So it is not a straight line actually, this is a small curve like this, right? So curve kaisa ban gaya, so this curve is basically your hypocycloid, ye ban gaya aapka hypocycloid, isn't it? So equivalently if I draw it, equivalently this is radius r, this is the point P, circle is rolling like this, this is the center O dash, center is O, this is d is equal to r. So what is locus of P?
locus of P. This is a circle. So कैसा बनेगा ये? Isn't it? So this is your hypercycloid. तो epicycloid का mirror image you can say hypocycloid. Correct? So this is your hypocycloid. Done? Okay. So let me show you. See, this is hypocycloid. So if I ask you what is the radius ratio in this particular figure, what will be your answer? If I ask you what is the radius ratio, obviously see how many hypocycloid is formed. So 1, 2, 3 and 4. So its radius ratio R upon R, it will be 4. Correct. So R upon R will be 4. Number of hypocycloid is equal to radius ratio. So R upon small r will be 4. So therefore, if I ask, okay, this one. Right? I hope it is clear. Fine. Next. This is the application. Right. So I already told you the application. Now you can, this is again 3-lobe, isn't it? So I have already told you this is basically 3-lobe rotary pump. 3-lobe rotary pump. You can see that there is a 3-lobe, and you can clearly see that what is which one is hypocycloid and which one is your epicycloid, isn't it? So there is some inlet. You can see that there will be some inlet. So some fluid will come here, and again it will exit here at very high speed, right? So these are there 3 lobes. So you can see that I have already shown you the figure earlier. So I have already given you the idea of what which one is epicycloid and which one is a hypocycloid. So combination of epicycloid and hypocycloid is basically it is forming a 3-lobe rotary pump and it is rotating, isn't it? So you can see that there is a rotation in this, right? Okay. Now if I ask you, can you tell me what is the radius ratio in this? I am asking you what is the radius ratio, R upon R is how much? But obvious, there is, now see, from here to here 1 and from here to here there are 2, isn't it? So here radius ratio R upon R is equal to 2. Correct. So the radius ratio in this particular case is how much? It is basically your 2. Fine. So if radius ratio is 2, then there is basically, see, from here to here 1, from here to here 2. So our radius ratio is 2. So this question was asked in engineering service examination. That means the line, basically when a circle is rolling inside, a straight line is formed when the radius ratio is 2. So this is basically used in printing press, because in the printing press it has to be linear, isn't it? The straight line, the paper has to be printed in the straight line, but the wheel will be moving in the circular motion. So to convert circular motion into linear motion, these hypocycloid curves are basically used, isn't it? I hope it is clear. Okay. So application we have seen and the things we have seen. Okay. Now coming to the superior, the inferior. So I will just summarize it, right? So for B1, so I will not draw clear the everything. I will just summarize, because now you are in a position to understand the thing. So superior hypotrochoid, how the curve will be? Superior hypotrochoid, that is D greater than R. So if I draw the direct curve, isn't it? So I will directly draw. So how it will be? So obviously you can see that superior hypotrochoid will be something like this, isn't it? So this much, this is a superior hypotrochoid. Ulta jalebi, isn't it? And C is an inferior hypotrochoid. Inferior hypotrochoid. So how you will, inferior hypotrochoid means D is less than R. So what will be the figure? So but obvious, the we have to take the mirror image, isn't it? So just take like this. This is your end evolution. Rahul Yadav, kya is case mein radius ratio 1 ho sakta nahi ho sakta? रेडियस रेशियो 1 मतलब क्या हुआ? दोनों रेडियस, दोनों सर्कल का रेडियस सेम, रोल किस पे करोगे? इफ रेडियस रेशियो इज 1, आर अपॉन आर इज इक्वल टू 1, सो दैट मींस द जनरेटिंग सर्कल एंड द डायरेक्टिंग सर्कल दोनों सेम साइज का, रोल कैसे करोगे? रोल होगा ही नहीं. तो आर अपॉन आर इक्वल टू 1 इज इनवैलिड केस. ओके फाइन. नाउ लेट मी शो यू सम मोर थिंग. सी हियर,
है ना, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा सुपीरियर, इंफीरियर एंड हाइपोसाइक्लॉइड, एवरीथिंग इज क्लियर, इजंट इट? सो इफ आई मार्क इट, अगर मार्क करते हैं तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है दिस इज अ सुपीरियर, दिस इज अ सुपीरियर हाइपोट्रोकॉइड, इजंट इट? राइट. अच्छा, ये वाला जो है, ये वाला दिस इज अ हाइपोसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, राइट. और ये जो हवा में लटक गया, जो है ना, जो हवा में है, दिस इज अ इंफीरियर हाइपोट्रोकॉइड, है ना, क्लियरली आपको दिख रहा होगा पिक्चर, इजंट इट? या देयर इज नो स्लीपिंग, प्योर रोलिंग. और ये इनवॉल्यूट, ये देखिए गियर टीथ, इनवॉल्यूट गियर टीथ, करेक्ट? समझ में आ गया यहां तक? चलिए आगे चले जरा. फाइन, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड, यू नो. तो मैं तो बहुत फास्ट में बहुत चीज कवर कर दिया हूँ, फास्ट में आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कुछ बचा नहीं, बिकॉज जो भी क्वेश्चन आप बन सकता है आराम से बना सकते. अच्छा, अगर आप इसे पूछा जाए, बताया भैया बताओ व्हाट इज द रेडियस रेशियो इन दिस, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द रेडियस रेशियो इन दिस पर्टिकुलर फिगर, कैन एनीबडी टेल व्हाट विल बी द रेडियस रेशियो? देखिए इन्फीरियर का हाइपोट्रोकॉइड, सी हाइपोसाइक्लॉइड का एप्लीकेशन तो हमने दिखा दिया, एपीसाइक्लॉइड हाइपोसाइक्लॉइड का एप्लीकेशन अभी हमने रोटरी पंप को रोटेट करके दिखा दिया, ये सारे नेवल आर्किटेक्चर में यूज किए जाते हैं, करेक्ट? सो व्हाट इज द, यस, रेडियस रेशियो कितना, करेक्ट, इट इज 3, वेरी गुड, डेल्टॉइड है ना, डेल्टॉइड बन रहा है, सो रेडियस रेशियो इज 3. तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में फिगर भी दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए भैया बताओ रेडियस रेशियो क्या है, यू कैन इजिली टेल, है ना, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. चलिए अब आगे चलते हैं, हो गया. नेक्स्ट इज योर इन्वॉल्यूट, अब हम लोग जरा इन्वॉल्यूट पे आ जाते हैं, हम लोग इसको खत्म करने के कगार पे हैं, इन्वॉल्यूट. इन्वॉल्यूट क्या होता है ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं. देखिए इन्वॉल्यूट को हम एक एनिमेशन से दिखाएंगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा. ये देखिए, ये एक सर्कल है, या ब्लू रंग का आपको एक सर्कल दिख रहा है, और ये जो काला रंग का जो दिख रहा है ये थ्रेड है, जो थ्रेड अनवाइंड हो रहा है वो टेंजेंशियली अनवाइंड हो रहा है. देखिए दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इन्वॉल्यूट. ये जो फिगर बन रहा है ना, ये फिगर, दिस फिगर इज योर इन्वॉल्यूट, है ना, इसको आप 3D इस फिगर से देख सकते हो, है ना. सो इन्वॉल्यूट मतलब क्या हो गया कि आई हैव वन थ्रेड, सो वन सेकेंड, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, लेट अस से ये थ्रेड आपको दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, एक्चुअली ब्लैक मतलब ये चॉकलेट कलर का थ्रेड है, इसको इस तरीके से लपेट दिया गया है ना, इस तरीके से. अब इसको क्या किया जा रहा है, नाउ इट इज बीइंग ओपन, इसको खोला जा रहा है, तो टेंजेंशियली तो खुलेगा, ये टेंजेंशियली खुलेगा, इसको क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूट, है ना. सो दिस इज बेसिकली इन्वोल्यूट. तो इन्वोल्यूट के लिए क्या हो गया, सो दिस इज द बेसिकली और इन्वोल्यूट, जिसमें क्या हो रहा है, द एंड ऑफ द थ्रेड इज अनवाइंड फ्रॉम द बींग कीपिंग इट टाइट, हमेशा टाइट लेकर के बनाते रहो, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इन्वोल्यूट, करेक्ट? फाइन. अब इन्वोल्यूट में क्या होता है, देयर इज ओनली एंगुलर वेलोसिटी, है ना, इस केस में आपको सिर्फ ओमेगा मिलेगा, इस केस में देयर इज ओनली ओमेगा, ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, देयर इज नो लीनियर मोशन, देयर इज ओनली एंगुलर वेलोसिटी, है ना, देयर इज एंगुलर मोशन, सिर्फ आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, ये हो गया इन्वोल्यूट. अच्छा, इसका एप्लीकेशन क्या जरा वो भी देख लेते हैं. एप्लीकेशन जो हमने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा कि हमने पिछले स्लाइड्स में आपको इन्वोल्यूट गियर टीथ के बारे में बताया था, एक सेकंड में दिखा देता हूं कहां मैंने बताया था, ताकि आपको ये वाला हमने बताया था ना, ये जो होता है गियर टीथ, ये सारे क्या होते हैं, इट इज इन्वोल्यूट, है ना, ये सारे गियर टीथ इन्वोल्यूट होते हैं. इसका एप्लीकेशन देखिए, देखिए गियर टीथ कितना बढ़िया से मेश हो रहा है ना. तो ये जो देख रहे हैं, ये जो दांत, ये वाला, ये ब्लैक वाला, एक्चुअली ये रुक नहीं सकता है ना, तो आप समझ सकते हो कि मैंने क्या बताना चाह रहा हूं. सो दीज आर बेसिकली योर इन्वोल्यूट प्रोफाइल, इस तरीके से कंप्लीट मेशिंग की जाती है ना. सो ये इन्वोल्यूट प्रोफाइल है, ठीक, समझ में आ गया. सो दिस इज योर टीथ प्रोफाइल, जो होता है वो इन्वोल्यूट शेप का होता है. सो टीथ प्रोफाइल, टीथ प्रोफाइल जो होता है वो इन्वोल्यूट शेप का होता है, ठीक. टीथ प्रोफाइल इज ऑफ द शेप ऑफ इन्वोल्यूट. या केसिंग ऑफ टर्बाइन इज ऑल्सो फाइन. चलिए अब आ गया इन्वोल्यूट, ठीक है, इन्वोल्यूट हमने देख लिया. अब हम लोग आते हैं स्पाइरल पे,
स्पाइरल। देखिए स्पाइरल क्या होता है, बेसिकली स्पाइरल के अंदर दो चीजें होती है, आप ऐसे समझो। स्पाइरल को मैं थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूं, स्पाइरल्स, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है सर इन्वोल्यूट स्पाइरल एक ही जैसा दिखता है, दिखने में तो बहुत ही एक जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं है, है ना। देखिए स्पाइरल में क्या होता है, जस्ट सी हियर, सपोज ये एक डंडी है, है ना, ये फिक्स कर दिया हमने, से दिस इज ओ, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, एंड लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, सो ओ ए क्या है, सो ओ ए इज ऑफ एनी लेंथ एंड दिस इज रोटेटिंग विद सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, करेक्ट। ओ इज फिक्स्ड, ओ क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ओ फिक्स होता है, इसको बोलते हैं पोल, ओ इज फिक्स्ड विच इज कॉल्ड एज पोल, है ना। जैसे कि वेयर इज द स्केल, स्केल या, है ना, ये हमने फिक्स कर दिया है, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज हिंज्ड, इसको आप कील से इसको ठोक दो ऐसे, लेकिन ये रोटेट कर सकता है, है ना। सो हियर ए, आफ्टर सम टाइम ये कहां चला जाएगा, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, सो नाउ दिस पॉइंट इज योर ए विच इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी, थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, और सॉरी दिस लाइन, ये रोटेट होगा ना, ये रोटेट होकर यहां आएगा, फिर थोड़ी देर के बाद यहां आ जाएगा, सो एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम दिस ओ इज रोटेटिंग, यू कैन सी दैट देयर इज सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक, बट रेडियस इज कॉन्स्टेंट। लेकिन इन्वोल्यूट में रेडियस क्या था, अलग हो रहा था, यहां पर रेडियस कॉन्स्टेंट, इन पहला डिफरेंस तो ही हो गया, ओमेगा होने के बावजूद भी इन इन्वोल्यूट देयर आर रेडियस वॉज चेंजिंग, हियर रेडियस इज कीपिंग फिक्स्ड। इसके अलावा क्या होता है, देयर इज अ पॉइंट पी, राइट, दिस पॉइंट पी इट हैज अ लीनियर वेलोसिटी वी, एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ, जैसे कि आप ऐसे मान के चलो कि एक चींटी है, एक कोई इंसेक्ट है जो इसके ऊपर चल रहा है, ठीक, और ये घूम भी रहा है, तो ये जो चींटी जो चल रही है या फिर कोई इंसेक्ट जो चल रहा है वो इट इज मूविंग अलोंग द लाइन, बट द लाइन इज रोटेटिंग अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, सो वी हैव टू ड्रॉ द लोकस ऑफ दिस चींटी और द इंसेक्ट, वी हैव टू ड्रॉ द लोकस, हाउ द ग्राफ मीन्स व्हेन, व्हाट आर द बेसिकली डिफरेंस इन टर्म, वेयर आर द पोजिशन ऑफ द एंट और इंसेक्ट, दैट इज बेसिकली जो कर बनेगा दैट विल बिकम द स्पाइरल। जैसे कि ये वी वेलोसिटी, थोड़ी देर के बाद ये जब यहां आएगा, सो लेट अस से द पॉइंट हैज रीच्ड ओवर हियर एंड इट हैज सर्टेन वेलोसिटी वी, थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट सपोज यहां पे आ गया, सो दिस पॉइंट इज पी एंड लेट अस से इट हैज सम वेलोसिटी वी, थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट यहां आ गया, इट हैज सर्टेन वेलोसिटी वी, द पॉइंट इज हियर एंड लेट अस से अगेन द पॉइंट हैज रीच्ड ओवर हियर, करेक्ट। सो इन कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, और कंप्लीट जब ये हो गया एक चक्कर में, पॉइंट इज फ्रॉम हैज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। नाउ इफ आई ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स, है ना, अब इस पॉइंट को अब जोड़िए, ये बन गया स्पाइरल, क्या बन गया ये, सो दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरल। ये थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं, अब पिचक गया, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज स्पाइरल, ठीक। तो स्पाइरल के अंदर क्या होता है, बोथ लीनियर वेलोसिटी, सो स्पाइरल का कंडीशन क्या होता है, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर बीइंग स्पाइरल, बोथ वी एंड ओमेगा इज नॉन जीरो, है ना। स्पाइरल तब तक बनता रहेगा जब देर इज अ सर्टेन लीनियर वेलोसिटी एंड देर विल बी सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी एंड बोथ विल बी नॉन जीरो, तो ये स्पाइरल बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, करेक्ट। अब स्पाइरल के में क्या होता है कि जरा हम इसको थोड़ा सा और ये कर लेते हैं थोड़ा सा, सो नाउ, है ना, ये स्पाइरल हमने बना दिया, देखिए हम एक स्पाइरल बनाते हैं यहां पे, सपोज ये हमने बना दिया स्पाइरल, ठीक, सो दिस इज अ स्पाइरल, करेक्ट। सो स्पाइरल के लिए बोथ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी शुड बी देयर, लेकिन इन्वोल्यूट में क्या था, रेडियस चेंज हो रहा था, इसमें रेडियस चेंज नहीं हो रहा है। इन्वोल्यूट में देयर वाज ओनली एंगुलर वेलोसिटी, इसमें बोथ लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी है, तो दोनों के बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है, है ना, शेप में हो सकता है कि आपको एक जैसा दिख जाए पर ऐसा है नहीं, करेक्ट। नाउ सी ओवर हियर, सी हियर, लेट अस से दिस इज द बेसिकली I'm taking certain points, है ना, so let us say this is the position P naught, point है ना, say P1, P2, इस तरीके से कुछ point ले लेते हैं, and let us say this angle is say theta naught, this angle let us say it is theta 1,
एंड लेट अस से दिस एंगल इज थीटा टू एंड सो ऑन. इस तरीके से आप देख सकते हो व्हाट इज पी बेसिकली. पी इज द बेसिकली कॉल्ड एज दिस इज पोल ओ. सो बेसिकली लेट अस कॉल इट एज से आर नॉट. दिस इज आर वन एंड लेट अस से दिस इज आर टू. करेक्ट. इस तरीके से कुछ बिकॉज दिस इज आर इज बेसिकली योर रेडियस वेक्टर. आर क्या है? इट इज योर रेडियस वेक्टर. करेक्ट. एंड थीटा क्या है? इट इज योर वेक्टोरियल एंगल. थीटा क्या है? इट इज कॉल्ड एज वेक्टोरियल एंगल. ठीक. और एन क्या है? एन इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन. अब यहां पे कुछ स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर रिवोल्यूशन कन्वोल्यूशन क्या है. नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. यहां पे नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन कितना हमने ले रखा है? इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन आई हैव टेकन एज वन. ठीक है, आप सब सुनते रहिएगा ध्यान से. नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा. रिवोल्यूशन कन्वोल्यूशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि सपोज अ पॉइंट इज मूविंग एंड अगेन नाउ सपोज दिस इज द इनिशियल पॉइंट, फिर वापस यहां पे आ गया. सो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, इसको बोलते हैं एक कंप्लीट रिवोल्यूशन. ठीक. लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट यहां है लेकिन एक चक्कर लगने के बाद द पॉइंट हैज मूव्ड सम व्हाट डिस्टेंस, सो दिस इज योर कन्वोल्यूशन, वन कन्वोल्यूशन. करेक्ट. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेवोल्यूशन एंड कन्वोल्यूशन, यू कैन सी दैट इफ द इनिशियल पॉइंट एंड आफ्टर रोटेशन इफ द फाइनल पॉइंट इज सेम, आई विल से इट इज अ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. बट इनिशियल पॉइंट इज हियर व्हेन आई एम गोइंग फॉर द कंप्लीट 360 डिग्री राउंड, बट द हियर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नॉट सेम, सो आई विल से इट इज कन्वोल्यूशन. सो हियर एट टी इज इक्वल टू जीरो इज हियर एट सर्टेन टाइम इट हैज गॉन फॉर 360 डिग्री बट द फाइनल पॉइंट इज समवॉट शिफ्टेड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, सो आई विल से कन्वोल्यूशन. सो हाउ व्हाट इज द कन्वोल्यूशन हियर, हाउ मेनी, सो ओनली वन कन्वोल्यूशन इज हियर, सो एन इज इक्वल टू वन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कन्वोल्यूशन. ओके. तो आप देखिए नाउ, तो ये हो गया एक स्पाइरल हमने बनाया. व्हाट ये इसमें स्पाइरल कौन सा भैया? दिस इज अ स्पाइरल. ये जो है ये आपका स्पाइरल है. नाउ फॉर फॉर थीटा टू माइनस थीटा वन इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा नॉट. ये किसमें है? अगर दो एंगल का डिफरेंस सेम है तो कौन सा प्रोग्रेशन ये है? इट इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. करेक्ट. फॉर थीटा टू माइनस थीटा वन इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा नॉट, दैट मीन्स थीटा इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दो चीज हो सकता है. सो इफ इफ आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू आर वन माइनस आर नॉट, मतलब ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो जो स्पाइरल बनेगा, सो द स्पाइरल दैट इज फॉर्म्ड इट इज कॉल्ड एज आर्किमिडियन स्पाइरल. ठीक. इस स्पाइरल को क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज आर्किमेडियन स्पाइरल. बुझ गए? ठीक. फॉर थीटा टू मतलब कि हमने वेक्टोरियल एंगल का डिफरेंस को सेम रखा है. अगर उस पर्टिकुलर के लिए आर टू माइनस आर वन और आर वन आर टू वन आर नॉट का डिफरेंस, दैट मीन्स अगर ये भी एपी में है तो जो स्पाइरल बनेगा इस स्पाइरल का नाम हो जाएगा आर्किमेडियन. लेकिन इफ R2 upon R1 is equal to R1 upon R0, यानी क्या हो गया? R किस फॉर्मेट में? GP में है. R किस में है? ये GP में है, क्योंकि रेशियो क्या है? कांस्टेंट है. तो जो स्पाइरल बनेगा, the spiral that is formed, it will be called as logarithmic spiral. It will be called as logarithmic spiral. बुझ गए? क्या बोलेंगे इसको? Logarithmic spiral. ठीक. तो अब इसका एक एप्लीकेशन और एग्जांपल जरा हम आपको दिखा देते हैं. व्हाट इज आर्किमिडियन स्पाइरल एंड व्हाट इज लॉगरिथमिक स्पाइरल, है ना? ठीक. आर्किमिडियन स्पाइरल और लॉगरिथमिक स्पाइरल का हम थोड़ा दिखा देते हैं. समझ में आ गया? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. ये इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. ठीक. तो भाई लोग समझ में आ रहा है? आई होप यू आर enjoying द ड्रॉइंग, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग. चलिए अब देखिए, वट इज दिस? कछुआ छाप अगरबत्ती. कछुआ छाप अगरबत्ती है ना? कौन सा स्पाइरल है ये? दिस इज द आर्किमिडियन स्पाइरल. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्किमिडियन स्पाइरल, है ना? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्किमिडियन स्पाइरल, कछुआ छाप अगरबत्ती. आगे ये जो वॉच स्प्रिंग है ना, ये जो वॉच का स्प्रिंग है, वॉच स्प्रिंग, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आर्किमिडियन स्पाइरल, है ना? जो गैल्वानोमीटर के अंदर
पीएमएमसी, इसके अंदर जो होता है ये हो गया, अच्छा मोर्टिन है जो भी है, ठीक, ये भी है, ये जो आप स्प्रिंग दिख रहा है दिस इज ऑल्सो आर्किमिडियन स्पाइरल। आगे चले, ये क्या है, कान, किसके कान है पता नहीं, ठीक है, ये जो कान को देखिए यहां से शुरू हो रहा है ये चीज, अगर ये और आगे होता, अगर ऊपर वाले ने और कान को ऐसा खींचा होता तो ये हो जाता लॉगरिथमिक स्पाइरल, ये जो है इट इज अ लॉगरिथमिक स्पाइरल। ह्यूमन ईयर लॉगरिथमिक स्पाइरल, ठीक, अच्छा गैलेक्सी, चॉकलेट नहीं है, गैलेक्सी लॉगरिथमिक स्पाइरल, लॉग स्पाइरल है ना, आप देखो बवंडर लॉगरिथमिक स्पाइरल, ठीक राइट, बहुत सारे एग्जांपल, आप गूगल में सर्च करो, आप सर्च मत कर लेना बैठना है ना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में क्या भर 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 के आने लगे, सर ये भी है वो भी है, यू कैन सर्च नो प्रॉब्लम, ठीक। चलिए अब जरा आगे चलते हैं, अब इसके अंदर एक आता है गोल्डन स्पाइरल, तो इसके लिए हम लोग जरा देख लेते हैं, गोल्डन स्पाइरल को समझने के लिए वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज गोल्डन रेशियो, जिसको हम लोग साई से दिखाते हैं, ठीक है, गोल्डन रेशियो है ना, साइक्लोन्स भी आ जाएगा, ठीक है, देखिए इतने कम टाइम में सारा चीज नहीं करा, आप देख सकते हो सब्जेक्ट का जो डेप्थ है, विड्थ बहुत ज्यादा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ सब्जेक्ट जिसमें बहुत ज्यादा विड्थ और डेप्थ है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सबसे, ठीक है, तो कम इतने टाइम में हम सारा चीज नहीं करवा सकते हैं, आप मेरी इस भावनाओं को समझिए है ना, तो जो लेकिन जो करवा रहे हैं सॉलिड करवा दे रहे हैं कि क्वेश्चन मैक्सिमम इसी से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप एग्जाम क्लियर करो, बाद में आपको करना तो कर सकते हो, बट एग्जाम्स में इसी सबसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं ड्राइंग के अंदर, सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन कि हाँ भाई कम से कम लास्ट मोमेंट में रिवाइज करवा दो, अगर आ गए तो बल्ले बल्ले आपके। गोल्डन रेशियो क्या होता है, देखिए टू क्वांटिटीज से ए एंड बी, टू क्वांटिटीज ए एंड बी सच दैट A is greater than B greater than 0 are said to be in golden ratio, are said to be in golden ratio if A plus B divided by A is equal to A upon B is equal to C, ठीक। आलोक कुमार है क्या स्नेल का फोटो भेजे, हाँ स्नेल भी है एग्जाम्पल, करेक्ट, लस्सी है, लस्सी कौन सा लॉगरिथमिक स्पाइरल है, कैसे कैसे लोग हैं, कहां से आते हैं, ए प्लस बी, अब देखिए अब जरा इसका थोड़ा एनालिसिस कर लिया जाए है ना, ऑलरेडी एक क्वेश्चन गोल्डन रेशियो पे आ चुका था, ठीक है, गोल्डन रेशियो देखिए, अब जरा इसको सॉल्व कर देते, देखिए ए प्लस बी अपॉन ए को कैसे लिख सकते, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इज वन प्लस b upon a is equal to a upon b, है ना, further 1 plus 1 upon psi लिख सकते हैं, because a upon b is nothing but your psi, so psi is equal to psi, so this is equal to psi plus 1 is equal to psi square, so therefore psi square minus psi minus 1 is equal to 0, तो यहां से psi की value कितनी आ जाएगी, psi is coming 1 plus minus root under 5 upon 2, दो चीज आएगा 1.618 और दूसरा आ जाएगा minus 0.618, ठीक, सो इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट दिस टू वैल्यूज, करेक्ट, सो द वैल्यू गोल्डन रेशियो कितना आ गया, सो दैट मीन्स आई एम गेटिंग साई इज इक्वल टू यू, अब नाउ हियर एज साई विच इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ये तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा ना, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है ग्रेटर देन जीरो है, सो देयरफॉर साई कैन नॉट बी नेगेटिव, तो साई की वैल्यू कितना आ जाएगा 1.618, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबल क्वेश्चन, गोल्डन रेशियो एक बार आ चुका है, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए कि गोल्डन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, इट इज योर 1.618 गोल्डन रेशियो, ठीक है, तो यानी ये जो साई की वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं गोल्डन रेशियो, तो सर है क्या चीज,
देखिए इसको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि गोल्डन रेशियो है क्या चीज, इसका ये ऐसा क्या है इसमें गोल्ड है। देखिए तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होना चाहिए है ना, गोल्डन रेशियो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फिबोनाची सीरीज लेते हैं, फिबोनाची सीरीज क्या है, 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 2 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 5 13 13 + 8 21 34 55 89 इत्यादि, मतलब एटसेट्रा। ठीक, फिबोनाची सीरीज। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, गोल्डन स्पाइरल कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, नाउ कंसीडर दिस इज द फिबोनाची सीरीज, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 एंड सो ऑन, यह चलता रहेगा ये। ठीक है, करेक्ट। अब देखिए इसको जरा हम दिखाते हैं, बेसिकली इसको हम एप्लीकेशन बेस पे लेके चलते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा यहां देखिए, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड इसको जरा हम सरका दें नीचे, फाइन। अब ध्यान से देखिए, दिस इज यू कैन सी हियर दिस इज स्क्वायर, ये वन है ना, ये भी वन है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, बिकॉज इफ यू लुक एट द फिबोनाची सीरीज, ध्यान पे रखिए फिबोनाची सीरीज 1 1 1 1 + 2 3 5 8, दिस इज कॉल्ड एज फिबोनाची सीरीज। तो आप यहां देखो दिस इज 1, दिस इज 1, ये भी आपका 1 है, 1 1 कितना हो जाएगा, 2, सो दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 2, 2 + 1 कितना हो गया, दिस इज 3, 3 के बाद नेक्स्ट होगा दिस इज 3 और ये कितना है 2, 3 + 2 कितना हो गया, दिस इज 5, isn't it? फिर 5, ये 5 है और ये 3 है, टोटल कितना हो गया 8, सो दैट मीन दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ स्क्वायर है ना, 1 2 3 5 8 13 21 34 है ना, ये क्या है, दिस इज योर बेसिकली फिबोनाची सीरीज है ना, फिबोनाची सीरीज बना दिया। अब क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए। अब आपके पास अगर कैलकुलेटर है आप चेक करो, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए 1.618 के करीब आएगा, ए डिवाइडेड बाई बी करोगे तो भी 1.618, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए करोगे तो भी 1.618 के करीब आएगा है ना। अब इनिशियली क्या होता है, इन द इनिशियल फेज ऑफ द फिबोनाची सीरीज आपको 1.618 नहीं मिलेगा, अगर आप स्टार्ट करोगे 1 1 2 3 5 8 13 21 34, इनिशियल केस में आपको फिबोनाची सीरीज में यू विल नॉट गेट रेशियो एज 1.61 क्योंकि शुरू में बनता नहीं है, बट एज यू ग्रो द फिबोनाची सीरीज यू विल कम अक्रॉस रेशियो, जो आएगा वो हमेशा 1.618 के बराबर है। आप चेक कर सकते हो, आपके सामने ए और बी सब है, ए बी इफ यू हैव द कैलकुलेटर यू कैन चेक, ए बाय बी निकाल लो या ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए निकाल लो, यू विल गेट रेशियो एज 1.618। अब अगर इसी को, ये हमने बना दिया बॉक्स, अगर इसी में एक स्पाइरल को बना दिया जाए, सो ये जो स्पाइरल बनता है इस स्पाइरल को बोलते हैं गोल्डन स्पाइरल, बिकॉज इट इज फॉलोइंग द रेशियो 1:1, दिस इज यू कॉल्ड एज गोल्डन स्पाइरल, क्योंकि ये रेशियो किसको फॉलो कर रहा है, 1:1.618 को फॉलो कर रहा है ना, आप देखो सारा 1:1.618 है ना। तो आप जैसे से बढ़ाओगे गोल्डन, ये स्पाइरल बता देगा ना, दिस इज अ स्पाइरल, तो जो स्पाइरल गोल्डन रेशियो को फॉलो करेगा, द स्पाइरल विच इज गोइंग टू फॉर्म द फॉलो द गोल्डन रेशियो, दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन स्पाइरल, करेक्ट। अब जरा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, व्हाट इज द यूज, देखिए अब इसका गोल्डन रेशियो का यूज देखिए कहां है, गोल्डन रेशियो हमारे लिए, गोल्डन रेशियो इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये रेशियो इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रेशियो जो है ना जिसके हिसाब से नेचर चलता है, द नेचर इज वर्किंग ऑन द गोल्डन रेशियो, सी हाउ, ये देखिए ताजमहल गोल्डन रेशियो पे बनाया गया है, इसे ताजमहल को इतनी खूबसूरत क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज बिल्ड ऑन द गोल्डन रेशियो। अब देखो ए बी ए प्लस बी, ए बी ए प्लस बी, तो आप अगर डिवाइड करोगे इट विल बी इन द गोल्डन रेशियो ताजमहल। ठीक, आगे चलते हैं, और कौन महल है, स्नेल, इसको बेसिकली बोलते हैं नॉटिलस शेल, या फिर नॉटिलस शेल, इसका नाम क्या है, नॉटिलस शेल, नॉटिलस शेल, ठीक, इट इज योर नॉटिलस शेल, गोल्डन रेशियो। एप्पल का लोगो गोल्डन रेशियो, आप देखो यहां पे है 1 2 3 5 8 13 है फिबोनाची, इसी को यहां पे चिपका करके बनाया गया लोगो, और खास बात यह है कि इफ यू सी हियर, अगर ये डिस्टेंस बी है और ये डिस्टेंस ए है, इट इज ऑल्सो इन गोल्डन रेशियो, इसीलिए एप्पल का लोगो इतना अच्छा है, तो एप्पल ही ना, हम बनाते तो कोई पूछता भी नहीं है ना, हम लोग बनाते हैं एप्पल, लेकिन एप्पल का लोगो देखने में इतना अच्छा क्यों लगता है,
इट इज डन ऑन द 1.1618 रेशियो, है ना। लोगो जो है इट इज मेड ऑन गोल्डन रेशियो, तो जो भी गोल्डन रेशियो पे बनेगा उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, है ना। यहां पे देखिए ट्विटर, एप्पल, पेप्सी, नेशनल जो है, नेशनल जो एक पीला सा तो खिड़की जैसा दिखता है लेकिन देखने में कितना आई कैची है, गोल्डन रेशियो। जो चीज गोल्डन रेशियो पे आ गया वो चीज खूबसूरत हो जाएगा, एप्पल, ट्विटर, पेप्सी, गोल्डन रेशियो। गुलाब इतना खूबसूरत क्यों है, 1:1.618। ये देखिए कार, लग्जूरियस कार, है ना, लग्जूरियस कार इतना महंगा क्यों होता है या देखने में इतना आई कैची क्यों होता है, गोल्डन रेशियो। ये अगर 1 है तो ये 1.618 है, अगर ये 1 है तो 1.618 का रेशियो मेंटेन किया जाता है, करेक्ट। तो ये चीज है बेसिकली गोल्डन रेशियो का खास बात। चलिए आगे देखते हैं, ह्यूमन हैंड, इंसान, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक 1:1.618 गोल्डन रेशियो, ठीक है कि नहीं, मजेदार चीज। मोनालिसा की पेंटिंग गोल्डन रेशियो 1:1.618। पिरामिड गोल्डन रेशियो 1:1.618, ठीक। तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, आप नेट नेट में ढूंढोगे तो फ्लड, हर हर चीज में, फ्लावर हो, बिल्डिंग हो, मॉन्यूमेंट्स हो, कोई भी आर्किटेक्चर हो, ह्यूमन बॉडी का पार्ट का डिवीजन हो, ठीक है, सारा चीज, बहुत सारे चीज, दिस इज नेचुरल, है ना, करेक्ट। चलिए बड़े मजेदार चीज था कि नहीं, गोल्डन रेशियो, ठीक। अच्छा अब हम लोग लास्ट में आ जाते हैं स्पेस कर्व्स पे, स्पेस कर्व्स, ठीक है। तो स्पेस कर्व्स के अंदर दो चीज होते हैं, एक तो होता है सिलिंड्रिकल हेलिक्स, जो हमने कहा था सिलिंड्रिकल हेलिक्स, और दूसरा होता है कोनिकल हेलिक्स, दूसरा आपका कोनिकल हेलिक्स। ये 3D फिगर्स होते हैं, देखिए जैसे एग्जांपल्स मैं आपको समझा देता हूं, करेक्ट। देखिए हेलिक्स सिलिंड्रिकल है कि नहीं, सिलिंड्रिकल, ये स्प्रिंग, सिलिंड्रिकल हेलिक्स, कौन सा हेलिक्स है, ये सिलिंड्रिकल हेलिक्स है, है ना। नेक्स्ट ये घर का देखिए डिजाइन, है ना, सिलिंड्रिकल हेलिक्स का एक पार्ट है, करेक्ट। ये बहुत मजेदार है, अगर आप किसी बुक बाइंडिंग शॉप पे जाओगे आप लोग क्या बोलते, भैया एक स्पाइरल बाइंडिंग दे दो, ये स्पाइरल नहीं है भैया, ये क्या है, हेलिकल बाइंडिंग है। लेकिन आप दुकानदार से बोलोगे भैया एक हेलिकल बाइंडिंग वाला नोटबुक दे दो, समझेगा ही नहीं वो, उसको स्पाइरल बाइंडिंग, दिस इज नॉट स्पाइरल बाइंडिंग, दिस इज अ सिलिंड्रिकल हेलिक्स, है कि नहीं। चलिए आगे, दिस इज द कोनिकल हेलिक्स, क्या ये, दिस इज द कोनिकल हेलिक्स, आपको दिख ही रहा होगा कोनिकल, ठीक। चलिए तो ये था बेसिकली हमारा सेकेंड चैप्टर, है ना, करेक्ट। तो आई होप आप लोगों को ड्राइंग, क्योंकि दो ही चैप्टर हम पढ़ाए हैं, ठीक है, सो दो चैप्टर में आपको पूरा एनिमेशन के साथ हमने बता दिया, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपके लिए रखा था, फाइन। अब ये था बेसिकली, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। श्री कृष्णकांत MJV, माई गेट मार्क 1.618 गोल्डन अटेम्प्ट, नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर, है ना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बेसिकली सेफ्टी पे, है ना, ठीक है। सो आई हैव, मैंने बहुत सारे विजुअल्स तैयार कर रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे विजुअल्स तैयार हैं। चलिए सेफ्टी पे आ जाते हैं, तो सेफ्टी में बेसिकली जो हम लोग देखेंगे, जो आपके, देखिए सब चीज नहीं कर सकते हैं, सब चीज हम कवर नहीं कर सकते, पहले हमने बता दिया था, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको कवर किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इतने कम टाइम में इतना चीज कवर नहीं कर, सेफ्टी भी करना है, डिजाइन भी करना, ड्राइंग, तीन अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है।
तीनों अलग और तीनों अपने में महान है, तो आप कितना को करोगे? तो हमने क्या किया है कि व्हाट आई हैव डन, आई हैव सीन दैट फ्रॉम विच टॉपिक मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिकली दे आर आस्किंग उस टॉपिक, क्योंकि अब क्या है पढ़ा तो नहीं रहा, ये बेसिकली रिविजन चल रहा है, एंड इन द रिविजन ऑल्सो वॉट वी आर अटेम्प्टिंग कि जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि क्योंकि आप ये इतना ही में देखो ऑलमोस्ट वी हैव टेकन 3.5 hours लगभग हो ही गए होंगे, है ना? तो हम इतना आप इतना चीज आपके दिमाग में रह जाए तो बहुत है ना? ओके okay, चलिए सेफ्टी में हम लोग सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कॉमन हजार्ड्स। इसमें भी आपको बहुत मजा आने वाला है ना, क्योंकि डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, और इसका क्या है कि मैंने बहुत सारे एनिमेशन क्रिएट बना रखा है, पहले तो नहीं था लेकिन बट आई हैव वर्कड ऑन इट ताकि इंटरेस्टिंग हो जाए, बोरियत बिल्कुल नहीं आना चाहिए। चलिए कॉमन हजार्ड्स, ठीक है सेफ्टी में आ जाते हैं कॉमन हजार्ड्स, ठीक है ये कॉमन हजार्ड्स। इससे बेसिकली देखिए सेफ्टी में कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि अगर सम सिचुएशन इज कमिंग सो हाउ यू विल सेफ गार्ड योर सेल्फ, राइट? बट यू हैव टू हैव लिटिल थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ओके कॉमन हजार्ड्स में तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्लिप ट्रिप एंड फॉल, स्लिप ट्रिप एंड फॉल। देखिए इसमें क्या होता है स्लिप ट्रिप फॉल, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली स्लिप ट्रिप फॉल क्या होता है, तो इसका जरा हम इस पे आपको लेके चलते हैं। ये है इंपैक्ट ऑफ स्लिप ट्रिप एंड फॉल, करेक्ट? फाइन ओके। देखिए इसको बोलते हैं स्लिप, गिर गया, ट्रिप एंड दिस इज योर फॉल, करेक्ट? अब देखिए होता क्या है स्लिप ट्रिप फॉल में, सबसे पहले तो हम देखते हैं दिस इज हजार्ड, हजार्ड लेट अस सम एग्जांपल, और यू कैन से नॉट एग्जांपल कॉज, कॉज एग्जांपल इफेक्ट एंड प्रिकॉशन, ठीक? हजार्ड क्या है स्लिप, स्लिप कर गए हो जाता है स्लिप, है ना? स्लिप हो गया। तो आजकल जो चला है स्लिप में क्या होता है, कॉज क्या है, इट इज बेसिकली लैक ऑफ फ्रिक्शन, लैक ऑफ फ्रिक्शन की वजह से आदमी स्लिप कर जाता है, है ना? एग्जांपल वेट फ्लोर, है ना? वेट फ्लोर पे जनरली स्लिप कर जाता है, करेक्ट? तो आपने देखा होगा वो जो आजकल बहुत ट्रेंड में चला ना पुष्पा मूवी का गाना जिसमें चप्पल स्लिप कर जाता है, दैट इज स्लिप ओनली, इजंट इट? इफेक्ट क्या होता है, इंजरी, इंजर्ड हो जाओगे, गिर जाओगे, सर फट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो हजार्ड क्या, हजार्ड मतलब होता है समथिंग विच पोज थ्रेट टू ह्यूमन, जिसकी वजह से हमें थ्रेट मिल सकता है, जैसे कि एक नंगा वायर है, दैट इज हजार्डस, है ना? कहीं पे धूल बहुत ज्यादा है, हजार्ड है हमारे लिए, सांस लेने में दिक्कत होगी, इसको बोलते हैं हजार्ड। हजार्ड इज एनीथिंग जिससे ह्यूमन बॉडी विल हैव सर्टेन थ्रेट, मतलब सेफ्टी के हिसाब से, करेक्ट? तो कॉज क्या हो, जैसे स्लिप लैक ऑफ फ्रिक्शन, एग्जांपल वेट फ्लोर, ग्रीजी फ्लोर, इस तरीके से हो सकता है। इफेक्ट क्या हो सकता है कि स्लिप होने से इंजरी हो जाएगा। व्हाट इज अ प्रिकॉशन, प्रिकॉशन मतलब ये हो गया वी कैन यूज एंटी स्लिप बुक्स, एंटी स्लिप बूट्स, या फिर ड्राई द वेट फ्लोर, है ना? ड्राई वेट और ग्रीजी फ्लोर, ग्रीजी को ड्राई तो नहीं कर सकते, ड्राई वेट फ्लोर्स एटसेट्रा, बहुत सारे आप सोच सकते हो, है ना? अब और ज्यादा दिमाग लाओगे तो बहुत सारा चीज आ जाएगा, करेक्ट? ओके स्लिप, अच्छा स्लिप में क्या होता है, जो मैंने फिगर आपको दिखाया था, स्लिप मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि दिस इज द सरफेस, ये आदमी धड़ाम गिर गया, स्लिप। दूसरा क्या है ट्रिप, ना व्हाट इज ट्रिप एक्चुअली, ट्रिप में क्या होता है कि देर इज सम हिंड्रेंस, कोई रास्ते में कोई पत्थर उत्थर कुछ भी आ गया तो आदमी क्या हो गया, गिर गया, ट्रिप, है ना? ट्रिप में कॉज क्या हो सकता है, दिस इज हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ मूवमेंट, हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ मूवमेंट, ठीक? एग्जांपल क्या हो गया कि स्कैटर्ड रोप, स्कैटर्ड वायर्स,
स्कैटर्ड वायर्स ऑन द ग्राउंड, ऑन ग्राउंड, है ना। अच्छा इफेक्ट क्या होगा, इंजर्ड हो जाएगा भैया, और क्या होगा, इंजर्ड। प्रिकॉशन क्या है, इंस्पेक्ट बिफोर या विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं कि रिमूव स्कैटर्ड थिंग्स, है ना, इस तरह के साथ रिमूव कर लो, फाइन, ये हो गया ट्रिप। तीसरा क्या है, फॉल, फॉल, ऊंची है बिल्डिंग और इससे आप गिर गए, मतलब आप नहीं कोई गिर गया, फॉल क्या हो जाएगा, ये किसके होता है, ड्यू टू द बॉडी इंबैलेंस, बॉडी इंबैलेंस, है ना, बॉडी इंबैलेंस हो गया, क्या हो जाएगा, सो इंजरी। अच्छा एग्जांपल, फॉल फ्रॉम लैडर, फॉल फ्रॉम अ लैडर, फिर से इंजर्ड हो जाओगे, है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, फॉल अरेस्ट सिस्टम पहनो, फॉल अरेस्ट सिस्टम, क्योंकि गिरने को क्या बोलते हैं, किसी ऊंचाई से ही गिरने को हम लोग फॉल बोलते हैं, ऐसा नहीं कि चलते चलते गिर गए उसको फॉल नहीं बोलते, दैट इज आइदर ड्यू टू स्लिप और ट्रिप। फॉल मतलब किसी ऊंचाई पे काम करो, गिर गए, आपका बॉडी इंबैलेंस हुआ, है ना, कुछ देर विल इज बेसिकली देर इज सम इंबैलेंस एंड यू फेल, करेक्ट। तो इसके लिए क्या करना है, फॉल अरेस्ट सिस्टम पहन लीजिए, क्या पहनिएगा, फॉल अरेस्ट सिस्टम, या फिर प्रोवाइड सेफ्टी, प्रोवाइड प्रोवाइड सेफ्टी गार्ड्स और रेल्स एटसेट्रा, है ना। जैसे अभी आप पूछोगे सर ये फॉल अरेस्ट सिस्टम क्या होता है, सेफ्टी गार्ड समझे, या सेफ्टी रेल मतलब होगा कि जैसे रेलिंग वेलिंग होता है, इफ देर इज एनी स्टेयर केस सो देर विल बी रेलिंग, सो उसको पकड़ के आप जा सकते हो ताकि इंबैलेंस नहीं हो जाओ, ठीक है, अनबैलेंसिंग से आप बच सकते हो। या फिर फॉल अरेस्ट सिस्टम क्या होता है, सो आई विल शो यू, बेसिकली देखिए यहाँ पे ये हो गया स्लिप, ट्रिप, आ गया रास्ते में कोई ईंट पत्थर, ये गिर गया। अब देखिए इनबैलेंस क्या होता है, ये फॉल अरेस्ट सिस्टम क्या होता है, ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज फॉल अरेस्ट सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज फॉल अरेस्ट सिस्टम। फॉल अरेस्ट सिस्टम मतलब हो गया कि बेसिकली इट विल कंसिस्ट ऑफ सम व्हाट, एंकर्स, है ना, यहां देखिए ये यहां पे इसको इसने बांध रखा है किसी इससे, एंड देयर इज सम कनेक्टिंग वायर्स, एक वायर है और ये एक वेस्ट जैसा पहन रखा है, इसको बोलते हैं फॉल अरेस्ट सिस्टम। तो जब भी व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द हाई राइज और किसी ऊंचे जगह पे इफ यू आर गोइंग टू वर्क, सो यू हैव टू वेयर दिस काइंड ऑफ थिंग, फॉल अरेस्ट सिस्टम, क्योंकि गलती से अगर गिर गए तो बच तो जाएंगे, है ना, जान है तभी तो जान है, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉल अरेस्ट सिस्टम, सेफ्टी गार्ड्स इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, सेकेंड वन, सेकेंड वन इज योर स्कैफोल्ड्स। स्कैफोल्ड्स क्या होता है, स्कैफोल्ड्स, सो इट इज योर टेम्पररी स्ट्रक्चर, टेम्पररी स्ट्रक्चर इरेक्टेड फॉर, इरेक्टेड फॉर आइदर, इरेक्टेड फॉर आइदर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर और डेकोरेशन, और डेकोरेशन, ठीक, इसको बोलते हैं स्कैफोल्ड। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड, फाइन। नंबर वन, इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड स्कैफोल्ड, रोलिंग स्कैफोल्ड, एंड थर्ड इज योर सस्पेंडेड, सस्पेंडेड स्कैफोल्ड, है ना, तीन तरीके का स्कैफोल्ड होता है, राइट। सो स्कैफोल्ड इज बेसिकली इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर फॉर कंस्ट्रक्शन रिपेयर एंड डेकोरेशन के लिए, और तीन टाइप का होता है, फिक्स्ड होता है, रोलिंग होता है और सस्पेंडेड। सो लेट मी शो यू, ये देखिए इसको बोलते हैं स्कैफोल्ड, दिस इज द फिक्स्ड स्कैफोल्ड, कौन सा स्कैफोल्ड है ये, दिस इज योर फिक्स्ड स्कैफोल्ड,
फिक्स है, फिक्स्ड स्कैफोल्ड है ना। अब हर स्कैफोल्ड में एक चीज कॉमन होता है, इसको बोलते हैं टो बोर्ड, इट इज कॉल्ड एज, ये जो बना ना पटरा, इसको बोलते हैं टो बोर्ड, टो बोर्ड, ठीक। और ये जो ऊपर, अच्छा ये टो बोर्ड हो गया, ये भी आपका टो बोर्ड है, राइट, दिस इज योर टो बोर्ड। अच्छा ये जो है ना, ये पकड़ने वाला, दिस इज बेसिकली योर गार्ड रेल, इट इज कॉल्ड एज गार्ड रेल, है ना, गार्ड रेल। तो ये बेसिकली दिस इज, आपने देखा होगा बिल्डिंग विल्डिंग बनाते वक्त, तो चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर लो, या फिर घर की में कोई शादी ब्याह है तो आप उसको डेकोरेशन के लिए भी स्कैफोल्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला देखिए, है ना, ये डेकोरेशन। अब इसमें क्या, दिस इज अ रोलिंग, है ना, आप यहां देखो इसके अंदर क्या लगा हुआ, यू कैन सी दैट देयर आर व्हील्स, यहां पे देखिए व्हील्स लगे हुए हैं, इफ यू सी व्हील्स कनेक्टेड है, सो दिस इज योर बेसिकली रोलिंग स्कैफोल्ड, है ना। इसके भी अंदर दिस इज अ टो बोर्ड, दिस इज अ गार्ड रेल, है ना, यहां पे मिड रेल, इसको बोलते हैं मिड रेल, दिस इज कॉल्ड एज मिड रेल, है ना। तो ये तीनों में तीनों चीज होता है। अब इस केस में क्या है, इंस्टेड ऑफ मिड रेल दे हैव गिवन सम क्रॉस, है ना, इस तरीके से क्रॉस दिया ताकि बीच में आदमी गिर ना जाए, राइट। सो देयर विल बी टो बोर्ड, देयर विल बी गार्ड रेल, गार्ड रेल्स में क्या होता है, दे विल, दे कैन इजिली होल्ड और दे कैन यूज द एंकर्स, जैसे इसने फिक्स किया था ना लास्ट स्लाइड में, देखिए जैसे इसने फिक्स कर रखा है, इस तरीके से फिक्स किया जा सकता है। अब ये चूंकि इंडियन है तो इनको कोई मतलब ही नहीं। अब इसको भाई साहब को देखिए, अगर आप देखोगे ना इसको, ये भाई साहब देखिए कैसे बैठे हैं, ये देखिए इनको, देखिए कैसे बैठे, इनको कोई जान का परवाह ही नहीं है, इजंट इट। सो ये ऐसे आराम से बैठे हैं जैसे कुछ है ही नहीं, इनके लिए तो केक वॉक जैसा है, बट फॉर द सेफ्टी के लिए ये इट इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज ये दे हैव नॉट वोर अरेस्ट, ये अरेस्ट सिस्टम है ना, फॉल अरेस्ट सिस्टम नहीं पहना है इसमें, इन लोगों ने, खैर हम लोग। सो दिस इज अ बेसिकली रोलिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज सस्पेंडेड, क्या बोलते हैं इसको, सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। सो इन सस्पेंडेड स्कैफोल्ड यू कैन सी दैट देयर इज अ वायर, जिसपे सस्पेंडेड है, देयर इज अ वायर ऑन विच इट इज सस्पेंडेड, करेक्ट। ये हो गया बेसिकली आपका स्कैफोल्ड्स, सो ये हो गया, दिस इज द स्कैफोल्ड। अब स्कैफोल्ड से रिलेटेड राइट कुछ चीजें हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं स्कैफोल्ड से। इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि हजार्ड, हजार्ड क्या है, हजार्ड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन, हजार्ड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन, ठीक, हजार्ड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। सो इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन सी दैट हजार्ड क्या है, फॉल, फॉलिंग सबसे, है ना, व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड इज ऑलवेज एट द हाइट, ऊपर से गिरने का बहुत डर है, इजंट इट। सो फाइन, फॉलिंग, फॉलिंग इफेक्ट क्या होगा, इंजरी और डेथ, इंजरी भी हो सकता है, गिरने से मर भी सकता है आदमी, डेथ। प्रिकॉशन क्या होना चाहिए, सो देयर मस्ट बी, अच्छा गांव सब में क्या होता है, बहुत जगह बांस, अगर लोहा नहीं मिला तो बांस, क्योंकि हमने यहां पे जो स्कैफोल्ड दिखाया था द फिक्स्ड वन, उसमें देयर वर आयरन रॉड्स, है ना, वो लोहे का बना होता है, लेकिन बहुत जगह क्या होता है, पैसा बचाने के लिए बांस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है, और बेसिकली उसमें चढ़ भी जाते हैं लोग, ठीक है। तो आपने देखा होगा स्कैफोल्ड्स, इजंट इट, ओके। सो देयर प्रिकॉशन, देयर मस्ट बी टो बोर्ड, गार्ड रेल्स, है ना, प्रिकॉशन होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस बंदर की तरह छलांग मारे और काम करके आगे, नहीं, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड, सेकेंड, वर्किंग अबव सिक्स फीट, वर्किंग अबव सिक्स फीट रिक्वायर्स, रिक्वायर्स फॉल अरेस्ट सिस्टम, फॉल अरेस्ट सिस्टम जरूरी है, कम से कम ऊपर से गिरेगा तो कोई लटक तो जाएगा आदमी, ठीक। प्रिकॉशन, नेक्स्ट थर्ड, ऑलवेज फॉलो सेफ्टी वर्क, सेफ्टी वर्कलोड पैरामीटर, सेफ्टी वर्कलोड, इसको हम लोग SWL से भी दिखाते हैं, SWL पैरामीटर, दैट इज SWL is equal to D plus 4L. What is D? D is called as dead load. Dead load. That is
लोड ऑफ स्कैफोल्ड टो बोर्ड एटसेट्रा एंड व्हाट इज एल, एल इज कॉल्ड एज लाइव बोर्ड, लाइव लोड, दैट इज लोड ऑफ वर्कर इट्स टूल एटसेट्रा, है ना। तो आप उतना ही लेके सामान चढ़ो, ऐसा नहीं कि मत, ऐसा नहीं हुआ कि दर्शन करने के लिए चढ़ रहे हैं, है ना। टो बोर्ड का भी एक लिमिट है, वो कितना झेल सकता है। सेफ्टी वर्कलोड जो है दैट इज डेड लोड प्लस 4 times लाइव लोड, इससे ज्यादा हम लोग उस पर नहीं देंगे, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। फाइन, करेक्ट। एक फॉलिंग हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, दिस इज फॉलिंग, दूसरा इज योर कोलिजन, कोलिजन हो सकता है। कोलिजन मतलब ये हो गया कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर केस इफ यू सी हियर, इसमें क्या है कि रोलर लगा है ना, तो कोई व्हीकल आके इसे टकरा भी तो सकता है ना, एक्सीडेंट ऐसे ही हो सकता है। तो अगर कोलिजन होगा तो ये पूरा इंबैलेंस हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई सम कोन्स, कोन्स लगा करके बैरिकेडिंग करना जरूरी है, है ना। जहां पे स्कैफोल्ड का इस्तेमाल किया जाएगा देयर शुड बी सम बैरिकेडिंग। तो कोलिजन से क्या हो जाएगा, सो कोलिजन, सो देयर विल बी इंबैलेंस, इंबैलेंस ऑफ स्कैफोल्ड, जिसके तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो बैरिकेड द प्रीमाइसेस एंड यूज आउट रिगर्स। अब ये आउट रिगर्स क्या होता है, यूज आउट रिगर्स, आउट रिगर्स का मतलब ये होता है, आउट रिगर्स, देखिए ये जो चीज निकला हुआ है ना, ये चीज, दीज आर बेसिकली आउट रिगर, ये क्या करेगा, इसको रोल होने से बचाएगा, है ना, बिकॉज देर आर सर्टेन रोलर्स दैट आर कनेक्टेड टू इट, तो ये लुढ़क जाएगा ना, तो इसको रोकने के लिए वी हैव टू यूज आउट रिगर्स, करेक्ट। फाइन, ओके, नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं जरा, आई होप थिंग्स आर क्लियर यहां तक। तीसरा हमारे पास जो है, थर्ड वन, इट इज कॉल्ड एज MEWP, मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म, ठीक। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से टाइप के हैं, फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड एज वर्टिकली असेंडिंग, वर्टिकल असेंडिंग, एंड सेकेंड इट इज कॉल्ड एज बूम टाइप, सेकेंड क्या है आपका, बूम टाइप, ठीक। सो वर्टिकल असेंडिंग टाइप एंड मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म, करेक्ट करेक्ट। हाँ, इंबैलेंस ऑफ स्कैफोल्ड हो सकता है, इंजरी और डेथ तो खैर ऊपर गिरने से हो ही सकता है। अब देखिए यहां पे, इस पर्टिकुलर केस में देखिए, ये जो हमने बनाया फिगर और जो फिगर आपको दिखाया जा रहा है, दिस इज बेसिकली योर वर्टिकल असेंडिंग टाइप स्कैफोल्ड, सॉरी MEWP, है ना। आप देख सकते हो कि ये वर्टिकली असेंड हो सकता है, नीचे हो सकता है, इजंट इट, सो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल असेंडिंग टाइप, राइट। ये एक हो गया, इसमें भी क्या है, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ टो बोर्ड, दिस इज अ टो बोर्ड, दिस इज द मिड रेल एंड दिस इज द गार्ड रेल, तीनों चीज होना जरूरी है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे ना, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा हो या नहीं, आई डोंट नो, दे ही हैज वोर्न द फॉल अरेस्ट सिस्टम, ये देखिए एक वेस्ट, ऑरेंज कलर का वेस्ट पहना है और पीछे एक पीला रंग का एक आपको वायर दिख रहा है, एंड इट इज बेसिकली कनेक्टेड समवेयर हियर, है ना, ये यहां पर कनेक्टेड है। सो यू कैन सी दैट एक वेस्ट पहना है एंड देयर इज अ येलो कलर लाइन, इस पीछे देखिए यहां इस जगह पे आपको एक येलो कलर का एक एंकर ये दिखाई देगा, वायर विच इज कनेक्टेड, सो दिस इज कॉल्ड एज फॉल अरेस्ट सिस्टम। तो ये हो गया आपका वर्टिकल असेंडिंग, करेक्ट। इसको बोलते हैं बूम टाइप, दिस इज कॉल्ड एज बूम टाइप, इस तरीके से आपने देखा होगा, है ना, सो दिस इज कॉल्ड एज बूम टाइप। अब इसके अंदर भी देखिए बेसिकली ये सारे सेफ्टी मेजर्स लेकर के ये चढ़ा है, इसके ऊपर ओवरलोडिंग नहीं कर सकते अदरवाइज इट में टॉपल,
ठीक, जिससे इंजरीज भी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं बूम टाइप, करेक्ट। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हजार्ड है ना, MEWP के अंदर। सो वी हैव हजार्ड इफेक्ट प्रिकॉशन, है ना। पहला हजार्ड तो है कि गिर सकता है आदमी, फर्स्ट वन इज फॉलिंग, फॉलिंग। इफेक्ट क्या होगा, इंजरी या फिर डेथ, इंजरी और डेथ। प्रिकॉशन क्या है, यूज फॉल अरेस्ट सिस्टम, फॉल अरेस्ट सिस्टम, है ना, ये चीज हो गया। सेकंड, कोलिजन हो सकता है, कोई गाड़ी आ रहा है ना, आपने देखा होगा कोई गाड़ी वाड़ी आ रही है, डिंक एंड ड्राइव हो रहा होगा, बस ठोक के चला गया, कोलिजन से क्या होगा, सो MEWP इम्बैलेंसेस, सो अनबैलेंस ऑफ MEWP, है ना, अनबैलेंस, करेक्ट। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बैरिकेड कर दो, बैरिकेड एंड यूज आउट रिगर्स, यूज आउट रिगर्स। आउट रिगर्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्रेन्स देखते हो ना, जो इसके अंदर आपको आउट रिगर्स शायद नहीं दिख रहा होगा, ये जो चीज है ना आउट रिगर्स, जैसे कि अगर आप देखते हो जैसे एक्सकैवेटर होता है ना, तो एक्सकैवेटर को क्या किया जाता है, पहिए के चारों तरफ जो होता है चार हाइड्रोलिक होता है उसको नीचे कर दिया जाता है ना। सो व्हेन द एक्सकैवेशन इज गोइंग ऑन, सो देयर विल बी फोर हाइड्रोलिक्स जो कि पूरे एक्सकैवेटर को क्या करता है, थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जाता है, सो दैट इट विल रिमेन स्टेबल, क्योंकि व्हील पे रहेगा तो क्या होगा, अनबैलेंस, इम्बैलेंस हो सकता है ना, अनबैलेंस। यहाँ पे बेसिकली ये हो गया आपका आउट रिगर, ये हो गया आपका आउट रिगर, इससे क्या होगा कि स्टेबल, वो व्हील मूव नहीं करेगा, इसको बोलते हैं आउट रिगर्स। ओके, तो ये हो गया कोलिजन। तीसरा क्या हो सकता है, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग से क्या हो सकता है, ठीक है, ओवरटर्न हो सकता है, ज्यादा लोड कर दोगे तो हो सकता है कि गिर भी जाए, जैसे कि आप देखते होंगे कि ओवरलोडेड ट्रक्स जाते हैं तो जनरली क्या होता है, गिर ही जाते हैं, इधर टर्निंग वर्निंग में क्या होता है, गिर जाते हैं। सो इफ इट इज ओवरलोडेड, ओवरटर्न हो जाएगा। तो प्रिकॉशन क्या है, यूज SWL पैरामीटर्स, है ना, जो आपका सेफ्टी वर्क लोड पैरामीटर्स है उस पर काम करें, दैट इज SWL, हमने बताया था इट इज इक्वल टू D+4L, ये आपके उस पर लिखा होता है, राइट, ये चीज हो गया। सो दिस इज बेसिकली योर MEWP, ये हो गया तीसरा नंबर आई गेस, हाँ। फोर्थ पे आ जाते हैं, फोर्थ वन इज योर पोर्टेबल लैडर, पोर्टेबल लैडर, ठीक है, पोर्टेबल लैडर ये दो तरीके के हो सकते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सा टाइप है, पहला जो है इट इज योर बेसिकली स्टेप लैडर, स्टेप लैडर, एंड द सेकेंड वन इट इज योर बेसिकली एक्सटेंशन और स्ट्रेट लैडर, एक्सटेंशन और स्ट्रेट लैडर, एक्सटेंशन और स्ट्रेट लैडर, इसका हम आपको फिगर बना के दिखाते हैं। सो दीज आर बेसिकली लैडर्स, राइट, ठीक। सो इसके अंदर देखिए, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर फीव, ये तो आपका बूम टाइप हो गया, नाउ दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज स्टेप लैडर, ये कौन सा लैडर है, दिस इज योर स्टेप लैडर, है ना, जिसमें स्टेप बना हुआ है, आपने देखा होगा इस तरीके से, सो दिस आर बेसिकली कॉल्ड एज स्टेप लैडर, करेक्ट। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज स्ट्रेट लैडर, स्ट्रेट या फिर एक्सटेंशन लैडर, है ना, स्ट्रेट या फिर एक्सटेंशन लैडर, फाइन। अच्छा, अब इसमें क्या है, बेसिकली इसके अंदर आप देखोगे तो हजार्ड क्या है, इफेक्ट क्या है, प्रिकॉशन क्या है, लेट अस सी। सो हजार्ड इफेक्ट प्रिकॉशन, है ना, हजार्ड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। हजार्ड क्या है, गिर सकता है सीढ़ी पे अगर काम करेगा आदमी, फॉलिंग। इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंजरी, ठीक, सीढ़ी से गिरेगा तो आदमी इंजर्ड हो सकता है, है ना। प्रिकॉशन क्या है, पहला प्रिकॉशन तो यह है कि अब इसके अंदर क्या होता है, लैडर के अंदर तो आप फॉल अरेस्ट सिस्टम
पहन कर तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि लैडर जनरली नॉमिनल हाइट के 6 फीट के अंदर ही हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो पहला प्रिकॉशन जो है वो ये कर सकते हैं कि ऑलवेज यूज 3-point rule, ऑलवेज यूज 3-point rule। अब ये 3-point rule क्या है, ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3-point rule। ऑलवेज यूज थ्री और ऑलवेज फॉलो, यूज के जगह ऑलवेज फॉलो 3-point rule, ऑलवेज फॉलो 3-point rule। अब ये 3-point rule क्या है, देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको इससे दिखाता हूं, देखिए 3-point rule क्या होता है ये समझते हैं। 3-point rule इज बेसिकली सी हियर, व्हेन दिस वर्कर इज वर्किंग, इसके दोनों टांग जो है, दोनों पैर, इट इज टचिंग द रंग, इसको बेसिकली रंग बोलते हैं, दिस ये जो है ना इसको बोलते हैं RUNG, रंग, ठीक, इट इज कॉल्ड एज रंग, करेक्ट। सो टू इज कनेक्टेड एंड तीसरा कनेक्शन कहां पे, ये हाथ है ना, सो दैट मींस व्हेन इज वर्किंग टू जो दोनों पैर हैं, बोथ द फीट आर टचिंग एंड वन, सो दिस इज कॉल्ड एज 3-point rule, है ना। तो 3-point contact होना जरूरी है, सो 3-point contact होना, अब दो पैर रख लो या फिर एक हाथ रख लो, बट वेल व्हेन यू आर क्लाइंबिंग, तो दो रंग पे आप हाथ रख दिए, एक रंग पे पैर है और दूसरा पैर हवा में है ताकि आप उस पर चढ़ सको, है ना। सो ऑलवेज मेंटेन 3, कभी ऐसा नहीं कि दो हाथ ऐसा रख दे ऐसा चढ़ रहे हैं, गिर ही जाओगे, है ना, ऐसा नहीं करना है, राइट। सो ऑलवेज फॉलो 3-point contact rule, 3-point contact rule, दैट इज एग्जाम्पल 2 feet plus 1 hand इन कॉन्टैक्ट और 2 hand प्लस 1 foot इन कॉन्टैक्ट, है ना, ऐसे चढ़ना है। तो चाहे दोनों पैर आपके नीचे हो, एक हाथ से पकड़ो फिर एक हाथ से काम करो, और अगर आप इफ यू आर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स और इफ यू आर क्लाइंबिंग द लैडर, दो हाथ से दो रंग को पकड़े, एक पैर नीचे और दूसरा पैर हम ऊपर करेंगे, हमेशा 3-point contact मेंटेन करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि दो पे करोगे तो गिर जाओगे, ठीक है। सेकेंड, ऑलवेज फॉलो 4:1 rule। अब ये 4:1 rule क्या है, करेक्ट, फाइन। सो ऑलवेज फॉलो 4:1 rule, देखिए 4:1 rule क्या है, ये देखिए, दिस इज 3-point rule, ये अभी हमने बताया था आपको 3-point rule, है ना। ये आदमी भी देखिए, बेसिकली दो पैर इसके टच है, ये पैर हवा इसमें है, हाथ, दिस इज वन हैंड टू लेग, 4:1 rule क्या है, सी 4:1 rule इज दैट इफ दिस हाइट, नाउ दिस इज द बेसिकली सीलिंग, जो भी बीम है ना, या फिर कोई सीलिंग वाला पार्ट है, सो हाइट कितना होना चाहिए, नाउ दिस इज, अगर ये 4 feet का हाइट है, इफ दिस इज 4 feet, तो इसका जो पांव होना चाहिए लैडर का वो 1 feet पे होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड 4:1 ratio, है ना। सो इफ दिस हाइट यू आर टेकिंग 4, तो इसका कितना, जैसे कि लैडर को हमेशा स्लैंड करके रखा जाता है, तो कितने रेशियो पर रखा जाए, सो इफ दिस इज 4, सो इट शुड बी 1, करेक्ट, सो दिस इज कॉल्ड 4:1 ratio, ठीक है। 3 feet, ये लगभग 1 meter के बराबर है, फाइन। अच्छा, और क्या है, तीसरा चीज ये है कि देर आर 3 rungs, एक रंग, दो रंग, 3 rung, ये तो भाई इस पे तो ये है, नेवर स्टेप ऑन द टॉप 3 rung ऑफ द स्ट्रेट लैडर या फिर 2 फॉर द स्टेप लैडर, यानी मैं इसको लिख देता हूं, तो ऑलवेज फॉलो 4:1 rule, थर्ड, नेवर स्टेप ऑन टॉप 3 rungs इन स्ट्रेट लैडर, गिर ही जाओगे, है ना, अनबैलेंस होकर गिर जाओगे, और टॉप 2 rungs इन स्टेप लैडर, है ना, अनबैलेंस हो जाओगे। तो यानी कहने का मतलब यह है, कहने का यहां पे यह मतलब है कि ये 3 पे आप ना पैर रखो वरना गिर जाओगे, या फिर है ना, जैसे ये 3, 1, 2, 3, टॉप 3 पे नहीं रखना है, गिर जाओगे, या फिर टॉप 2 पे इसमें नहीं रखो, गिरने के चांसेस है, है ना। सो ये चीज कहना चाह रहा है इस, आई होप इट इज क्लियर, है ना, फाइन। तो ये हो गया बेसिकली किसके वजह से, सो दिस इज द हजार्ड। दूसरा क्या हो सकता, कोलिजन, है ना,
दूसरा वही कोलिजन, आजू बाजू गाड़ी आकर ठोक के चला गया तो क्या हो जाएगा, इससे भी इफेक्ट क्या हो जाएगा, देयर विल बी इंजरी, तो आप क्या करो वहां पे बैरिकेडिंग कर दो, है ना, बैरिकेड, बैरिकेड द एरिया, है ना, बैरिकेड कर दो तो बच जाओगे, फाइन। चलिए फोर्थ हो गया, नेक्स्ट फिफ्थ, फिफ्थ इट इज कॉल्ड एज ट्रेंचिंग, क्योंकि हर इंडस्ट्री में है ना ये यूज होता है, दिस इज कॉमन फॉर ऑल द इंडस्ट्री, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री या फिर मतलब पावर इंडस्ट्री हो या फिर मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, सिविल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर जगह ये चीज आपको मिल जाएगा। ट्रेंचिंग मतलब होता है कि द एक्सकैवेशन हुज डेप्थ इज लार्जर देन इट्स विड्थ, लार्जर देन इट्स विड्थ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई हमने गड्ढा खोद दिया, है ना, मान लो पाइपलाइन बिछाना है या फिर सीवर लाइन बिछाना है या फिर इलेक्ट्रिक केबल बिछाना है, तो ट्रेंच, इसको बोलते हैं ट्रेंच, ये आप ये देख सकते हो, ये विड्थ, ये जो डेप्थ है वो ज्यादा है। अब इसके अंदर क्या हो गया, सो सपोज सम एनी कोई आदमी इसके अंदर घुस के काम कर रहा है, तो क्या हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा डीप होने की वजह से यहां से सॉइल क्या होगा, द सॉइल डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, ये सॉइल यहां से डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि ये डिस्प्लेस होकर के इस आदमी को पूरी तरीके से इसके अंदर ढक दिया, है ना। जब आप मान लो कि बहुत नीचे गहरे इसमें काम कर रहे हो सकता है यहां से सॉइल क्या हो जाए, स्लाइड करके मे बी यू विल बी इंट्रैप, तो इसमें क्या होता है, हजार्ड क्या है, तो हजार्ड इज इंट्रैपमेंट, है ना। तो ट्रेंचिंग के केस में, ट्रेंचिंग के केस में व्हाट इज द हजार्ड, दिस इज हजार्ड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन, इफेक्ट एंड प्रिकॉशन, करेक्ट। हजार्ड क्या है, इंट्रैपमेंट सॉइल अंडर सॉइल, इंट्रैपमेंट अंडर सॉइल, सॉइल के अंदर दब गए, ठीक। इफेक्ट क्या होगा, इंजर्ड भी हो सकते हैं, इंजरी, या फिर मर भी सकता है आदमी, डेथ, सफोकेशन से डेथ, मर जाएगा, करेक्ट, फाइन। राइट, प्रिकॉशन क्या है, प्रिकॉशन है स्लोपिंग, शील्डिंग और शोरिंग एंड शील्डिंग, जरा देख लेते हैं इसको क्या है ये चीज, है ना, ट्रेंचिंग से प्रिकॉशन क्या है, स्लोपिंग, शोरिंग एंड शील्डिंग, करेक्ट। देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, नाउ इफ यू सी हियर इन दिस पर्टिकुलर फिगर, इसको बोलते हैं ट्रेंचिंग। अब देखो ये एक्सकैवेशन कर रहा है ना, यू कैन सी दैट दिस वॉल इज वर्टिकल, ये बिल्कुल वर्टिकल है, है ना, ये देखिए ये वर्टिकल ट्रेंच, ये ट्रेंच बनाया जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेंचिंग, है ना। ये बेसिकली हो सकता है सीवर लाइन हो, जो भी लाइन हो, इसको डालने के लिए ट्रेंचिंग बनाया जा रहा है। अब ये क्या होता है, इसमें इंट्रैपमेंट हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू मेक स्लोप, इस तरीके से क्या होगा, सो इफ यू सी हियर इट इज योर स्लोप, है ना, ये स्लोप, सो इफ यू सी इन दिस पर्टिकुलर केस कुछ एंगल से इसको स्लोप बना देते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं स्लोपिंग, है ना। स्लोपिंग करने से क्या होगा कि इंट्रैपमेंट नहीं होगा, जो भी आदमी इसके अंदर काम करेगा इसको, देयर विल बी नो डेंजर टू दिस, करेक्ट। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज स्लोपिंग। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड एज शोरिंग। शोरिंग में क्या होता है कि दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज शोरिंग, शोरिंग, सो व्हाट इज द एम, सो प्राइमरीली डन टू अवॉइड कोलैप्स, डन टू अवॉइड कोलैप्स, है ना। जैसे कि यहां पे क्या हो गया, ये दीवार जो है कोलैप्स कर सकता है, तो इसको क्या किया गया, इसको इस तरीके से रख दिया गया, सो दैट इट डज नॉट कोलैप्स, है ना, जब तक इस पे काम ना हो जाए, फिनिश ना हो जाए तब तक, सो इट इज कॉल्ड एज शोरिंग, करेक्ट। तो शील्डिंग समझ में आ गया, सॉरी स्लोपिंग समझ में आ गया, शोरिंग समझ में आ गया। अब जो तीसरा है, इसको कहते हैं शील्डिंग, दिस इज कॉल्ड एज शील्डिंग, शील्डिंग, ये इट इज प्राइमरीली डन टू सेफ गार्ड द वर्कर्स, टू सेफ गार्ड द वर्कर, है ना। जैसे कि
यहां पे देखिए, दिस इज वन वॉल, यू कैन सी दिस इज अनदर वॉल, और बीच में क्या किया गया, ये हाइड्रोलिक या फिर वुडन भी लगा सकते हो या फिर फिक्स्ड भी लगा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन, इस तरीके से लगा दिया जाता है। और बाकी के बीच वाली जगह पे यहां पे देखो इस तरीके से लगाया गया है ना, सो दैट ये दोनों वॉल कोलैप्स होकर नीचे ना आ जाए और वर्कर कैन इजिली वर्क। तो ये देखिए ट्रेंच क्या है, यू कैन सी दैट कितना गहरा पे काम कर रहा है, यू कैन सी दैट द डेप्थ, सो ट्रेंचिंग मींस द डेप्थ विल बी लार्जर एज द कंपेयर टू द विड्थ। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये नहीं रखे तो सॉइल क्या हो जाएगा, सॉइल जो है यहां से गिर करके इस आदमी को ढक देगा, है ना, तो जिंदा ही दफन हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा नॉट सीन, अच्छा ये कलर नहीं दिख रहा है, ओके मैं चेंज कर देता हूं, नहीं दिख रहा है तो आई विल टेक द ब्लैक कलर, है ना। सो दिस इज योर शोरिंग, अच्छा एक काम करते हैं, कहां लिखूं, यहां दिख जाएगा शायद, है ना, कहां लिखूं, इसको बोलते हैं सो यहां लिखूं, शायद इस पे दिख जाएगा, आई विल राइट हियर शोरिंग, शायद ये दिख जाएगा शोरिंग। सो इट इज प्राइमरिली डन टू सेफ गार्ड द वर्कर, सेफ गार्ड द वर्कर, है ना, ये हो गया शोरिंग, ठीक फाइन, ये हो गया शोरिंग प्राइमरी डन टू सेफ गार्ड द वर्कर, फाइन। अच्छा अब दिख रहा होगा शायद, करेक्ट। नेक्स्ट इज अबाउट पीपीई, है ना, नेक्स्ट इज अबाउट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई, पीपी मतलब हो गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नेक्स्ट जो है दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सो ये लास्ट ही है ऑफ द सेफ्टी। तो ये इसमें जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव प्रोटेक्टिव बूट्स, है ना, ये देखिए आदमी पहना भी होगा बूट, दिस इज प्रोटेक्टिव बूट्स, डस्ट मास्क, ये हो गया मास्क पहन रखा है, आई वियर, ये हो गया सनग्लास, प्रोटेक्टिव हेलमेट, हेडफोन्स, दिस इज क्लोथ्स अपरन भी कह सकते हैं, एंड दिस इज द ग्लव्स, इसको बेसिकली बोलते हैं पीपी। जैसे कि कोरोना के केस में हम लोग बहुत यूज किया करते थे, इजंट इट, सो वी यूज टू यूज, लास्ट वन इज बेसिकली योर शील्डिंग, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिए थे क्या, ओके नो दिस इज शील्डिंग, सॉरी दिस इज शील्डिंग, अच्छा गलती से लिख दिया, दिस इज शील्डिंग, क्योंकि शोरिंग इससे पहले वाला था, ये शील्डिंग है क्योंकि शोरिंग तो ये था, दिस इज बेसिकली शोरिंग, सो दिस इज बेसिकली शील्डिंग, है ना, ये शील्डिंग है। चलिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन कौन से हैं वो जरा देख लेते हैं एक एक करके। सो दिस इज कॉल्ड एज पर्सनल, जैसे कोरोना में भी हम लोग अभी भी मास्क पहनते हैं, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव, एंड वी कैन नॉट शेयर इट, आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, हाँ भाई आप ले लो पहन लो, नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला इसको बेसिकली, सो दिस वन द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सो द फर्स्ट वन इट इज योर, ये जो पहला है ना, दिस इज योर हेड, नॉट हेड, फेस एंड आई प्रोटेक्शन, है ना, द फर्स्ट वन इट इज योर फेस एंड आई प्रोटेक्शन, तो इसमें क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कि फेस का शील्ड, जैसे कि आई प्रोटेक्शन के लिए आई शील्ड, है ना, इस तरीके से, या फिर आई शील्ड की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं वर्ड सेफ्टी ग्लास, जैसे सेफ्टी ग्लास का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, फाइन। सो फेस एंड आई प्रोटेक्शन कहां यूज करेंगे इसको, सेफ्टी ग्लास हो गया, देन वी कैन फेस शील्ड यूज कर सकते हैं, फेस शील्ड कैन बी यूज्ड, और इसको यूज कहां किया जाता है,
सो दिस काइंड ऑफ यू कैन सी दैट ग्राइंडिंग या फिर वेल्डिंग इंडस्ट्री में आप यूज कर सकते हो इसको, इजंट इट? सो इसको यूज किया जा सकता है वेल्डिंग, कटिंग एटसेट्रा. ये हो गया करेक्ट. नेक्स्ट सेकेंड वन जो है इट इज बेसिकली योर फुट प्रोटेक्शन. इसके आप क्या यूज कर सकते हो? सो आई कैन यूज व्हाट बूट्स, है ना? ये हो गया बूट्स, करेक्ट. ये हो गया बूट्स. सो फुट प्रोटेक्शन ये यहां यूज करेंगे. फाइन. नेक्स्ट हैंड प्रोटेक्शन, है ना? हैंड प्रोटेक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे? सो हैंड प्रोटेक्शन के लिए यूज करोगे सेफ्टी ग्लव्स. ये देखिए सेफ्टी ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इजंट इट? सो हैंड प्रोटेक्शन, ये सारे पीपी के पार्ट हैं. नेक्स्ट आपको यूज कर सकते हो हेड प्रोटेक्शन. नेक्स्ट इज योर हेड. इसको बस देखते हैं क्या है हेड प्रोटेक्शन. इसमें क्या यूज किया जाता है? हार्ड हैट्स, है ना? तो डिफरेंट कलर के हार्ड हैट्स मिलते हैं. जैसे ये ऑरेंज कलर का पहना हार्ड हैट्स, ब्लू कलर, यू हैव सीन येलो कलर, व्हाइट कलर के भी यूज कर सकते हैं, है ना? नेक्स्ट इट इज द ईयर प्रोटेक्शन. नेक्स्ट इज योर ईयर प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज कर सकते हैं? हेडफोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, हेडफोन्स, है ना? ये देखिए हेडफोन पहनाइए, हेडफोन्स, करेक्ट. नेक्स्ट ये तो फॉल अरेस्ट सिस्टम है. दिस इज योर फॉल अरेस्ट सिस्टम. ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. दिस इज अ फॉल अरेस्ट सिस्टम. और ध्यान रहे वॉट एवर द पीपी इज प्रोवाइडेड इट शुड नॉट बी शेयर्ड. ऐसा नहीं कि आप शेयर करोगे, नहीं कर सकते. जिसको जो मिल गया वही यूज करेगा. नाउ दिस इज बेसिकली योर, ये आपका क्या है? दिस इज बेसिकली योर एप्रॉन्स, है ना? दिस आर एप्रॉन्स. आप देखते हो इस तरीके से पहन करके. एप्रॉन्स से फायदा क्या होता है? सो इट हैज बेसिकली टू फोल्ड यूटिलिटी. फर्स्ट थिंग इज दैट कि इट हैज द इन द नाइट ऑल्सो इट विल रिफ्लेक्ट द लाइट. आपने देखा होगा कि वर्कर्स लोग पहनते इस तरीके के जैकेट्स कि वेन द लाइट फॉल्स ऑन इट, इट विल रिफ्लेक्ट बैक सो दैट यू विल कम टू नो दैट देयर आर सम वर्कर्स वर्किंग. फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज बेसिकली जितने भी ओवर हैंगिंग क्लोथ्स हैं दैट विल बी बेसिकली शील्डेड बाय दिस काइंड ऑफ एप्रॉन्स, है ना? जैसे मान लीजिए कि देयर इज सम हेवी मशीनरी वर्क इज गोइंग ऑन, यू कैन नॉट वेयर सलवार सूट एंड गो, क्योंकि हो सकता है दुपट्टा फंस जाए मशीन के अंदर. यू कैन नॉट वेयर साड़ी एंड गो, दुपट्टा साड़ी के भी पल्लू फंस सकते हैं. धोती कुर्ता पहन के नहीं जा सकते, धोती फंस सकता है. तो इसके क्या क्या होता है? ओवर हैंगिंग क्लोथ्स को हम लोग क्या करते हैं? वी शील्ड इट सो दैट देयर विल बी नो ओवर हैंगिंग क्लोथ्स. तो इसका पहनना अनिवार्य है सो दैट देर विल बी नो ओवर हैंगिंग क्लोथ्स, राइट? सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज एप्रॉन्स. नेक्स्ट दिस इज योर बेसिकली ऑक्सीजन सिलेंडर. सो ऑक्सीजन सिलेंडर कहां यूज कर सकते हैं? सो ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, मरीन पानी के अंदर काम करने के लिए, सो दिस काइंड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स वी कैन यूज. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पीपीई. एंड दिस इज बेसिकली फेस मास्क. दिस इज योर फेस मास्क, है ना? फेस मास्क. तो इसमें क्या होता है? ये पॉइजनस गैस आपको नजर आ रहा होगा. तो मान लीजिए कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो या फिर कहीं पे और काम कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा कि इस तरीके के टॉक्सिक गैसेस में हार्म यू, तो वहां पे इसको बचने के लिए हम लोग इस तरीके से फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? सो बेसिकली ये सारे आपके पास स्लाइड्स थे जो मैंने आपको बताया पीपीई के लिए बारे में. सो दिस इन द ऑल द काइंड ऑफ इंडस्ट्री इस तरीके से पीपीई आपका इस्तेमाल किया जाता है. सो with this basically we end our session. So we have done the drawing, two chapters drawing, which is the most important, जिससे ज्यादा question है. और safety में basically basic idea हमें मिल गया कि what is PPE, they will ask PPE के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, right? Then what are the safety rules, basically MEWP के बारे में. So we have seen basically जो सारे industry में use होते हैं. Fine. These are the common thing that are basically used in the industry. तो basic आपको पता चल गया कि safeties के में कौन कौन से चीज हमें पहनने होते हैं, क्या क्या चीज यूज होता है, क्या क्या hazardous हो सकता है, scaffolds क्या होता है, fall क्या होता है, slip क्या होता है. So basic idea we have seen. So with this we conclude our design drawing safety session.
सो आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन, यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स. कितने कम टाइम में जितना बेस्ट पॉसिबल हो सका आई हैव डन इट. फाइन, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. सो थैंक यू एवरीवन.